अभी भी कुछ लोग वेटिंग में हैं, एक बार वो ऐड हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक नाम और नंबर अपडेट नहीं किया है, जैसे वीवो है, टाइटल 123 है, आप प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए, टाइटल वीवो मोबाइल फोन। आप स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऐप दिखेगा ऐसा जूम आपके मोबाइल के ऊपर। आपको सबसे पहला आपको यहाँ पे ज्वाइन ऑप्शन पे, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करनी है ताकि आप ऑडियो सुन सके और बोल सके। तो उसके लिए आपको कंपलसरी कॉल वाया डिवाइस सिलेक्शन रखना पड़ेगा। आपको नाम बदली करना है तो आपको पार्टिसिपेंट ऑप्शन में आना है। पार्टिसिपेंट में सबसे ऊपर यानी मी ऑप्शन आएगा, मी पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ रीनेम ऑप्शन है, रीनेम में जाके आपको नाम और सिटी डालनी है। ये कंपलसरी है सर, नहीं तो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं अलाउ किया जाएगा सेशंस के दौरान। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज, जिन्होंने अपना नाम और एरिया अपडेट नहीं किया है उनको क्वेश्चन आंसर हम अलाउ नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज, आई एम, ये आई एम कोई है प्लीज अपडेट कर लीजिए सर। आई एम टाइटल 123 प्लीज अपडेट कीजिएगा, टाइटल 123। बस दो लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया, बाकी लोग का अपडेट हो चुका है। सो आपको दोबारा मैं बता दूं कैसे होगा। सबसे पहला तो आपको जूम ऐप ओपन करना है, पार्टिसिपेंट्स में जाना है। पार्टिसिपेंट में जाने के बाद यहाँ पे मी ऑप्शन है, मी ऑप्शन पे क्लिक करनी है। उसके बाद रीनेम में जानी है, रीनेम के अंदर आपको अपना नाम और सिटी डालना है और ओके प्रेस करना है। नाम और सिटी टाइप करके ओके करेंगे, अन्यथा हम लोग आपको क्लास में क्वेश्चन आंसर रेज हैंड करेंगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई नाम नहीं बदली कर सक रहे हैं तो प्लीज, अगर जैसे टाइटल 123 आपको बदलना नहीं आ रहा है, आप चैट में लिख दो अपना नाम और सिटी, हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी। चैट के अंदर लिख दो, यहाँ पे चैट ऑप्शन में जा करके लिख दो तो आपको यहाँ पे हमारी टीम अपडेट कर देगी आपके नाम और एरिया को। ये मोबाइल से कनेक्टेड है कोई 6176019। सो चैट में जाने के लिए आपको मोर ऑप्शन में जाना है। आपके स्क्रीन पे देखो राइट साइड में मोर ऑप्शन होगा, मोर पे क्लिक करना है, चैट में जाइए। अगर आपको कोई चीज चैट करके लिखनी है या क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। अगर आप अपना नाम, जैसे अवधेश जी ने लिखा 123, उनका नाम चेंज कर दिया जाए, टाइटल 123। सतीश सर मुझे को होस्ट बनाइएगा प्लीज। यस सर। सो टाइटल 123 ने उन्होंने नाम नहीं बदली ऑलरेडी कर सक रहे हैं, रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। ठीक है, मैं अवधेश जी का मैं यहाँ से कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, पीसी यूज कर रहे हो या आप कुछ भी यूज कर रहे हो, सबके अंदर करके रखना है नाम रीनेम। आप अपना दिलीप पीसी के नाम से कर सकते हो, दिलीप जी में। पीसी के लिए आपको पार्टिसिपेंट में जाना है, पार्टिसिपेंट में सबसे पहला नाम आपको दिखेगा आपका, उसको मोर में जाके रीनेम करना है। पीसी के लिए ये ऑप्शन है, आपको रेज हैंड का एक ऑप्शन आएगा तो मोर में जाएंगे तो रेज हैंड करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको रेज हैंड करना है। पार्टिसिपेंट ऑप्शन में आप देखोगे तो आपका, जैसे मैंने ये रेज हैंड किया है तो मेरा रेज हैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ से आपको रेज हैंड करना है, आपका अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो इसको आप लोअर हैंड भी कर सकते हो। तो रेज हैंड हम लास्ट में यूज करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा तब हम आपको रेज हैंड कर, जिन जिन का रेज हैंड रहेगा मोर में जाके रेज हैंड करना है, उनको हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन था हमारे तरफ से। तो मैं अविनाश सर को कहूंगा कि प्लीज आगे हमें आगे गाइड कीजिए आगे वर्कशॉप के लिए। सो थैंक यू सतीश जी। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम इज इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए भी है आपके लिए भी है। क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारे साथ जो स्थिति चल रही है तो हमें टाइम को पूरा यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो अभी टाइम यूटिलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अपने पास है अभी कि हम जो सीखते हैं हमको वो प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है, हमें सिखाना है, आपको सीखना है, आप कुछ जानते हो हमें भी सिखा सकते हो, अपनी टीम को भी सिखा सकते हो, राइट। तो ऐसा चलते रहेगा, वन टू वन इंटरेक्शन सेक्शन। तो
सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा आप लोगों का सभी का स्मार्ट क्लासेस के अंदर, यानी मोनार्क स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। सो सबसे पहला आइटम कि अभी हमारा 8.1 वर्जन रिलीज हो चुका है। जो लोग जुड़े हुए हैं आपको कंपलसरी 8.1, मेरा बार बार रिक्वेस्ट होता है हमारी टीम के साइड से, हमारा रिक्वेस्ट है जिन्होंने 8.0 या 8.1 अपडेट नहीं किया है आगे उनको काफी सारे फीचर्स वर्क नहीं करेंगे, यानी आपको कंपलसरी 8.1 वर्जन डालना है। ये स्पेशली आपको घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो स्मार्ट कट प्रो 8.1 के अंदर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आज का जो सेशंस है, जो कल हमने सेशंस कंप्लीट किए थे, जैसे हमने 2D टाइटल के अंदर एनिमेशन करना सीखा था, उसके अंदर PNG सेट करना सीखा था, उसके अंदर बैकग्राउंड सेट किया था, और आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉर्मल 2D टाइटलर, यानी नॉर्मल 2D टाइटलर यानी टाइटल मिक्स। कल टाइटल मिक्स के बारे में हमने हल्की फुल्की जानकारी दी ली थी, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो अलर्ट रहिएगा और एक्टिव रहिए, चाय पीना है चाय कॉफी पानी पियो, आप बैठ के एंजॉय करो, लेकिन जो सेशन है इसको आज मत मिस करना। अगर आज मिस किया तो बहुत सारा आइटम आप छोड़ने वाले हो, राइट। तो 2D के अंदर भी क्या क्या एक्सक्लूसिव है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 1-to-1। सो और आर प्लस इजी एस्टोन के अंदर काफी लोगों को फोटो आर्ट के अंदर पेस्टिंग का इफेक्ट का इश्यूज आता है, ऑपरेटिंग करने नहीं आता है, तो उसका 1-to-1 पूरा सेशन मेरे द्वारा लिया जाएगा, वो हम कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है, आपको फुल ट्रेनिंग वीडियो हमारे वेबसाइट सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब पे अवेलेबल है आपको। प्लस ये हमारी ट्रेनिंग टीम्स के नंबर हैं, हम लोग रेगुलरली शेयर कर रहे हैं आप लोग को 1-to-1। अगर किसी को ट्रेनिंग रिलेटेड ऑपरेटिंग रिलेटेड कुछ भी इशू होता है, आपको बिंदास फोन घुमाना है, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम इज अवेलेबल, राइट। ठीक है, हमारी टीम हमारे आपके साथ हमेशा है और रहेगी, ठीक है। और आज कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द डे 5। निकुन सर आप रेडी हो क्या? निकुन सर? हाँ सर रेडी हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग निकुन जी को बुलाएंगे। निकुन जी को बुलाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। निकुन जी आप अपना PC शेयर करेंगे क्या सर? यस सर, 1 मिनट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल के अंदर, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने काफी टाइम में हमने FAQ यानी आपके द्वारा क्वेश्चन किए हुए पार्ट्स में से हमने ये एक सेशन असाइन किया है। ये स्पेशली क्यों असाइन किया है उसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मेरा एक नॉर्मल टाइटल है और उस मेरे घर के अंदर दो शादियां हो रही है, मेरे एक ही घर में दो शादियां हो रही है, उसके लड़के का भी हो रहा है उसकी लड़की का भी हो रहा है। अब मुझे उसका वैसा टाइटल बनाना है, नॉर्मल टाइटल को मुझे वैसा बनाना है, मतलब दो पार्टी का, यानी एक ही घर के अंदर दो शादियां हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं मॉन्टाज पे लेके जाऊंगा, उसका पूरा स्टार्ट से एंड तक का ये पूरा सेशन है जो अगले 1 से 1.5 घंटे चलने वाला है। सो मेक श्योर नेट डिस्कनेक्ट नहीं हो, मोबाइल का वीडियो चालू है, मोबाइल का वीडियो डिसेबल कर दो, ऑडियो सुनो, वापस से मैं बोलता हूँ ऑडियो सुनो, ध्यान से देखिए स्क्रीन को, बफरिंग नहीं होगी, स्मूथ वीडियो दिखेगा। लेट्स कंटिन्यू। निकुन जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। यस, तो स्टार्टिंग करता हूँ। तो बेसिक जैसे कस्टमर बोलते हैं कि हमें कस्टमाइज टाइटल मिक्स का प्रोजेक्ट सेट करना है, मतलब मेरे पार्टी के हिसाब से, मेरा एक पार्टी है उसका एक ही फैमिली में दो शादी है और मुझे एक ही टाइटल बना के देना है, तो कैसे दे सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ कि मैंने एक टाइटल मिक्स में एक टाइटल रेडी किया है। जैसा हमारा आई टाइटलर है उसमें मैंने एक टाइटल रेडी किया हुआ है, जैसे इसे प्ले करता हूँ। यस सर, 1 मिनट। वीडियो में वॉल्यूम 5 पे कर दीजिए या 4 पे, 5 या 4 पे, 4 पे। ओके, लेकिन मेरा एक टाइटल है, नॉर्मल टाइटल है, ये मेरी शादी की नॉर्मल टाइटल है जिसके अंदर एक ही पार्टी का यानी एक ही शादी का एक लड़का लड़की का है। अब मुझे एक ही घर के अंदर दो शादियां हैं और दो शादियां का इसमें टाइटल बनाना है, तो अभी निकुन जी आपको बताएंगे हम कैसे तैयार करेंगे, यानी एक जो रेगुलर हमारे पास प्रोजेक्ट है उसको हम ड्यूअल टाइटल के अंदर बनाएंगे कैसे और मोंटाज पे भी कैसे यूज करेंगे, इधर टाइमलाइन पे कैसे रखेंगे, ये 1-to-1 अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके,
तो पहले तो हमें क्या करना है, जैसे आप देख सकते हो कि ये सिंगल फुटेज वाला है, मतलब एक सिंगल पार्टी का है। अभी मल्टी करना है तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ये एक प्रीव्यू दिख रहा है, सेम यहीं पे प्रीव्यू एक बना ले। या दूसरा कि हम लोग एक मोर देन पेज ऐड कर सकते हैं, मतलब ये मेरा थर्ड वाला पेज है, अब मुझे पर्टिकुलर एक पेज के अंदर एक कपल चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम सिंगल पेज के अंदर डबल करना बताएंगे किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, 10 पेज का मैंने बनाया। आपको ज्यादा करना है आपके हिसाब से ज्यादा कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करना मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे लेयर थे उसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे अलग अलग लेयर ऐड हुए हैं। ओके, और यहाँ पे ये मेरा 3 नंबर वाला टैक्स है, मतलब जो 3 नंबर वाला जो मेरा लेयर है उस पे मैं जा रहा हूँ। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एक फुटेज को डबल करना है, मतलब पहले तो मेरा फोटो को डबल करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेट करके रखा है। अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे एक पहले तो एक लेयर ऐड होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये वाला मेरा मेन है, उसका कॉपी करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, लेयर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे बीच में लेयर चाहिए तो मैं ट्रैक को सिलेक्ट करके उसके बाद ऐड ट्रैक में एक जाता मिनट हूँ। एक मिनट एक मिनट निकुंज सर, यस यानी निकुंज सर बताना ये चाह रहे हैं कि ये मेरा जो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल है, ये लड़का लड़की का पिक्चर है, आप जो यहाँ प्रीव्यू पे देख रहे हो, राइट। अब मुझे इसको डबल करना है, तो डबल करने के लिए, यानी डबल क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे दो लड़का लड़की चाहिए और दो टेक्स्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका लेयर खोला, एक्सपेंड किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सर। यस तो ऐड करता हूँ। जैसे दो लेयर चाहिए तो यहाँ पे दो लिखना है, और ऑडियो का जितना चाहिए उतना आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे दो किया और ओके किया, तो आप देख सकते हो ये ऊपर की साइड पे आ चुका है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर यही लेयर को इसे बंद करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ। मुझे दोनों एक साथ सिलेक्शन चाहिए तो मैं इसे दोनों को सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग पोजिशन में जाके वापस से इसे पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये अभी क्या हुआ, मेरा आइटम तो पेस्ट हो गया लेकिन वो वही जगह पे आ गया है। ओके, तो हमें इसका पोजीशन भी सेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेट कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जो आपने कॉपी पेस्ट लेयर किया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोशन में जाना है इफेक्ट सेटअप के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन है, आपको सिंपल क्या करना है, ये माइनस में जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ये मैंने अभी फ्रेम सिलेक्ट किया है और उसका वैल्यू माइनस में 580 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सीधा माइनस को डिलीट करता हूं, तो वो वही वाला फ्रेम ऑपोजिट साइड पे प्रॉपर जगह पे सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जितना गैप है उतना गैप यहाँ पे भी वो सेट कर लेगा। ओके, उसके बाद सेम मुझे फुटेज को भी चेंज करना है, मतलब फुटेज को भी मल्टी करना है, निकुन तो सर पोजीशन। निकुन सर निकुन सर, यस ये यस पोजीशन वाला वापस रिपीट कर दीजिए, ये पोजीशन की ये कैसे गया, वापस से थोड़ा धीरे से रिपीट कीजिएगा। ओके, तो स्टार्टिंग पोजीशन में मैंने किया, जैसे मैंने क्या किया, ये वाले लेयर को कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। ओके, मतलब दो जो मेरा फाइल था उसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसका जो पोजीशन था, मतलब जो मेरा मेन लेयर है उसका जो पोजीशन था वो सेट किया हुआ था बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मोशन के अंदर, जैसे आप देख सकते हो इफेक्ट सेटअप के अंदर से। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये वाली के ऑपोजिट का पोजीशन चाहिए तो मुझे वैल्यू सेट करना पड़ेगा। वैल्यू सेट करना है तो कैसे कर सकते हैं और शॉर्टकट क्या है उसका भी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ जो लेयर का पोजीशन चेंज करना है उसका। उसके बाद मोशन में जाता हूँ और मोशन के अंदर जाने के बाद मैं पोजीशन में जाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन एक्स पे एक अलग वैल्यू डाला हुआ है, जैसे आप देख सकते हो वाई में कोई वैल्यू नहीं है और एक्स में मेरा वैल्यू है, यानी ये लेफ्ट राइट का मेरा वैल्यू है। आप देख सकते हो जैसे लेफ्ट राइट मुझे करना है तो मैं यहां से लेफ्ट राइट कर सकता हूं। ओके, एक मिनट अविनाश सर, एक ही मिनट। देखो, इसको बेसिकली दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक निकुंज जी ने जैसा ये बताया कि आप इसके अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा दूसरा एक सिंपलेस्ट तरीका है, आपको की फ्रेम नहीं छेड़ना है, विदाउट की फ्रेम छेड़ते हुए जाना है, तो आप वीडियो फिल्टर के अंदर से फ्लिप का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। यस फ्लिप का ऑप्शन, यानी आपको अगर देखो, मेरा मेरा क्या मोटिव होता है कि आप कितना इजी सीख सकते हो, मेरा मोटिव यही रहता है। तो अभी निकुंज जी ने क्या किया कि अभी निकुंज जी को मोशन छेड़ना पड़ेगा, तो तो मोशन से पहला आइटम आप मोशन से कर सकते हो, दूसरा आइटम हम लोग वीडियो फिल्टर से कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं वीडियो फिल्टर से। हाँ हाँ, लेकिन ये यही पोजीशन पे सर फ्लिप होगा। हाँ ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मोशन से करके दिखाता हूँ।
सिलेक्ट करता हूँ जो आइटम मुझे चेंज करना है, पोजिशन चेंज करना है, वो आइटम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो ये मेरा जो वाई वैल्यू है, सॉरी एक्स वैल्यू है, उस पर जाता हूँ। और एक्स वैल्यू पे जाने के आप देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू डाला हुआ है, जैसे -0.580 वैल्यू है। ओके, अभी मुझे प्लस में करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा इसको माइनस को रिमूव करूंगा। और जैसे मैंने रिमूव किया, आप देख सकते हो ये मेरा जो फ्रेम था, बाय डिफॉल्ट मैंने पहले कॉपी करके रखा था, तो ये फ्रेम मेरा प्लस वैल्यू के अंदर सेट हो गया। ओके, तो मुझे इसका पोजीशन मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, सीधा माइनस निकाला और मेरा पोजीशन प्रॉपर वो सेट हो गया। बाकी जो जूम वूम मोशन वगैरह था वो प्रॉपर उसके हिसाब से ही सेट है, सिर्फ हमने पोजीशन चेंज किया है। सेम यही चीज, ये तो मेरा हुआ फ्रेम। अभी मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर नीचे वाला जो ट्रैक है, मतलब जो ये मेरा फुटेज है, उसको भी वैल्यू चेंज करना है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें हमने मास्क लगाया हुआ है, तो इससे क्या होगा, अगर मास्क का फायदा समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर कोई फुटेज है इस पे सीधा रिप्लेस करता हूँ। तो अगर मैंने क्रॉप यूज किया होता तो वो कट हो जाता, अगर वो कोई भी साइज का हो, जैसे 4:3 हो या HD हो, तो मैं वो डालता तो इसके हिसाब से वो क्रॉप कर लेता। अगर मैंने मास्क रखा है और उसके अंदर से मैंने फोटो को अटैच किया हुआ है तो वो प्रॉपर पोजीशन में सेट होगा। अगर उसके अंदर का जो मटेरियल है, जैसे ये वाला फोटो है, उसको मुझे आगे बाजू आजू बाजू में मोशन करना होगा तो वो भी हो जाएगा। तो पहले ये सिंपल सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग पोजिशन चेंज करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो जैसे ये बेसिक मोशन है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने बेसिक मोशन पे क्लिक किया, बंद किया, तो आप देख सकते हो ये मेरा फुल फोटो आ गया। ऑन कर रहा हूँ तो ये फुल फोटो पोजीशन के हिसाब से सेट है। ओके, तो बेसिक मोशन में जाता हूँ, जो हमने ये वाला पोजीशन को चेंज किया था सेम यही हम लोग बेसिक मोशन से भी चेंज करेंगे। क्या करूंगा, बेसिक मोशन में जाऊंगा, एक्सपेंड करूंगा और उसके बाद पोजीशन में जाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 58 वैल्यू है, 0.58। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी जाके माइनस की जगह पे प्लस, तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट फोटो सेट हो गया। आप देख सकते हो उसके पोजीशन में वो आ चुका है। तो ये दोनों का मोशन भी सेम है, क्योंकि हमने दूसरा कोई आइटम छेड़ा नहीं था, हमें सिर्फ पोजीशन चेंज करना था, तो हमने पोजीशन चेंज कर लिया। सपोज मुझे ये दो फोटो को ऊपर लेना है, मतलब दोनों को ऊपर लेना है, तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो क्या करता हूँ, नीचे वाले को, क्योंकि हमें टेक्स्ट दो लिखना है तो थोड़ा टेक्स्ट का जगह कम गिरेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऊपर लेंगे। तो पहले जो वाला ये चेंज किया उसको ऊपर लेते हैं। क्या करता हूँ, पहले फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और पोजीशन वाई में जाता हूँ, और पोजीशन वाई में जाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जैसे 10% अप ले लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा फोटो ऊपर चला गया। सेम यही चीज मैं अपना जो फ्रेम है उसे करता हूँ, क्लिक करता हूँ, पोजीशन में जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसे अप कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने 10% इसे भी कर लिया, मतलब ये 100 यहाँ पे हुआ। ओके, तो ये मेरा एक अप हो गया। सेम यही चीज नीचे वालों को भी मुझे अप डाउन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ फ्रेम को, फ्रेम को अप कर लेता हूँ, जैसे 100 कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके 100। ओके, ये मेरा फ्रेम सेट हो गया। सेम फोटो को करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है, बेसिक मोशन में जाना है और यहाँ पे जाके मुझे उसे भी अप करना है। जैसे 10% सेट किया था तो ये 0.10% वैल्यू सेट हो गया। ओके, तो ये मेरा एक मोशन के साथ जो मेरा फोटो था वो सेट हो गया। आप देख सकते हो, जैसे प्ले करके दिखाता हूँ, तो मैंने पहले क्या किया, मेरा मोशन बना लिया, मतलब जिसमें मुझे जो ग्राफिक्स, मतलब फोटो या वीडियो जो भी दिखाना था उसको मैंने सेट कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो दूसरे पार्टी का जो फोटो है, जैसे सर ने बताया कि भाई दो पार्टी का लगाना है तो दूसरे पार्टी का फोटो अटैच करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ये वाले फोटो की जगह दूसरा रिप्लेस करता हूँ। कैसे करता हूँ, बीन में जाता हूँ, बीन में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, फुटेज को क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और जहां पे भी मेरा फुटेज है, जैसे आप देख सकते हो फुटेज के अंदर मैं फोटो दूसरा ले लेता हूँ, जैसे हम लोग ये वाला फोटो लेते हैं या फिर कोई अलग से, जैसे ये दूसरी पार्टी का, तो ये ले लेते हैं। ओके, और इसे मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। कैसे रिप्लेस करता हूँ, मेरा पोजिशन वगैरह तो सेम रहना चाहिए लेकिन सिर्फ मेरा ग्राफिक्स ही रिप्लेस होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, बीन में जाता हूँ, जो फोटो रिप्लेस करना है उसे सिलेक्ट करता हूँ और उसको घसीट के शिफ्ट दबा के जो फोटो था उस पर रिप्लेस कर देता हूँ। क्लिक करूंगा, छोड़ूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वो फोटो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा फोटो कट हो रहा है, तो मुझे उसका पोजिशन भी सेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फोटो को वापस से सिलेक्ट करता हूँ,
इफेक्ट सेटअप में जाता हूँ और बेसिक मोशन के अंदर जाता हूँ। आप देख सकते हो बेसिक मोशन के अंदर जाऊंगा तो आप पोजिशन जैसे मैंने बताया वैसे, तो हमें सिर्फ फोटो ही हिलाना है, मास्क को नहीं हिलाना। अगर मैं यहाँ से ये हिलाऊंगा तो ये मेरा मास्क हिलेगा, मतलब जो आउटर जो सेट किया है वैल्यू वो हिल जाएगा। तो हमें तो फोटो हिलाना है, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ नॉर्मल वाले मोशन में जाऊंगा, ये वाले में ओके ओपन किया, उसके बाद पोजिशन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे एक वैल्यू डाला हुआ है जैसे आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके सेटिंग के हिसाब से सेट करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 200 कर देता हूँ ओके। तो ये मैंने मेरे पोजिशन के हिसाब से सेट कर लिया, जैसे इसे थोड़ा सा ये ओके, ये मेरा फोटो सेट हो गया, मतलब एक फ्रेम के अंदर मैंने दो पार्टी का फोटो सेट कर लिया ओके। तो इस तरीके से हम लोग दो पार्टी का फोटो ऐड कर सकते हैं। सेम एज इट इज चीज मुझे टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो मेरा टाइटल मिक्स वाला पेज है, आप देख सकते हो ये वाला पोजीशन पे है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जाता हूँ। जैसे सर ने कल के सेशन में बताया था कि एडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है टेक्स्ट को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ओपन आई टाइटल प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरा आई टाइटल ओपन हो जाएगा, जैसे ये अभी हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि थर्ड नंबर का पेज है तो मुझे थर्ड नंबर में चेंजेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ वापस से गया थर्ड नंबर में गया। जैसे ये सेकंड फर्स्ट वाला नाम है एज इट इज हम लोग कॉपी करके नीचे रख देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो दोनों लेयर एक साथ सेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पोजिशन चेंज करना है तो आप शिफ्ट पकड़ के या सीधा घसीट के भी आप उसका पोजिशन सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ मेरा दूसरे पार्टी का नाम भी लिख देता हूँ, हिंदी भी लिख सकते हैं, हिंदी लिख दीजिए ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ हिंदी पे क्लिक करता हूँ, पहले तो इरेज कर लेता हूँ, नाम लिख दीजिए आप अपना ओके, और मेरा नाम लिख देता हूँ निकुंज और संग ओके। जैसे ये टाइप हो रहा है वन मिनट ओके, सॉरी ऊपर से टाइप हो रहा है क्योंकि हमने लेयर सिलेक्शन नहीं किया था, यहाँ पे सिलेक्ट किया था ओके। इसको वापस से पहले तो इरेज करता हूँ और उसके बाद गया और एक मिनट सर वो क्या कर रहा है अभी मैंने पर्टिकुलर, हाँ ये हो गया और यहाँ पे जाके ओके संग अर्थ की ओके। तो ये मेरा नाम हो गया, उसके बाद जैसा मोशन सेट करना है जैसे यहाँ पे जाके हाँ। काफी टाइम क्या होता है कि ये जो हिंदी आप टाइप करते हो ऊपर से देखो कटता है, थोड़ा कटता है ऊपर कटता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या आपको यहाँ फॉन्ट बदली करना होगा, फॉन्ट बदली करके दिखाई जैसे अभी फिलहाल ये एरियल में है तो मैं एरियल से अगर चेंज करूंगा फॉन्ट चेंज कर आ गया इसमें मेरा पूरा लेटर आता है तो okay. काफी टाइम क्या होता है कि कटा हुआ दिखता है, तो ये आपका सॉल्यूशन इससे हो जाएगा ओके okay. ये हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ सेव कर लेता हूँ जितना मॉडिफिकेशन किया है ओके okay. उसके बाद मैं वापस से इसे थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपको सीधा ऑन करके ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है ये वाले को मोशन सेट करना है ओके। तो मैं क्या करूंगा टेक्स्ट के लेयर को क्लिक करूंगा, उसके बाद इफेक्ट सेटअप में जाऊंगा और मोशन में जाके पोजीशन में जाके पहले तो नॉर्मल पोजीशन कर दूंगा जैसा था चाहिए था वैसा। उसके बाद मैं क्या करूंगा थोड़ा सा सेटिंग कर लूंगा अपने हिसाब से ओके, और इसे मैं थोड़ा स्केलिंग कम कर दूंगा। जैसे अभी मैंने एक उसको मोशन दिया हुआ है तो मैं पहले नॉर्मल मोशन पे रख देता हूँ, की फ्रेम निकाल देता हूँ और पोजीशन देख लेता हूँ सेंटर में आके कि भाई प्रॉपर सेंटर पोजीशन पे आके कितना होता है ओके, और उसका साइज कम कर देता हूँ। जैसे वापस से हाँ इंग्लिश करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कमांड जो है वो इंग्लिश से वर्क करता है ओके। तो यहाँ पे आके मैंने 80 कर दिया, तो ये मेरा नाम भी ऐसा सेट हो गया आप देख सकते हो जैसे ओके okay, तो इस तरीके से आप मतलब मल्टी टैग सेट करके अपना पोजीशन सेट करके मतलब दो पार्टी का एक साथ बना के सेट कर सकते हो ओके ओके अविनाश सर। तो अभी इसे एक पेज और आगे बदली करके दिखा दीजिए वापस yes, एक पेज yes. और हाँ तो जब अभी जैसा क्या होता है कि अभी एक ही घर के अंदर लड़के का भी शादी है और अभी मुझे लड़की का भी डालना है, तो यार लड़के का भी नाम डालना है और लड़की का भी नाम डालना, उसका पिता का नाम कॉमन रहेगा। तो मैंने क्या किया सेम तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, कॉपी किया
एंड पेस्ट किया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या किया, हमको बस पोजीशन बदली करनी है, इसकी पोजीशन बदली करनी है। जैसा हमने लास्ट टाइम अभी देखा, तो मैं मोशन में जाता हूं और पोजीशन को बदली करते हैं, पोजीशन बदली पोजीशन में गया और पोजीशन का जो वैल्यू है उसे चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे बेसिक में जाके, जैसे फर्स्ट वाला मैंने नॉर्मल से किया, सेकंड वाला मेरे मास्क से किया क्योंकि मैंने मास्क यूज किया था। ओके, अभी सपोज आपको लगता है कि ये छोटा बड़ा थोड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का जो फ्रेम है, निकुंज जी ऊपर नीचे, लड़का को ऊपर कर दीजिए, लड़की को नीचे कर दीजिए। ओके ओके, इसको ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे नीचे की साइड पे लड़की सेट करना है, नीचे सेट करना है। ओके, तो पहले हम लोग लड़के को ऊपर सेट कर लेते हैं जैसे सर ने बताया वैसे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, स्केलिंग कम कर लेता हूँ क्योंकि हमें स्केल भी सेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, 50% करता हूँ, देखते हैं कैसे सेट होता है। ओके, ये मेरा फ्रेम हो चुका है। उसके बाद फोटो को भी हम लोग स्केलिंग में जाके, मोशन में जाके, जैसे इसे हम लोग 78 इसकी जगह पे थोड़ा और कम करके देखते हैं। ओके, ये मेरा फोटो भी सेट हो गया। ओके, तो ये मैंने एक मेरा सेटिंग हो गया। ओके, अभी इसका पोजीशन चेंज करता हूँ जैसे सर ने बताया वैसे, कि पहले तो क्या करते हैं, फोटो को ऊपर ले लेते हैं 20 करके और सेम यही पोजीशन पे हमें यहाँ पे 200 करना पड़ेगा। ओके, ये मेरा फोटो सेट हो गया। सेम यही जगह पे हमें दूसरा वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले तो हमने वैल्यू जो डाला था उसे सेट वापस से करना पड़ेगा माइनस। उसके बाद स्केलिंग जो दोनों का रखा है सेम वही रखना है। नहीं, नीचे वाला जो मॉडिफाई किया उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, सेम इज इट इज, डिलीट करता हूँ। हाँ, आपको मतलब जैसा आपको इजी गिरे, ये मेरा मेथड से मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आपको कस्टमर को जैसा उसके मेथड से इजी गिरे वो उस तरीके से कर सकता है। जैसे ये वाला हो गया, सेम इसका पोजीशन मैंने रखा था, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ इसका पोजीशन चेंज करता हूँ। जैसे अभी सिलेक्ट से हो रहा है, सिलेक्ट किया, पोजीशन में गया और इसको मैं हल्के से नॉर्मल कर दिया, जैसे नॉर्मल था 0-0 वैल्यू पे। हम लोग बाद में उसे थोड़ा वापस से सेट करेंगे जैसा वो परफेक्ट बैठता है वैसा। ओके, ये हो गया, अभी थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि ये कट हो रहा है। ओके, ये हो गया, सेम हम लोग इसको भी हम लोग थोड़ा नीचे ले लेते हैं जैसे ये वाला। ओके, थोड़ा बड़ा है, टेम्पररी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा इस तरीके से सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर मैंने मोशन सेट किया होता, जूम का मोशन सेट है तो वो जूम हो रहा है, अगर मोशन नहीं होता जैसे स्केलिंग में जाके मैं बंद कर देता हूँ, की फ्रेमिंग में बंद कर देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो वही मोशन पे सेट रहेगा। फ्रेम का तो वो हो गया, नॉर्मल वाला हम लोग इसका भी बंद कर देते हैं, एक का हो गया है, सेम दूसरे का कर देते हैं, की फ्रेम पे क्लिक किया तो वो बंद हो गया। ओके, तो यानी इन्होंने क्लिप के ऊपर भी और फ्रेम के ऊपर भी मोशन हटाया, इफेक्ट सेटअप के अंदर से जाके मोशन रिमूव कर दिया। ओके, तो ये मैंने कर लिया, अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपली टेक्स्ट डालना है। जैसे ये फर्स्ट पार्टी का आ रहा है, रोनिल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ वापस से टाइटल मिक्स में जाता हूँ, पेज देखता हूँ कि भाई कौन सा पेज है। यहाँ पे मैंने बैक हैंड पे ऑन रखा था, राइट क्लिक करके ओपन आई टाइटल क्लिक करेंगे। हाँ, राइट क्लिक किया और ओपन आई टाइटल। ओके, तो ये मेरा ओपन हो गया। अब मुझे चार नंबर एडिट करना है, सिलेक्ट, पहले तो क्या करता हूँ सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सर ने बताया वैसे कि अगर टाइप करना है तो आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो। ओके, क्या करता हूँ, दोनों को पोजीशन पहले सेंटर अलाइन कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद देख लेता हूँ कि वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, ये जैसे मैंने अभी फिलहाल टेम्पररी किया है, आपको आपके पोजीशन के हिसाब से सेट करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हो ये मेरा दो टैक्स भी आ चुका है। ओके, तो मतलब इस तरीके से हम लोग ट्रैक एक ही सिंगल प्रोजेक्ट को दो शादी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही घर में दो शादी है तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा सर इसको निकुल सर वापस से आई टाइटल खोलेंगे। अभी क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ पोजीशन आगे पीछे हो रहा है, तो मैं पोजीशन को सेट भी कर सकता हूँ यहाँ से अपने क्लिप के ये के हिसाब से, ऊपर नीचे नीचे थोड़ा कीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए और थोड़ा नीचे सर, और इसको भी नीचे कर दीजिए। यानी आपको टेक्स्ट एडजस्ट करनी है तो उधर मोशन से जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हो, इसको बस सेव करो और ओके करो, सेव करो और ओके करो,
यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट रियल टाइम यहाँ पे अपडेट हो जाता है, लड़का लड़की। अब इसमें मुझे लड़की डालनी है, लड़की का नाम डालना है रोहिणी, तो रोहिणी का पिक्चर भी डालना है, तो रोहिणी का पिक्चर लेकर के मैं पिक्चर सेलेक्ट करूंगा, और पिक्चर उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और शिफ्ट दबा के प्रेस किया, शिफ्ट दबा करके ला करके ट्रैक के ऊपर छोड़ दिया। अब क्या हुआ, मेरा फोटो थोड़ा कट रहा है, अभी मेरा फ्रेम में सेट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इफेक्ट सेटअप में जाऊंगा। इफेक्ट सेटअप में जाने के बाद मैं मोशन में जाता हूँ, डिफॉल्ट मोशन के अंदर, और पोजिशन में जा करके मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, और मैं फ्रेम में लाके एडजस्ट करता हूँ। यानी मुझे फ्रेम में एडजस्ट करना था तो मैंने क्या किया, मोशन का इस्तेमाल किया, राइट? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो रेडीमेड टाइटल है उसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अभी कन्वर्ट करना है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कन्वर्टिंग का, कि भाई ये तो बना तो लिया हमने लेकिन कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते। तो आज मैं आपको कन्वर्टिंग दिखाऊंगा कि टाइटल को कैसे कन्वर्ट करना है प्रोमो कट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो जो टेक केयर करना है कन्वर्टिंग के टाइम पे वो यहाँ से ही टेक केयर करना है। क्या क्या टेक केयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जितना भी पेज यूज किया है वो बाय डिफॉल्ट आपको ये पेज वाले फोल्डर में सेट करना पड़ेगा। अगर पेज वाला फोल्डर नहीं है तो आप मैन्युअली खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ऐड फोल्डर करो और यहाँ से पेज लिखो। कंपलसरी आपको सिर्फ पेज ही लिखना है तभी जाके वो कन्वर्टर के अंदर कन्वर्ट करेगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, जितना पेज भी है आपने लोड किया है, जैसे ये वाला मैंने पेज लोड किया है, जितना मेरा 10 पेज था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पेज के अंदर मेरा 10 पेज डाल दिया, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव करना है। अगर उसके बाद आपको SM कन्वर्टर में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे मुझे 3 पेज वाला चाहिए, सिर्फ 3 पेज वाला टाइटल चाहिए तो 3 पेज वाला करना है, तो कैसे फाइनली ये मेरा दो पार्टी, मतलब एक ही टाइटल के अंदर दो घर की शादियां, यानी एक ही घर के अंदर दो लड़का लड़की का शादी है और ये एक्सक्लूसिव टाइटल है। अब मुझे इसका सबसे पहला तो मेरा खुद का बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने के लिए क्या करूंगा, मैं फाइल में जाकर बैकअप ले लूंगा। बैकअप में जाता हूं और जहां पे भी मुझे बैकअप बनाना है, जैसे ई ड्राइव में बनाना है और यहां पे फोल्डर बनाना है, तो मैं फोल्डर बना लेता हूं और यहां पे बना लेता हूं टू पार्टी। जैसे ये मेरा हो गया, एंटर करता हूं और उसके अंदर जाके मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूं, ओके। तो मेक श्योर ये मेरा बैकअप हो चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने जो बैकअप लिया वो पर्टिकुलर जितना भी टाइमलाइन के अंदर है, मतलब यहाँ पे बीन के अंदर जितना आइटम यूज हुआ है उतना ही हुआ है। अगर बाद में आप देखोगे तो जैसे टाइटल का ये जो फाइल है, टाइटलिंग फाइल, तो आपको वो मैन्युअली कॉपी करके रखना पड़ेगा, जो हमारा MTL फाइल है। जैसे ये टाइटल का जो मेन प्रोजेक्ट फाइल है ना, वो आपको मैन्युअली वो जगह से वहां पे कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ेगा। यहाँ से कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है? हाँ, तो आप यस, तो अगर आपको पाथ देखना है तो कैसे देख सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे भी मेरा ये पेज होगा, जहां पर भी मेरा ये पेज होगा वहीं पे ही मेरा टाइटल का फाइल भी होगा, मतलब प्रोजेक्ट फाइल भी होगा। तो कैसे सब जानना है, जैसे यहाँ पे गया और प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने ये मटेरियल उठाया था तो ये वाली जगह पे ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर बना हुआ है। जैसे मैं क्या कर रहा है, इसे सिंपली कॉपी करता हूँ और अपने एक्सप्लोरर में जाता हूँ नॉर्मल वाले, ओके, जैसे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट फाइल तो था, वो आ गया। आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है और जहां पे भी आपने बैकअप लिया है, जैसे मैंने ई में लिया था और लिखा था टू पार्टी बैकअप, जैसे ये वाला, ओके, इसके अंदर गया, जहां पे भी मेरा मटेरियल है मेन प्रोजेक्ट का टाइटल मिक्स और ये मेरा टाइटलिंग फाइल, ओके, और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा दोनों साथ में सेपरेट हो गया, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि MTL फाइल जो है वो आपको मैन्युअली बैकअप लेके रखना पड़ेगा, वो ऑटो बैकअप के साथ नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल आइटम है, वो प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं हुआ है, इंटरनली प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आपको मैन्युअली इसका बैकअप लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जाते हैं कन्वर्टिंग पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेज के हिसाब से कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे कभी कभार क्या होता है कि मेरा 10 पेज का टाइटल है, मुझे कम पेज करना है, पहले तो कम पेज का समझाता हूँ उसके बाद ज्यादा पेज का समझाता हूँ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभार क्या होता है कि मुझे 7 पेज तक का टाइटल बनाना आता है, ज्यादा से ज्यादा मेरा 10 पेज है और कम से कम 7 पेज या 6 पेज का टाइटल आता है, तो कैसे कर सकते हैं कन्वर्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मेन जो प्रोजेक्ट फाइल है और जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सेट रखना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आपका टाइटल हो वहीं पे आपका ये जो पेज का जो MTL फाइल था
वो भी वहीं पे रहना चाहिए और पेज का फोल्डर भी वहीं पे रहना चाहिए, ओके। और तीनों का नाम आप मेक श्योर सेम रखें और एक रेफरेंस फाइल बना ले जिससे आप जब भी कन्वर्ट करें तब ये चीज सारा आपको इजीली मिल जाए। तो कन्वर्टिंग के लिए, माइनस कन्वर्टिंग के लिए मुझे 60 पेज तक का चाहिए टाइटलिंग, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट को सेव करते जाना पड़ेगा। कैसे सेव करते जाना पड़ेगा? तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेन प्रोजेक्ट था उसे सेव करता हूँ, उसके बाद मैं वापस से उसे सेव करता हूँ। और आप देख सकते हो जैसे ये मैंने मिनिमम पेज मैक्सिमम पेज 10 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोजेक्ट के साथ मैक्सिमम पेज का एक प्रोजेक्ट सेव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, क्योंकि ये मेरा 10 वाला था। इससे क्या होगा कि आप जब भी मॉन्टाज के अंदर जाके वर्क करोगे और 10 पेज का प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 10 पेज वाला प्रोजेक्ट ही ओपन होगा, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे माइनस करते जाना है। तो कैसे माइनस करना है, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने अभी सेव किया है 10 नंबर का, तो मैं 10 नंबर के अंदर गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ। मुझे सेव करना पड़ेगा माइनस करके 9 का, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लास्ट वाला जो पेज का जो प्रायोरिटी है, जैसे उसका बैकग्राउंड है, फ्लेयर है, पार्टिकल है, जो भी मटेरियल है उसे मैं कट करके डिलीट करता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे माइनस पेज करते जाना है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और उसके बाद जाके सी दबा दिया, जितना आइटम मैंने सिलेक्ट किया था उतना आइटम ये कट हो गया, और उसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके डिलीट। अभी मुझे क्या करना है, 9 पेज का करना है, तो मैं क्या करूंगा, 9 पेज से सेव एज करूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया 9 पेज, 10 वाले को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे रीनेम करके प्रोजेक्ट को बनाना है, और यहाँ पे सिंपली 9 लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है, 0 नहीं लिखना है, सिंपली 9 लिखना है, हो गया। उसके बाद वापस से 8 का करना है, मतलब 8 पेज का प्रोजेक्ट करना है, तो कट करता हूँ और कट करके डिलीट करता हूँ और वापस से मैं सेव एज करता हूँ। सेव एज करते यहाँ पे 8 पेज कर लेता हूँ, ओके। हम लोग 6 तक जाएंगे, 6 पेज तक मिनिमम 6 पेज का हम लोग बनाएंगे, ओके। जैसे ये स्वाइप वाला भी डिलीट करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। उसके बाद वापस से आगे जाता हूँ, कट करता हूँ, जितना आइटम चाहिए था उतना डिलीट करता हूँ। जैसे 7 पेज का है तो 7 पेज में गया, सेव किया, सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके 7, ओके। उसके बाद वापस से जाता हूँ 6 पेज पे, कट कर देता हूँ, जितना चाहिए था उतना रखता हूँ, कट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और सेव करता हूँ, और ये वाला मेरा हुआ 6, ओके। ये 6 तक मेरा हो गया। अभी मेक श्योर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा कर्सर है उसको आपको फ्रंट में रखना है। क्यों फ्रंट में रखना है, कि जब भी मैं टाइटल बना रहा हूँ टाइटल मिक्स के अंदर से, मतलब प्रोमो कट के अंदर से, तो जब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मटेरियल डालता हूँ, उसके बाद में मेरा बर्न का जो बटन है, रेडी करने के लिए जो बटन आता है उस पर क्लिक करता हूँ, तो तब वो क्या करता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखाता है। तो मेक श्योर आपका कर्सर अगर स्टार्टिंग में होगा ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर, तभी वहां पे वो स्टार्टिंग से प्ले करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मेक श्योर आपको आपका कर्सर स्टार्टिंग पोजीशन पे रखना है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन में 6 वाले में स्टार्टिंग पे सेट करता हूँ, ओके। तो आपको सारे प्रोजेक्ट में ऐसा सेट करके रखना पड़ेगा, ओके। तो ये तो हो गया मेरा माइनस पेज का सेटिंग, ओके। उसके बाद कन्वर्टिंग कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा प्रोजेक्ट सेट करके रख दिया, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहाँ पे जाता हूँ, एसपी कन्वर्टर में, जहां से मतलब हमें दिक्कत स्टार्ट होती है वहां पे मैं जा रहा हूं। अब एसपी कन्वर्टर में हम लोग क्यों गए? यस, यानी तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि हमने टाइटल वहां बनाया, यस, अब मुझे इसको मॉन्टाज के अंदर लेके जाना है, तो मुझे एसपी कन्वर्टर इस्तेमाल करना होगा। मॉन्टाज के अंदर मुझे वो दो पार्टी वाली मैंने एडिट की, यानी एक ही घर के अंदर दो शादी थी, अब मैंने वो एक नया टाइटल बनाया, अब मुझे उसको यूज करना है मॉन्टाज के अंदर, तो सबसे पहले मुझे एसपी कन्वर्टर में जाना है। यस, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, तो एसपी कन्वर्टर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू करना है, क्योंकि हम लोग न्यू प्रोजेक्ट का एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब उसके कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर सपोज मैंने कोई रेडीमेड रखा है और उसको कस्टमाइज कर रहा हूँ, तो उसके लिए ओपन करना है, ओके। तो हम लोग न्यू कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले नेम, डिस्प्लेएबल नेम आ रहा है, स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्रोजेक्ट रेफरेंस आ रहा है, आई टाइटल डिटेल्स है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले प्रोजेक्ट लोड करना है, कैसे करना है, उसके बाद यहाँ पे नाम देना है। शॉर्टकट से आपको दिखाता हूँ कि आप इजी थ्रू कैसे कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट में जाते हैं,
उसके बाद जहां पे भी मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बनाया एक्स ड्राइव में बनाया है, सिनकट एचडी में बनाया है, प्रोजेक्ट में बनाया, और यहाँ पे लास्ट में ये मेरा टाइटल मिक्स का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैंने टाइटल बनाया जो आप देख सकते हो जैसे, तो मुझे अभी कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये वाला जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के टाइम पे F2 दबाना है और जो नेम है उसे कॉपी कर लेना है। ओके, जैसे मैंने सिलेक्ट किया और नेम को कॉपी किया, वापस से उसे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट अप्लाई हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने नेम कॉपी किया था उसे यहीं पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल यही नेम से मुझे स्मार्ट प्रोमो कट में दिखना चाहिए। सपोज यहाँ पे आप अलग नेम देते हो तो वो नेम आपको प्रोमो कट के अंदर दिखेगा। टू पार्टी कर दीजिए, टू पार्टी। यस यस सर, यहाँ पे जाके मतलब टू पार्टी लिख, टू पार्टी। ओके, सेम यही नेम मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे रेफरेंस देना होगा, जैसे मैंने बताया वैसे कि कंपलसरी आपको इधर रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो मैंने एक मेरा प्रोजेक्ट है उसका टेम्पररी हम लोग अभी फिलहाल रेफरेंस दे देंगे, जैसे 300 में जाके ये वाला ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद अभी टाइटल मेक्स का जो खेल है, मतलब टाइटलिंग का जो खेल है, आई टाइटलिंग का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टाइटलिंग का प्रोजेक्ट ऐड करना है तो कैसे करना है, टाइटल डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे टिक मार्क करना है, तो तभी जाके ये वाला बार ओपन होगा। उसके बाद आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसे लोड करना है। कैसे लोड करना है, अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन सा लोड करना है वो समझाता हूँ, कि जो हमारा MTL फाइल था, मेन प्रोजेक्ट फाइल, उसे हमें लोड करना है। तो कहाँ पे जाना है, ओपन करना है, और जहाँ पे आपने रेफरेंस का जो अटैच किया था, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे मैंने बनाया था स्मार्ट कट में प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइटल, और यहाँ पे ये वाला मेरा सेम नाम, आप जैसे देख सकते हो ये सारा का नाम सेम ही है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। अभी उसके बाद आपको मैक्सिमम पेज, यानी आपने कितने पेज तक का टाइटल बनाया, जैसे मैंने बताया सेवेस के टाइम पे कि आपको मैक्सिमम पेज याद रखना है, तो मैंने 10 पेज मैक्सिमम का टाइटल बनाया था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने फोल्डर के हिसाब से टाइटलिंग को सर्च कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा टाइटलिंग जो सर्च किया वो हो गया। अगर सपोज मैंने प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर मैंने पेज का बनाया था वहां पे ये पेज नहीं डाला होता, तो ये क्या करता, आपको कैंसिल कर देता, मतलब वो कन्वर्ट ही करने नहीं देता कि भाई पहले प्रॉपर टाइप आपका पेज जो है वो प्रॉपर जगह पे रखो, उसके बाद ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव करो। ओके, तो जैसे मैंने प्रॉपर पाथ पे रखा था तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे एक लाल लाइन में आपने देखा होगा सम प्रोजेक्ट आइटम सम स्मार्ट कट, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द स्मार्ट कट प्रोजेक्ट आर मिसिंग। क्यों दिख रहा है, क्योंकि जितना पेज मैंने डाला था जैसे 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 10 तक का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जैसे आपने देखा सेवेज हमने नहीं किया था, तो इसके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, सपोज मैं 10 से लेके 1 तक का माइनस प्रोजेक्ट बनाता तो ये मैसेज भी नहीं आता, क्योंकि हमें 6 पेज मिनिमम 6 पेज तक का चाहिए था, तो हमने 6 पेज तक का सेव किया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो भी मटेरियल बिन के अंदर यूज हुआ है, जैसे ये फुटेज है, हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था, तो आप प्रॉपर यहाँ से मालूम चल सकता है आपको कि ये फोल्डर के अंदर ये वाला मटेरियल ही रहेगा। जैसे ऑडियो है तो ऑडियो के फोल्डर में ये आप देख सकते हो 2 ऑडियो, बैकग्राउंड है तो जितना बैकग्राउंड ऐड हुआ है उतना उसका फोल्डर दिखाई दे रहा है, फुटेज है मतलब जितना फुटेज मैंने ऐड किया था उतना फुटेज का यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है। अभी इसे रिप्लेस कैसे करना है, मतलब रिप्लेसेबल कैसे बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर जो भी चीज को आपको रिप्लेस करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ये वाला फुटेज है मेरा फुटेज के अंदर, ओके यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ये वाला फुटेज है, तो मुझे इसे रिप्लेस करना है तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ये डिस्प्लेबल नेम के अंदर आपको उसका नाम दिखेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिप रेफरेंस देना है। ये रेफरेंस चीज क्या है कि जब आप खुद का जैसे प्रोमो कट के अंदर जाके जहां पे आप क्लिप रिप्लेस करते हो, आपका खुद का फुटेज डालते हो, तो वहां पे जो नाम दिखेगा और उसका जो रेफरेंस दिखेगा वो चीज यहां से रिप्लेस होगी। ओके, तो हम लोग रिप्लेस करते हैं। पहले तो क्या करता हूँ, ये वाले फोटो को मैं सर्च करता हूँ, जैसे लास्ट हमारा एडवांस सेशन था उसके अंदर हमने दिखाया था कि आपको क्लिप रिप्लेस करना है तो कैसे कर सकते हो, तो हम लोग अभी यहाँ पे दिखाते हैं शॉर्टकट से। मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपना जो फुटेज है उसे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद वीडियो पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये आइटम रिप्लेस करना है। निकुंज सर, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट था 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 क्लिप हमने फुटेज से इस्तेमाल किए। यस, 5 में हमने कौन सा क्या यूज किया है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इसको बॉय देना है, तो मैं इसको बॉय नाम डिस्प्लेबल नेम में बॉय लिख सकता हूँ, नीचे वाले में गर्ल लिख सकता हूँ, या बॉय 2 गर्ल 2, मतलब एक ही फैमिली का है तो बॉय _1
और गर्ल अंडरस्कोर वन, ऐसा लिख सकते हैं? तो ऐसा क्लिक करके दिखा सकते हैं सर? हाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले हम लोग फुटेज को देखते हैं कि ये फोटो कौन सा है, मतलब बॉय का है या गर्ल का है, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे सिर्फ नाम ही मिल रहा है बाहर से, थर्ड पार्टी है तो। ओके ओके, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नंबर नेम के अंदर जाके नेम दिखता हूँ, और यहाँ पे क्लिप रिप्लेस में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लोरर ऑन हुआ है। तो उसके बाद जहां से मैंने फुटेज उठाया था वहां पे जाता हूँ, जैसे यहाँ पे गया, फुटेज के अंदर गया, और मैंने क्या किया था, यहाँ से ये फुटेज शायद उठाया था, तो यहाँ पे गया और मुझे सर्च करना है कि ये नंबर का फुटेज है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे नीचे रखता हूँ ऐसा, या इसे कॉर्नर पर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, और यहाँ पे जाके ये नंबर डालता हूँ, जैसे 2744A और 3676, या यहाँ पे कुछ अगर मिसिंग हो गया होगा मेरे से, तो जैसे ये वाला है। ओके, ये वाला। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उसे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा कपल सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, उसको डिस्प्ले कैसे करना है, मतलब मॉन्टाज के अंदर मुझे किस टाइप का दिखना चाहिए, प्रोमो कोड के अंदर ये वाला फुटेज किस टाइप के नाम से दिखना चाहिए, तो ये आप यहाँ से फिर चेंज कर सकते हो। जैसे ये कपल था, तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, COCLE कपल, और अगर हाफ था, मतलब हाफ फोटो था, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, हाल्फ। ओके, तो इससे क्या है, प्रॉपर मुझे मालूम चलेगा, मुझे रेफरेंस देखने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने HD यूज किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे HD दिख रहा है, सपोज आप HD लिखते तो बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे भी HD दिखता। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने हाफ लिख दिया। ओके, तो ये कपल हाफ हो गया। अगर ये वीडियो होता और वीडियो के अंदर ऑडियो होता तो ये वाला ऑप्शन भी ऑन रहता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कन्वर्ट करो तो आपको ऑडियो मेक श्योर नहीं चाहिए उस वाले वीडियो का, तो आप यहाँ से ऑडियो से टिक मार्क हटा दो, और उसके बाद एड टू कंफर्म लिस्ट क्लिप। ओके, तो यहाँ पे ये आ चुका है, मतलब ये आपका आइटम रिप्लेसेबल हो गया है मॉन्टाज के अंदर। सेम हम लोग दूसरा फुटेज को करते हैं, सिलेक्ट करना है, फोल्डर में जाना है, और ये वाला दूसरी जगह से है, तो मैं फुटेज में जाता हूँ, और जैसे ये वाला मेरा यहाँ से है शायद, तो यहाँ पे जाता हूँ और ये नंबर सर्च करता हूँ। ओके, तो ये मेरा बॉय है, आप देख सकते हो। मैंने नाम पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये फोटो कौन सा है, तो मैंने पहले उसे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसे नाम दिया, जैसे यहाँ पे बॉय हाल। ओके, तो ये हो गया एड। उसके बाद तीसरा वाला सेम जैसे हमने पहले किया, ओटी डबल क्लिक किया। अभी सपोज गलती से मुझे यहाँ पे रह गया और मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। ओके, तो ये क्या हुआ, मेरा ऐड तो हो गया, अभी मुझे चेंजेस करना है तो कैसे करूं? तो ये भी ज्यादातर कस्टमर को प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको मेक श्योर ये चीज ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, जहां पे आपने ऐड किया है वहां पे जाके आपके क्लिप को टच करना है, जैसे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद वापस से इसे रीनेम करना है, जैसे ये वाला मेरा था कपल, या मैं भूल गया हूँ कि कौन सा था, तो यहाँ से वापस से मैं जाके सर्च कर सकता हूँ। सिर्फ आपको सर्च करना है, ऐड नहीं करना है, जैसे ये मेरी गर्ल थी, तो मैं क्या करूंगा, सर्च करके क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा गर्ल और यहाँ पे हाल्फ। ओके, तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट टू कंफर्म क्लिप लिस्ट, अपडेट करोगे बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सेम तीसरा वाला आइटम अभी उठाता हूँ, और उसके बाद क्लिप रेफरेंस में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके नंबर जो भी है वो ऐड करता हूँ, और यहाँ पे जाके डबल क्लिक किया और नेम लिख दिया, जैसे ओके। तो यहाँ पे जाके मैंने लास्ट वाला आइटम भी ऐड कर लिया। अभी मैंने क्या किया, ये जो मेरा प्रोजेक्ट था मॉडिफिकेशन, मतलब कन्वर्ट कर लिया, अभी मुझे सेव करना है, तो इसे क्या कैसे सेव करना है, तो पर्टिकुलर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपने जो नाम दिया है उसे पहले कॉपी करो, सेव करने से पहले इसको यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉपर पाथ पे इसे रखना पड़ेगा, तभी जाके वो मतलब प्रोमो कोड के अंदर दिखेगा। तो ये पाथ कौन सा है, तो आपको क्या करना है, धीस पीसी में जाना है, जैसे मेरा विंडोज 10 है तो यहाँ पे धीस पीसी, या आपका माई कंप्यूटर लिखा होगा। उसके बाद एक्स ड्राइव में जाना है, एक्स ड्राइव में जाने के बाद आपको ये पाथ प्रॉपर याद रहना चाहिए, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना है, जहां पे भी आपका सिस्टम है उसके एक्स ड्राइव में जाना है। एक्स ड्राइव में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सीनकट HD कंटेंट का फोल्डर है, उस पे जाना है। उस पे जाने के बाद यहाँ पे मोन्टाज प्रो का फोल्डर है, उसमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक सॉन्ग फाइल करके फोल्डर रहेगा, उसमें जाना है। ओके, और यहाँ पे जाके आपका नेम पहले तो पेस्ट करना है, तो ये मैंने नेम जो कॉपी किया था एज इट इज मैंने पेस्ट कर दिया। आप मैन्युअली भी लिख सकते हो जो लिखना है वो, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ये चीज प्रॉपर जगह से प्रॉपर तरीके से मिलेगी। ओके,
उसके बाद आपको सेव टाइप करना है। सेव टाइप में क्या ऑप्शन है कि सेव टाइप में आप देख सकते हो यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्या है वो बेसिक समझाता हूँ कि सपोज आपने ऑल पे रखा तो वो कहीं पे भी दिखेगा। ओके, सपोज कैटेगरी वाइज करना है, जैसे सेरेमनी सॉन्ग फाइल, हाईलाइट फाइल, पोर्ट्रेट फाइल और टाइटल फाइल। सपोज यहां से मैं पोर्ट्रेट फाइल करूंगा तो ये जो मेरा टाइटल है वो पोर्ट्रेट की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो वैसे ही हाईलाइट सिलेक्ट करूंगा तो हाईलाइट में जाएगा। अगर टाइटल सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो टाइटल की कैटेगरी में सेव होगा। जैसे यहाँ पे एक ही मेरा टाइटल है, सेम दूसरा टाइटल ऐड हो रहा है। अगर सपोज पुराना कोई रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये वाला पहले है, आप नया वाला टाइटल सेव कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो ये मेरा कन्वर्जेशन यहाँ पे इसका खत्म हो गया। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने क्लोज कर दिया और इसे मैं करता हूँ एग्जिट। ओके, तो ये मेरा एसपी कन्वर्टर टू प्रोमो कट के लिए कन्वर्ट हो गया। अभी प्रोमो कट में देखना है तो प्रोमो कट में जाता हूँ, क्योंकि मैंने जो कन्वर्ट किया वो मेरा आइटम आया कि नहीं आया वो भी आपको समझना है। तो प्रोमो कट में जाता हूं, प्रोमो कट स्टार्ट कर रहा हूं। यानी हमने जो टाइटल तैयार किया, यानी दो पार्टी का, यस हमने जो दो पार्टी का टाइटल जो रेडी किया उसे हम लोग ऑन करते हैं। शायद कुछ सर्वर का मुझे एरर लग रहा है। नहीं, चालू हो जाएगा, आप चालू करो। एक मिनट सर, देख लेते हैं हम लोग इसे वापस से। मैं प्रोमो कट को यहाँ पे सर्च करके बंद करके वापस से ऑन करता हूँ। यहाँ पे तो रन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इसे एग्जिट करते हैं और यहाँ पे जाके प्रोमो कट। ओके, अभी स्टार्ट हो रहा है। शायद अविनाश सर वापस से वो सर्वर वाला मुझे शायद लग रहा है डाउट। एक सेकंड, मैं अपने पीसी पे चेक कर रहा हूँ। हाँ चेक करिए, इंटरनेट बंद करके चेक करिए तब प्रॉपर मालूम चलेगा। हाँ वही वाला है सर, स्टार्ट हो गया फिर से वो, वही है ना। कोई बात नहीं, मैं अपना टेम्पररी में अभी अपना नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद वापस से स्टार्ट करके जैसे प्रोमो कट के अंदर आता हूँ और आपको मैं वापस से रिट्राई मशीन देता हूँ। ओके सर, नेट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके नेट को पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ। केबल नहीं निकल रहा हूँ, सिर्फ इथरनेट से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या डिसेबल करके ऑन कर दीजिए। सो अभी निकुंज जी, एक्चुअली हमारा कुछ सर्वर का काम चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ओके हुआ था, अभी वापस से कुछ मेंटेनेंस के लिए जा रहा है। अविनाश सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ओके, तो ये मेरा प्रोमो कट ऑन हो चुका है। कुछ कुछ कारण से क्या है कि इंटरनेट से अभी फिलहाल हमारा जो सर्वर है थोड़ा डाउन हो चुका है, तो उसकी वजह से ये मेरा प्रोमो कट स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने फिलहाल यस तो मेंटेनेंस के हिसाब से प्रॉब्लम कर रहा था, तो अभी मैंने प्रोमो कट स्टार्ट कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग न्यू पार्टी का बना रहे तो न्यू करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम देना है जहाँ पे भी सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जहाँ पे सेव करना था उसे ओके कर दिया, उसके बाद सेव करके ओपन कर लिया। तो जो हमने टू पार्टी का जो कन्वर्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो। सेम यही चीज जैसे रेफरेंस सिलेक्ट किया था तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया था, अलग से दूसरा पार्टी का रेफरेंस ऐड कर लिया था, तो आप देख सकते हो। तो ये मेरा रेफरेंस भी आ चुका है, सेम यही जो मैंने बॉयगर्ल कपल डाला था वो भी आ चुका है और टाइटलिंग का फाइल भी आ चुका है। ओके, तो हमने जो नाम दिया था, जैसे सर बता रहे थे कि नाम देना है, रिनेमिंग करना है, तो ये हो गया। हमने क्लिप क्यों रिप्लेस किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो इसके लिए कंपलसरी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाला मेरा कपल हाफ था जैसे मैंने बताया वैसे, तो ये मेरा कपल हाफ आ चुका है। सेकंड बॉय था, बॉय वाला फुटेज मैंने ऐड किया था, तो ये बॉय वाला फुटेज आ चुका है। तो इस तरीके से हमने एडिट कर लिया। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई अलग पार्टी के फोटोज वगैरह ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाता हूँ, मेक श्योर, उसके बाद फुटेज में जाता हूँ, और फुटेज में जाने के बाद मेरे पास कुछ बहुत सारे फुटेज पड़े हुए हैं,
जैसे अलग अलग पार्टी के हम लोग ऐड करते हैं, जैसे देखते हैं जैसे ये बच्चे वाले हम लोग ले लेते हैं टेम्पररी चेंजिंग देखने के लिए कि भाई वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं फोटो को ऐड करते जाता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले में ये डालता हूँ, सेकेंड वाले में, थर्ड, फोर्थ। ओके तो ये मैंने फोर्थ फोटोज मेरे ऐड कर लिए। ओके उसके बाद मुझे टाइटलिंग करना है। जैसे मैंने बताया था कि हमने 6 पेज तक का किया था, तो हम लोग -6 पेज तक वर्क कर सकते हैं। एडिट करता हूँ, एडिट किया, ये वाला मेरा 10 पेज का जो प्रोजेक्ट था वो आ गया। आप देख सकते हो कन्वर्टिंग मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। ओके मैं क्या करता हूँ, माइनस पेज करना था तो मैं यहाँ से सिंपली बंद कर लेता हूँ 8 पेज तक का, और यहाँ पे जाके सेव करता हूँ। सेव किया, इसे क्लोज करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बर्न का ऑप्शन भी आ चुका है, और यहाँ से प्ले करता हूँ वाला मेरा प्ले भी हो चुका है। थोड़ा 1 मिनट ना सर, वापस से 1 मिनट, नो रिस्पॉन्डिंग आ चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने आवाज के लिए तुरंत ही कट किया था। मतलब मेरा जो कन्वर्टिंग था वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो मतलब आप दो पार्टी के हिसाब से ही। आपका खुद का टाइटल तैयार हो गया, राइट? निकुंज सर, आप लाइन पे अपना मशीन रेडी कीजिए, तब तक मेरा पीसी शेयर करता हूँ, ठीक है? सो अभी आप लोगों को ये सेशन में, अभी हमने जो पिछले 50 मिनट हमने टाइम दिए, यानी आप लोग 60 लोग जुड़े हुए, मेरा एक फीडबैक चाहिए कि कितने लोगों को ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर चैट में रिप्लाई देंगे तो फटाफट हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग जरूर कवर करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट, आप लोगों से यस नो में जवाब दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, यस नो यस नो यस नो, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है। इसमें और भी काफ़ी सारे आइटम हैं जिसको हम लोग को कवर है। जगदीश पाटिल जी का कुछ सवाल है, दो सवाल है, जगदीश पाटिल जी का भी माइक हम लोग अनम्यूट करेंगे और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? जिनको पूरा समझ में नहीं आया है तो वापस से आपको एक बार वीडियो वापस से देखना है, भगवती वीडियो का भी ना है, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? जगदीश पाटिल जी का दो सवाल है, थोड़ा समझ में आ गया है, थोड़ा नहीं समझ में है, लेकिन वीडियो देखना पड़ेगा सर, थोड़ा वीडियो तो देखना पड़ेगा। इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। आपको मैं सिंपल तरीका और भी बताऊंगा आगे जाके, अभी हम जो आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मेरा रिक्वेस्ट है, निकुंज जी आप रेडी हो गए क्या? हाँ सर रेडी हूँ। हाँ, तो जगदीश पाटिल जी का हम लोग माइक अनम्यूट करेंगे, इससे ओके रिलेटेड उनका कुछ क्वेश्चन है तो हाँ बोलिए ना, क्वेश्चन ले बताइए लेंगे। ना। पाटिल जी माइक यस अनम्यूट सर, यस करके। हाँ सर, आ रही आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है सर, हाँ बोलिए ना। निकुंज शेयर कीजिए आप सर। सर हमने जो एक एक पेज सेव किए कंट्रोल शिफ्ट यस करके, बराबर? हाँ। हाँ, तो नीचे जो ऑडियो की लाइन थी तो मान लो हाँ मैंने 8 नंबर कट किया, तो ऑडियो की लेवल है वो भी नीचे करते करते जाना है कंपोजिशन यस 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 करना। यस हाँ, सर, फेड तो हाँ करना हाँ पड़ेगा सर, एंड पे फेड आपको करना है। डिसॉल्व करना पड़ेगा, आपको कंपलसरी वो चीज डिसॉल्व हाँ, करना पड़ेगा, तो नीचे तभी जाके वो फेड मतलब करना जब भी आप कम पेज वाला प्ले करोगे तो है। कम्प्लीटली हाँ वहां हाँ से वो डिसॉल्व होगा। सपोज आपने स्वाइप लगाई है, वीडियो स्वाइप लगाई है, तो आपको वीडियो स्वाइप भी उस तरीके से सेट करना पड़ेगा। हाँ सर, दूसरा सवाल, मानो मेरे पास 4 मशीन है, मैंने मेरे हाँ मेन मशीन पे ESP कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लिया, यस लेकिन मुझे वही प्रोजेक्ट मोन्टाज में दूसरे मशीन में लेके जाना है, तो हर मशीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो नहीं कोई नहीं नहीं भाई नहीं नहीं कि वो कॉपी की तो। नहीं नहीं सही सर, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये मैंने बनाया प्रोजेक्ट, हाँ हेलो हाँ, उसको क्या करना है, हाँ बैकअप सर, ले लेना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बैकअप लिया, आपने देखा होगा। हाँ हाँ ओके उसके बाद ये हाँ मशीन में जो पाथ पे पड़ा है ये वाला प्रोजेक्ट, हाँ जैसे मैं बताता हूँ, इसे बंद करता हूँ, वापस से शायद मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सर वापस से ऑन करता नहीं सर, हूँ। मैं ठीक ESP, नहीं सर, नहीं सर, ESP कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, हाँ मतलब वही दूसरे वही मशीन से चीज, अगर मैंने यस वही चीज मैं ESP आपको कन्वर्टर डिस्कस, से कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपका प्रोजेक्ट फाइल स्टेप तो है। फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, देख यस लीजिए, वो स्टेप्स बता रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने जहां पे प्रोजेक्ट बनाया था, ये वाला प्रोजेक्ट जहां पे मैंने बनाया था, आप देख सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पाथ हाँ रखा था ये वाला एक्स हाँ ड्राइव हाँ में, वो देखा मैंने। यस, तो यही पाथ पे आपको वो मशीन पे ये वाला प्रोजेक्ट फाइल पहले रखना पड़ेगा। हाँ ओके उसके बाद सेकंड ओके, आइटम, आपको एक्स के अंदर सिनकट एचडी कंटेन ये वाला जो फोल्डर है, आप मैंने जैसे बताया जहां पे ये फाइल सेव होता है, हाँ ओके मोन्टाज के अंदर था, सॉन्ग फाइल के अंदर था, और ये वाला फाइल, ये टाइटलिंग का फाइल, ओके
या आपको यही पाथ पे दूसरे वाले मशीन पे पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट वहां पे भी रन करने लगेगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एनी? नहीं सर, बस ये सीजन की तो मैं बहुत दिनों से राह देख रहा था, ये स्पीड कन्वर्टर कब आएगा, कब आएगा। यस यस, ये तो मतलब ये तो हमारा कन्वर्टिंग का हुआ है सर। अभी ज्यादातर कस्टमर को क्या होता है कि पेज भी ऐड करना है। अभी क्या होता है, हमने तो भाई 25 पेज का टाइटल दे दिया है, लेकिन कस्टमर बोलता है कि यार मुझे तो पेज कम गिर रहा है, मुझे 30 पेज का करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो वो भी यस पता है सर आपको वो? हाँ सर पता है। ओके ओके, चलो सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर, अविनाश सर, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ले सकते हैं सर हम। अविनाश सर, हेलो, एक सेकंड। यस सलीम सर, अविनाश सर आपका माइक म्यूट कीजिए ना। ओके, मैं चेक कर ले रहा हूँ, एक सेकंड। मैं हेलो। हाँ अविनाश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर भगवती जी वीडियो है तो अनम्यूट करता हूँ। भगवान दास जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट, भगवान दास जी वलसाड से हैं, आप माइक म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर लीजिए आप लोगों का। हेलो, हाँ बोलिए ना सर, आवाज आ रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, बोलिए ना। अरे मेरा प्रॉब्लम ये था सर, जो प्रीलोडेड सर प्रोजेक्ट जो है सर, हाँ टाइटल का सर, उसमें हाँ, जो ऐड करता हूँ सर पेज हाँ, को हाँ सेव भी किया, पर जब प्रीव्यू पे मारता हूँ तो सर वो फेल हो जा रहा है सर। हाँ तो आपने आपने कन्वर्टिंग में प्रॉब्लम किया होगा, कन्वर्टिंग में प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि आपने पेज ऐड किया है। ओके जी सर। और उसके बाद आपने एसएम कन्वर्टर से कन्वर्ट किया था? जी सर। किया था आपने? जी सर। तो देखना पड़ेगा सर, तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे है ना, आपने अगर फोल्डर भी नहीं बनाया होगा पेज का जैसे हमने बना के दिया है, वैसा अगर फोल्डर भी नहीं बनाया होगा और दूसरी जगह पे आपका सिंगल पेज भी रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा प्रोजेक्ट आपका। ओके सर, ओके सर, मैं फिर से ट्राई कर लूंगा वीडियो। हाँ हाँ, या फिर अगर दिक्कत आती है ना, आज वाली वीडियो है ना, वापस से देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से, थोड़ा आप स्टेप्स देखना, स्टेप्स में आपका कहीं ना कहीं कुछ तो आइटम मिस है। यस, आपका दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। यस सर, स्टेप बाय स्टेप ही आपको पर्टिकुलर जैसे मैंने स्टेप बताया वैसे ही आपको करना है। बात इसका बाय डिफॉल्ट एक्स सीन कट एचडी फोल्डर मास्क मतलब सॉन्ग फाइल के अंदर जाता है, वहां पे भी ऑप्शन है टाइटल लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, हाईलाइट लेना है कि सेरेमनी लेना है। कोई भी अगर एक स्टेप मिस हुआ तो आपका काम गड़बड़, तो आपको सब स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। एक बार कीजिए, अगर नहीं होता है तो वापस से, कल एफएक्यू है अपना, ओपन सेशन है कल, बिंदास क्वेश्चन आंसर ही है कल, हम लोग ट्रेनिंग नहीं देने वाले, खाली क्वेश्चन आंसर लेने वाले आप लोगों के। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, आप रेडी रहिए। वेलकम सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काफी सारे मेरे को क्वेश्चन आते थे मतलब एफएक्यू में कि हमें सर टाइटल मिक्स को यूज करना है और कैसे इसको एडवांस तरीके से यूज करके बताना है, तो उसके लिए अभी हम जानेंगे। तो अभी जनरली क्या होता है कि अभी हम लोग कोई टाइटल बनाते हैं तो एक टाइटल बनाने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं अभी कुछ फोल्डर बनाते हूँ, फोल्डर बनाता हूँ और मैं कुछ यूनिक तरीके से आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे एक एक्सक्लूसिव टाइटल भी तैयार कर सकते हैं आई टाइटलर के अंदर से। ऑप्शन भी काफी सारे हैं इसके अंदर आई टाइटलर में भी अपने। एक सेकेंड, हाँ तो अभी मैं बैकग्राउंड में गया, मैं एक बैकग्राउंड लेता हूं। अभी मैंने एक बैकग्राउंड लिया, ये मेरा एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को अप्लाई किया। अब देखो मैं कुछ टाइटल बनाऊंगा, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे अभी हम लोग इसके अंदर।
अभी मेरा यहाँ फ्रेम है, यहाँ मेरा डीप टू फ्रेम आ रहा है, मैंने इसको कट कर लिया, मैंने इसको डिलीट किया, राइट। अब मुझे इसको लूपिंग करना है, यानी इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट लगा दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास, ठीक है। और मुझे इसके अंदर सॉन्ग अप्लाई करनी है। अब देखो मेरा टाइटल के अंदर, हम टाइटल मिक्स के अंदर की बात करें, टाइटल मिक्स में हम अलग अलग तरीके से टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से टाइटल बना सकते हैं। निकुंज हाँ सर बताइए ना। एक्चुअली मेरा भी वही नेट की वजह से हो रहा है, उधर अपना सर्वर मेंटेनेंस की वजह। यस 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 सर, सर्वर मेंटेनेंस वाला जो चल रहा है ना, आई थिंक मुझे भी एक बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। यस यस, अब सीधा डिस्कनेक्ट कीजिए ना, वहां से हो जाएगा और कनेक्ट भी तुरंत हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तो हाँ, एप्लीकेशन खुलेगा, एप्लीकेशन भी नहीं खुलेगा अगर वो प्रॉब्लम होगा ना, तो सर आप अभी बंद कीजिए और वापस से कनेक्ट कीजिए। तो कस्टमर उसको मतलब हम लोग की तरफ से थोड़ा सा सॉरी है, क्योंकि आज थोड़ा सर्वर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो थोड़ा ट्रेनिंग में भी हमें रुकावट आ रही है। तो अभी मेरा स्क्रीन आ गया है क्या? यस यस सर, आ चुका है, आपका स्क्रीन कनेक्ट ही है। हाँ, तो जिनको जिनको ये इश्यूज अगर आ रही है, तो एक बार नेट डिस्कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ द सर्वर, ये चल रहा है अभी हमारा, आज मेंटेनेंस चल रहा है कुछ सर्वर का, तो इसके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। तब भी हम लोग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे, जो मुझे बात आप तक रखनी है मुझे भी रखना है। कुछ हमारे ठीक है, मैसेज कर कॉल हो जाएगा तो एक्सपेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले चालू हो गया था क्रॉस चेकिंग के लिए, अभी हम लोगों ने कंफर्म भी किया था, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ बैकग्राउंड लिए और कुछ क्लिप आर्ट लिए, अब मुझे एक अच्छा सा टाइटल तैयार करना है, राइट। मुझे कोई MP3 लेना है, ऑडियो, और मैंने यहाँ पे फोटोज डाल दिया। मैंने एक बैकग्राउंड लिया, एक सिंपल सा बैकग्राउंड लिया, मैं एक ऐसे रफ बना रहा हूँ, एक नया टाइटल बना रहा हूँ, एक नया टाइटल बनाना है और मुझे इसका इस्तेमाल करना है टाइटल मिक्स का। तो कितना एक्सक्लूसिव तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, कि काफी सारा आइटम जो हमको मोशन और ये पोजीशन, ये सब जो ऑप्शंस होते हैं उनको यूज करना पड़ता है, उसके भी काफी सारे सिंपल ऑप्शन है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1-1.5 मिनट का मैं बनाता हूँ, ज्यादा मैं टाइम नहीं किल करूंगा, और मैं एक ऑडियो लेके आता हूँ। ठीक है, ये ऑडियो आ रही है, मुझे ये ऑडियो को थोड़ा आगे से कट करना है, मैंने कट किया इसको, मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है, आई से इन हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना है, टाइटल बड़ा करना, छोटा है, सॉरी, मैं इसका साइज वाइज थोड़ा सा छोटा बड़ा करता हूँ, एक रफ ड्राफ्टिंग टाइटल बना रहा हूँ मैं, ऐसा आप भी खुद का तैयार कर सकते हो। मैंने इसको साइज थोड़ा रिसाइज रखा और उसका मैंने फर्स्ट पोजीशन बाहर दे दिया, राइट। और यहाँ से ये थोड़ा क्लिप चल के आएगा तो यहाँ आएगा, और इसके बाद मुझे ये क्लिप आर्ट देनी है, मैंने क्लिप आर्ट का इस्तेमाल किया। एक क्लिप आर्ट डाला मैंने, और मैं कुछ कलर वगैरह चेंज करता हूँ, जैसे मैंने
ठीक है, मैं इसके अंदर बैकग्राउंड में कलर काट लेता हूँ, की में गया और यहाँ से ऑप्शन ऑन किया, ये एनेबल कर दिया। मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेता हूँ, ये मैं रफ ड्राफ्टिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, राइट। तो अभी हमने एक टाइटल डाला, तो एक पेज आ रहा है मेरा, एक ऐसा एनिमेशन होके आ रहा है, और मुझे खुद का टाइटल मिक्स से एक टाइटल बनाना है। तो मैंने क्या किया, टाइटल मिक्स में मैं गया, टाइटल मिक्स में जाने के बाद हमने क्या किया, हमने 10 15 20 पेज जितना भी लिखना था हमने लिख लिया, जितना भी पेज लिखते हैं वो पेज लिखते हैं। अब पेज के अंदर इसमें दो तीन आइटम्स हैं, दो तीन आइटम क्या है कि जैसा मैंने ये कोई टेक्स्ट लिया, मुझे इस टेक्स्ट के अंदर, काफी लोगों को पता है कि इसके अंदर फिल ऑप्शन है कि मुझे कलर फिल करनी है, तो मुझे अगर इसके अंदर टेक्सचर फिल करना है, कलर फिल करना है, तो मैं टेक्सचर एंड कलर यहाँ से फिल कर सकता हूँ। मुझे इसको थोड़ा एज को सॉफ्ट करना है तो मैं यहाँ से सॉफ्ट कर सकता हूँ। मुझे सॉफ्ट कितना करना है, यहाँ से एज को सॉफ्ट कर सकता हूँ, शेडो को सॉफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो शेडो आ रही है मुझे शेडो ऑडो बढ़ाना है तो मैंने शेडो ऑडो बढ़ा लिया, तो मुझे शेडो सॉफ्ट करनी है तो मैंने शेडो सॉफ्ट कर लिया, मुझे आउटलाइन को सॉफ्ट करना है, आउटलाइन बॉर्डर देनी है तो आउटलाइन बॉर्डर को दे सकता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, इसको सॉफ्ट कर सकता हूँ। प्लस मुझे यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रेम का, यानी मुझे अगर कोई टेक्स्ट के ऊपर फ्रेम देना है, यानी फ्रेम लगा के देना है, इस टाइप की सिंपल फ्रेम देनी है, तो आप फ्रेम टेक्सचर भी दे सकते हो। अगर आपको टेक्सचर फ्रेम देनी है तो टेक्सचर फ्रेम दे सकते हो, अगर आपको बैकग्राउंड डालना है तो इसके अंदर बैकग्राउंड भी दे सकते हो। जैसे आप काफी सारा टेक्सचर का फाइल, यानी इस टेक्स्ट के ऊपर आपको इस टाइप का बैकग्राउंड देनी है, इस टाइप से आप फिल कर सकते हो। प्लस टेक्स्ट का फ्रेम देना है, यहाँ से मैंने फ्रेम देना चालू किया, यहाँ फ्रेम लिया मैंने, कलर लेता हूं, यहां से कलर लिया मैंने, ओके क्लिक किया, हाँ सर बोलो, हाँ मालूम है ठीक है, वो चल रहा है, मेरे को पता है मेंटेनेंस होना। हेलो, तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शायद अविनाश सर का आवाज नहीं आ रहा है। अविनाश सर, हेलो, अविनाश सर, हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, आपका आवाज कट हो गया था। सॉरी, वो एक्चुअली फोन आ रहा है, फोन बार बार आ रहा है किसी का। ओके, साइलेंट कर दीजिए ना थोड़ी देर। तो अभी मुझे ये टेक्स्ट मुझे तैयार करना है, तो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे तैयार किया। बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि मुझे हिंदी टाइपिंग करनी है, तो हिंदी टाइपिंग के लिए मैं दोबारा यहाँ बता दूं, हिंदी फोनेटिक के अंदर आप यहां पे जाके टाइपिंग कर सकते हो, मुझे जो भी नाम देना है, ठीक है, मैंने नाम दिया। इसमें क्या यूनिक आप लोग को लग रहा होगा कि ये वापस से टाइटल मिक्स बता रहा है बंदा, लेकिन टाइटल मिक्स के अंदर अभी आपको बहुत सारे ऐसे आइटम अभी दिखने के वाले हैं ना, आप सोचे नहीं होंगे, काफी सारा आइटम जो अभी हम लोग मिस करते हैं, यानी हमें पता है, हम यूज करना चाहते हैं लेकिन हम यूज नहीं कर पाते, वो सब ऑप्शंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये लिया, टेक्स्ट लिया, ठीक है, तो मैंने कलर या फॉन्ट ले लिया, यहां से आप टेक्सचर के प्रीसेट है, आप इसको शिफ्ट दबा के अगर प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस डबल क्लिक, तो आपका फॉन्ट बदली नहीं होगा, सेम फॉन्ट के ऊपर अप्लाई होगा, यहां से आपका टेक्स्ट प्रीसेट दिए हुए, यानी टेक्स्ट के कलर आपको जो प्रीसेट अप्लाई करनी है, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट बदली नहीं होता, शिफ्ट दबा के। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के बदली किया, जो भी मुझे फॉन्ट बदली करने थे, जो भी टेक्स्ट लिखना था, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसको मैं लेके आया इधर, राइट। हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज, आ रही है।
हेलो आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है? हेलो अविनाश सर, हाँ आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, हिंदी टेक्स्ट डाला और मैंने इस पेज को ना फाइल में जाके सेव एज किया अपने नाम से। मैंने कोई डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में और मैंने यहाँ पे सेव किया। इसमें भी काफी सारे टूल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग काफी टाइम इस्तेमाल नहीं करते। मैं अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लूंगा। अभी मुझे इसको फिट टेक्स्ट करना है, मुझे राइट साइड में लेना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन है। प्लस मुझे इसका पोजिशन राइट में देना है, राइट में ले सकता हूँ, यहाँ से ऑप्शन है ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और मुझे ये टेक्स्ट को ऊपर डालना है तो मैंने ऊपर का पोजीशन लिया तो मैंने ऊपर का पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे रेडीमेड मेरा पोजीशंस बने हुए तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, अब ये हुआ, ये फर्स्ट आइटम मेरा हुआ, ठीक है, ये इतना आइटम बना है। फिर दूसरे पेज में मैं आता हूं, मैं इसके अंदर गया वीडियो के अंदर, वीडियो बाई जो नाम है टेक्स्ट रहेगा। अब ये मुझे करण एंड स्वाति लिखना है। अब मुझे इसके अंदर मैंने कोई फोटोशॉप से अच्छी सी फोटोग्राफ, ध्यान से समझिएगा, फोटोशॉप से मैंने कुछ फोटोज काटे हुए हैं, मेरी खुद की फोटो की लाइब्रेरी, ध्यान से समझिएगा, मैं वापस रिपीट करूंगा, मैंने फोटोशॉप से एल्बम डिजाइनिंग के लिए जो पेज इस्तेमाल किया, टीजीए फाइल या जो भी मेरे पास मटेरियल है, मैं उसको यहाँ पे लड़का लड़की के टेक्स्ट के साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे अप्लाई करूंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे फोटो में जाना है। फोटो में जाने के बाद मुझे यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पे यहाँ से सेट पाथ करनी है। सेट पाथ किया और मैंने जो फोटोग्राफ्स जहां भी रखे हैं, जैसे मैंने भी डी ड्राइव के अंदर रखा है, इसके अंदर क्लिप्स के अंदर स्टील फोटोज, स्टील फोटो मुझे पीएनजी चाहिए या टीजीए चाहिए, तो मुझे पीएनजी चाहिए तो पीएनजी ले सकता हूँ, टीजीए चाहिए तो टीजीए भी ले सकता हूँ। और यहाँ से ऑल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ओके क्लिक करना है। अब हमने जो फोटोशॉप से फोटो कटिंग की है उसके फोटोग्राफ के यहाँ पे प्रीव्यू मुझे दिखते हैं, यानी मैंने जो जो फोटोशॉप से कटिंग किया है यहाँ नीचे मुझे प्रीव्यू दिखेगा। तो मुझे अभी लड़का लड़की का पिक्चर चाहिए तो मैंने क्या किया, मुझे ये लड़का का पिक्चर चाहिए तो मैंने लड़के का पिक्चर लिया यहाँ पे, राइट, जो मैंने फोटोशॉप से कट किया है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया, मुझे इसको फ्रेम देना है, पिक्चर को फ्रेम देनी है, फ्रेम में गया, हमने यहाँ पे रेडीमेड काफी सारा फ्रेम दे रखा है, आपको बस फ्रेम को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। फ्रेम में जाता हूं, निकुंज ठीक है। अभी ये थोड़ा मेरा फ्रेम का कुछ इशू हो रहा है, शायद से मेरा कुछ कंटेंट का इशू है। ओके, तो मुझे फोटो देना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से फोटो ले लिया, फोटोग्राफ ले लिए, मुझे इसको थोड़ा फोटो सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या रोटेशन देना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेट करना है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, मुझे फ्लिप करना है तो मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे फ्लिप उल्टा सीधा करना है तो मैं उल्टा सीधा भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, यहाँ लड़के को डाला, यहाँ सेलेक्ट किया, मुझे इसको तो कोई सिंपल फ्रेम में सेट करना है तो मैंने क्या कि एक फ्रेम ऐसा बना लिया, प्लेन सा प्लेन फ्रेम बनाया और मुझे इसको लड़के को इसके ऊपर सेट करनी है। मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट दबा के एरो ऊपर क्लिक किया, यहाँ सेलेक्ट करके तो यहाँ मेरा फ्रेम में चला गया। मुझे फ्रेम का कलर बदली करना है या जो भी बदली करना है मैं यहाँ से करूँगा, मैंने यहाँ पे फ्रेम पे सेट किया, राइट। अब मुझे लड़की का पिक्चर देना है, लड़की का पिक्चर ले लिया, लड़की का पिक्चर ले सकते हैं।
फ्रेम भी सेम आपका सेम तरीके से अप्लाई होगा आपका। मैं यहाँ फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, फ्रेम में मुझे फिल करना है कलर, तो मैंने क्या किया यहाँ से कलर पे गया, ये फ्रेम सिलेक्ट किया मैंने, फिल में गया, कलर सिलेक्ट कर लूंगा, ओके क्लिक किया, ये मेरा ग्रेडियंट कलर ले लिया और मैंने इसके अंदर जाके इसको थोड़ा फिट कर दिया ऐसा। फिर मुझे ये लड़की को फ्रेम में देना है तो मैंने क्या किया इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसको राउंड फ्रेम में देनी है, ये थोड़ी राउंड फ्रेम लेनी है, मैंने यहाँ पे राउंड फ्रेम थोड़ा कर्वी राउंड फ्रेम सेलेक्ट किया, मुझे इसके अंदर कोई भी कलर चेंज करना है कलर चेंज करेंगे, मुझे इसके अंदर टेक्सचर देना है तो मेरा टेक्सचर जो है डी ड्राइव के अंदर रहता है, मुझे इसको सेलेक्ट करके न्यू पाथ करना है। अगर आपको टेक्सचर नहीं दिखता तो यहाँ से आप टेक्सचर भी ला सकते हो इसके अंदर, ट्विस्टर में गया, इसके अंदर टेक्सचर में गया, ओके क्लिक किया, ओके क्लिक करेंगे, वापस से मैं टेक्सचर में गया तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर लोड होके आ जाएगा पूरा। मुझे जो भी टेक्सचर अप्लाई करनी है यानी इस बैकग्राउंड वाले पे मैं टेक्सचर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी मर्जी के अनुसार मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मैंने टेक्सचर दे दिया। अब मुझे इस ये फ्रेम जो आगे आ रहा है मुझे इसको पीछे लेके जाना है, तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कीबोर्ड का एरो बटन, या आप इसको सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट दबा के डाउन एरो करोगे तो ये आपका फ्रेम में सेट हो जाएगा। लड़की का पिक्चर बड़ा छोटा करना है बड़ा छोटा कर लो आप, जो भी बड़ा छोटा करना है। मुझे ये कलर सूट नहीं कर रहा, मुझे इसको ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करनी है, मैं इसमें जाता हूँ, फ्रेम ले लिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे लड़का लड़की का नाम तैयार किया, सेम तरीके से मुझे अभी लड़का लड़की दोनों का चाहिए वेडिंग सेरेमनी, मुझे इसके अंदर वेडिंग सेरेमनी ऑफ लड़का लड़की का पिक्चर डालना है, तो मैं यहाँ से सेरेमनी पिक्चर के अंदर भी अपना लड़का लड़की स्टील जो कटिंग किया है मैंने स्टैंडिंग कपल का, मैं स्टैंडिंग कपल डाल देता हूँ, तो आप यहाँ से भी फोटोग्राफ दे सकते हो। और जो आप टाइटल के अंदर एनिमेशन दोगे यानी जो इफेक्ट दोगे सेम आइटम आपका इसके ऊपर अप्लाई होके आएगा, यानी ये मेरा टेक्स्ट के साथ ही फोटोग्राफ बैकग्राउंड सब तैयार हो गया। मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर, टाइटल कहो ना कहो, तो अभी मैंने दो पेज या तीन पेज जितना भी पेज बनाया मैंने पेज बनाया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इसको इंपोर्ट करना है, मैंने राइट क्लिक किया इंपोर्ट किया डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर, मैंने इसको फोल्डर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो टाइटल इंपोर्ट किया जो हमने उधर टाइटल तैयार किए थे। अब मुझे उस टाइटल को पेज के साथ लाना है और इफेक्ट भी देना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको इंपोर्ट किया जो हमने उधर टाइटल मिक्स में तैयार किया। अभी हमारा टाइटल मिक्स में जो तैयार किया था हमारा ये पेज आया, मुझे इसको बड़ा छोटा करना है, मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर मोशन देना है, सिंपल एक मोशन देनी है। मैंने ये ऑब्जेक्ट डाला, ये मेरा टाइटल आ गया, ये ऐसा आ गया। अब मुझे इसको कुछ मॉडिफाई करना है यानी इसको बड़ा छोटा करना है, तो मैं आई टाइटलर से ही इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मुझे मोशन में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जितना बड़ा चाहिए मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया, पोजीशन इसका सेट कर लिया, मुझे ये टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड चाहिए या बड़ा करना है, मैंने यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया, राइट, या थोड़ा टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेंगे, ये आउटलाइन एरिया से मेरा थोड़ा बाहर जा रहा है, थोड़ा इसको सिलेक्ट करके इधर लेफ्ट साइड में अलाइन कर लिया और इसको सेव किया। आप जैसे ही इसको सेव करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका टाइमलाइन पे इमीडिएट अपडेट हो जाता है इंस्टेंट। अभी मैंने अपडेट किया, ओके क्लिक किया, यहाँ पे देखोगे मेरा टेक्स्ट के ऊपर ये फॉन्ट बड़ा हो गया, सारा आइटम मेरा बड़ा हो गया। अब मुझे इसको जो भी करना है, मुझे मोशन देना है या इफेक्ट देना है, तो अभी मुझे इसको सिंपल इफेक्ट के साथ लाना है, फेड के साथ लानी है,
तो मैंने क्या किया, कंट्रोल डी दबाया, मुझे ये फेड के साथ आ जाएगा, मेरा ये काम फेड के साथ हो जाएगा, मुझे इसको फेड के साथ लाना है, मैंने फेड के साथ लेके आया, जिसको फेड के साथ लाना है फेड के साथ ला सकते हो, या मुझे इसको इन आउट वाला इफेक्ट देना है वापस से, जो मैंने कल बताया था ट्रांजेक्शन के अंदर आपका इन आउट दोनों बना हुआ है, तो इन आउट का इस्तेमाल करना है तो इन आउट का दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, इन आउट दोनों हो जाएगा आपका इसी ऑप्शन से ले करोगे, मेरी तो आपका इन आउट भी हो जाएगा लड़का लड़की, और पिक्चर क्वालिटी मेंटेन रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी पिक्चर क्वालिटी, यानी आपने फोटोशॉप से कटा काटा तो आपकी पिक्चर क्वालिटी एज इट इज रिजल्ट मिलने वाला एकदम राइट। अब मुझे इसके अंदर थोड़ा मोशन देना है, छोटा बड़ा करना है एज यूजुअल, मुझे इसके अंदर मोशन भी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इफेक्ट को थोड़ा हटा के रखता हूँ ताकि मैं इसके अंदर मोशन भी एक रनिंग मोशन दे दूँ, मैं मोशन में गया और इसके स्केल में गया, अब इसका मैं बाय डिफॉल्ट जो साइज है मैं 80 कर देता हूँ, 80 कर दिया, ये मैंने साइज 80 कर दिया, अब मुझे ये जो पोजीशन है इसको थोड़ा लास्ट तक आने तक ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जूम होगा, टेक्स्ट को मुझे जूम करना है, बैकग्राउंड मेरा मोशन में है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने 100 डाल दिया, यानी स्टार्टिंग होगा मेरा 80 से और एंड होगा मेरा 100 पे, तो थोड़ा मोशन रहेगा मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, मुझे मोशन चाहिए, तो मुझे जो स्टार्टिंग फ्रेम है यानी जो मेरा स्टार्टिंग फ्रेम है यहाँ मेरा 80 हो गया 80, और जो यहाँ एंड होगा तो ये थोड़ा बड़ा होकर के आएगा, और मुझे ये ट्रांजिशन के साथ चाहिए, ट्रांजिशन भी अप्लाई कर दिया, जितना बड़ा छोटा करना बड़ा छोटा कर लो और जस्ट प्ले करो, आपका काम डन, टाइटल तैयार। इसका इन आउट का ड्यूरेशन आपको फास्ट करना है, जैसे ये स्लो हो गया, मुझे ये लंबा ड्यूरेशन छोटा बड़ा करना है, तो आप क्लिप के साथ इसको मूव कर सकते हो और फास्ट ले सकते हो इंस्टेंटली। मुझे इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट भी देनी है, मुझे ये टेक्स्ट के ऊपर ये सेट करनी है, बांसुरी को सेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पोजीशन इसका चेंज कर देता हूँ और मैं इसका स्केलिंग सब हटा देता हूँ, स्केलिंग हटा दिया मैंने, अब मैं इसका साइज जो है ना इसको डिफॉल्ट जो है ना साइज 50 कर देता हूँ, 50 यहाँ से 50 मैंने डाल दिया, ये साइज बाय डिफॉल्ट मैंने 50 कर दिया, इसको स्केलिंग मुझे प्रोस्पेक्टिव स्केल नहीं है प्रॉपर, मुझे इसको थोड़ा बड़ा लंबा छोटा करना है तो बड़ा लंबा छोटा ऐसा कर सकता हूँ मैं इसके अपने हिसाब से राइट। अब मुझे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट कहाँ करना है, मुझे इसको एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है, यहाँ पे डालना है, और मेरा जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये इसके नीचे होनी चाहिए, तो मुझे इसका थोड़ा पोजीशन थोड़ा छोटा बड़ा करना है, मैं छोटा बड़ा कर लूंगा राइट। और मुझे इसको यहाँ पे दिखाना है, मैंने इसको ऐसा सेट कर लिया, और मुझे इसके अंदर इन आउट भी देनी है, तो राइट क्लिक करेंगे, एनवेलप में गया, ओपेसिटी में सॉरी, राइट क्लिक किया, एनवेलप में गया और ओपेसिटी क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इस टाइप से मेरा ये टाइटल एक फर्स्ट पेज तैयार हुआ। सेम टाइटल मैंने यहाँ पे लड़का लड़की के नाम के साथ हमने तैयार रखा था, हमने उसको आगे रखा, और इसके अंदर भी मुझे सेम तरीका, यानी मुझे मोशन देना है, ट्रांजिशन देना है, जो भी करना है आप अपने मन से अब भी कर सकते हो, जो भी इसको आप उल्टा कर लो, देख लिया आपका टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से आप टाइटल मिक्स का भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फोटोग्राफ को यूज कर सकते हो, फोटोग्राफ को इंसर्ट कर सकते हो। ये था हमारा टाइटल मिक्स रिलेटेड राइट। तो अभी इसके बाद अब हम जानेंगे इजी एस्टोन पे आएंगे कि काफी टाइम क्या होता है कि काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मुझे इफेक्ट बदली करना है, या काफी टाइम हम लोग जब इफेक्ट देखते हैं पेस्टिंग इफेक्ट देखते हैं पेस्टिंग इफेक्ट में जाएंगे, तो अभी हमारा यहाँ ट्रांजिशंस ऑप्शन में जाएंगे।
ग्राफिक के अंदर, यहाँ पे आप पेस्ट इफेक्ट देखते हो, तो पेस्ट के अंदर भी हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ से स्टील लेनी पड़ती है। काफी लोग को पता होगा कि यहाँ से कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा रिवाइज करूंगा। और इसके अंदर अगर आपको अपना फोटोशॉप से फाइल रिप्लेस करना है यानी डिफॉल्ट, तो वो कैसे करोगे, उसको बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये इसमें कोई डाउट है तो यस नो कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यस नो क्लिक कीजिए प्लीज। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है तो नो, अगर डाउट है तो यस कर दीजिए, और क्वेश्चन भी लिख के रखिएगा क्योंकि हम लोग लास्ट में सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके ऊपर। राइट, तो सबने मतलब किसी को डाउट नहीं है आई थिंक, सबने चैट में लिखा नो 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 नो, अच्छा लगा। लूपिंग टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, लूपिंग करने के लिए आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, लूपिंग आप अपने हिसाब से स्क्रब करके इसको जितना लूप करना है लूप कर सकते हो, जितना बड़ा करना है बड़ा छोटा करना है बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे मेरा ये क्लिप है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, लूपिंग ऑन करोगे, ये लूपिंग बाय डिफॉल्ट ऑन है भी मेरी। अब आपको इसको जितना लूप करना है यानी क्लिप का जो ड्यूरेशन होगा, यहां तक आपको चाहिए तो यहीं तक रखो, सिंपल खींच दोगे तो आपका लूपिंग चालू हो जाता है। राइट, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट, इजी एस्टोन यानी फोटो आर्ट, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी टाइम हम लोग स्किप करते थे इसको कि आपको बदली करना है तो ऐसा करो, बदली करते हो तो ऐसा करो, हम लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आज हम एक्चुअल स्टेप बताएंगे यानी आपको ए से लेके जेड तक कि कौन सा आइटम आपको कैसा बदली करना है, हम ए टू जेड बताने वाले। आपको अपना खुद का फोटो काटना है तो वो कैसे काटोगे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। राइट, तो उसके लिए आपको सबसे पहला न्यू करना है, न्यू करने के बाद आपको यहां नाम दो, ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, ध्यान से समझिएगा, नाम सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। राइट, तो मैंने यहां पर डी में गया या अविनाश न्यू में सिलेक्ट फोल्डर करता हूं और मैं लिखता हूं फोटो आर्ट। राइट, या इजी एस्टोन लिखता हूं, ई जेड एस्टोन, मैंने ईजोन एस्टोन के नाम से प्रोजेक्ट को सेव किया। अब क्यों सेव किया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब काफी लोगों को एक हमेशा रेगुलर, जिनको जिनको पता होगा कि काफी सारे हमने इसके अंदर इफेक्ट दिए, जैसा हमारा ग्राफिकल इफेक्ट होता है तो ग्राफिकल के अंदर भी लड़का लड़की यूज होता है। अभी मैं वन टू वन डाल डाल के दिखाऊंगा आपको ए टू जेड। अभी ये ग्राफिकल के अंदर ये लड़का लड़की का इस्तेमाल किया हुआ है। काफी टाइम क्या होता है कि ऊपर का पेस्ट काम करता है, नीचे का पेस्ट में फोटो बदली नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, आप लोग का क्वेश्चन जो है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि इसके अंदर ग्राफिकल स्वाइप है, इसके अंदर मेरा लड़का लड़की नहीं बदली होता। राइट, अब मुझे ये नहीं बदली होता तो ये तीन आइटम मैंने डाले, एक ग्राफिकल, पेस्टिंग और स्वाइप, और एक डीएम स्वाइप भी है अपना। राइट, तो ये डीएम स्वाइप हो गया अपना इसके अंदर, और फोटो स्वाइप भी है। राइट, तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट आइटम है जो कि फोटो आर्ट में इस्तेमाल होते हैं। अब इनको हमको ऑटोमेटिक बदली करना है यानी एक बार में बदली करना है, तो उसका स्टेप क्या है मैं आपको अब दिखाऊंगा आगे। मैं पहले एक रफ ड्राफ्टेड वर्क करके दिखाऊंगा जो हमारा एक्चुअल स्टेप है। एक्चुअल स्टेप पहले क्या है, हमें कोई भी वीडियो को बदली करना है यानी फोटो स्टील को ऑटोमेटिक बदली करना है, यानी हमने यहाँ जो भी पेस्टिंग इफेक्ट हम मिक्सिंग में इस्तेमाल करते हैं तो मुझे उसको बदली करना है, तो उसको बदली करने के लिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला तो मुझे अगर सिंगल सिंगल करना है तो वो कैसे करना है, और मुझे एक बार में करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। तो सबसे पहला मैं एक वीडियो लेके आता हूं, एक्स में गया फुटेज के अंदर, और मैंने यहां फुटेज लिया, मैं ऐसे पांच लड़का पांच लड़की और पांच कपल लेता हूं, एक सिंपल प्रोसेस से
मैंने बिन के ऊपर कपल फोटो और ये सब लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लड़के का पोर्ट्रेट लेता हूं और यहाँ पे सेंटर पोजीशन पे मेरा लड़का सही दिख रहा है, राइट, ये पोजीशन पे मेरा लड़के का पिक्चर सही है, आंख खुली हुई है। तो अब इसको स्टील निकालना है, तो स्टील निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने बॉय को सिलेक्ट किया, सेव एंड एक्सपोर्ट दबाया, ये मेरा बॉय कैप्चर हो गया। अब मुझे कपल कैप्चर करना है या गर्ल कैप्चर करना है, तो मैंने क्या किया, कपल में गया, डबल क्लिक। अब मुझे कपल का चेहरा इधर ऐसा फ्रंट फेसिंग है, ये फ्रंट फेसिंग कपल है मेरा, आंखें खुली हुई हैं लड़के की, और मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया और ये मैंने कपल लिया। ये मेरा नॉर्मल प्रोसीजर है। नॉर्मल प्रोसीजर में भी काफी लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका लड़का लड़की पोर्ट्रेट बदली नहीं होता। तो आपको स्टेप क्या क्या इस्तेमाल करना है, मैं स्टेप्स में अभी वापस आ रहा हूँ। अभी मैं थर्ड ये लड़का लड़की लेता हूँ, क्लिक किया, कपल ले लिया, ये गर्ल ले लिया और सेव एंड एक्सपोर्ट किया। अब मेरे पास स्टैंडिंग कपल नहीं है, सपोज करो मेरे पास स्टैंडिंग कपल नहीं है और मेरे पास यही एक कपल है जो ऐसा है स्टैंडिंग के रूप में, तो मैंने क्या किया, इसको स्टील किया और मैंने स्टैंडिंग में इसको सेव एंड एक्सपोर्ट किया। अब हमने सेव एंड एक्सपोर्ट किया तो हम जो स्टील निकालते हैं, यानी हमने जो स्टील निकाला वो यहाँ पे आपको दिखता है, बॉय कपल गर्ल स्टैंडिंग कपल, राइट, यहाँ पे आपको दिखता है ये स्टील्स जो हमने निकाले हैं। और ये स्टील का बाय डिफॉल्ट पाथ कहाँ जाता है, डी के अंदर ईजी एस्टोन, क्योंकि हमने कहाँ निकाला था, डी के अंदर प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, यानी हम क्लाइंट का जहाँ एडिटिंग करते हैं उसी फोल्डर के अंदर, फुटेज के अंदर बीसीजी के नाम से फोल्डर बनेगा और वहीं पे ये स्टील सेव होता है। मैं आपको इधर दिखा दूंगा, डी के अंदर अविनाश न्यू के अंदर ईजी एस्टोन बीसीजीएस, हमने जो स्टील निकाले, हमारा लड़का यहाँ निकला, कपल यहाँ निकला, गर्ल यहाँ निकला और स्टैंडिंग कपल यहाँ निकला, राइट। अब हमने ये स्टील निकाल लिए, अब मुझे इसको कटिंग करना है, यानी मुझे इसके अंदर फोटो को ऑटोमेटिकली करना है, तो क्या करना है, तो सबसे पहला तो आपको ऊपर यहाँ पे आइकॉन दिखता है, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में टूल्स के नीचे में इजी एस्टोन का, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस पी प्रेस किया, अब मेरा इजी एस्टोन खुलेगा, राइट, इजी एस्टोन खुला। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको न्यू क्लिक करना है, फोटो कटिंग के लिए आपको न्यू क्लिक करनी है। न्यू क्लिक करने के बाद आपको फोटो में जानना है, यहाँ फोटो ऑप्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे हमारा अलग अलग ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको बॉय गर्ल कपल, ये पहले के ऑप्शंस में इस्तेमाल होते थे, अभी आपको, यानी आपको अपना, जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं तो दे आर गोइंग वेरी रॉन्ग स्टेप्स, यानी आपको इसको इसको और इसको नहीं कट करना है, क्लियर है। मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, बॉय गर्ल कपल को नहीं करना है, स्टैंडिंग कपल को नहीं करना है, काटना किसको है, यानी आपको स्टील काटना है तो आपको बॉय प्राइवेट को काटना होगा। जैसे मैंने बॉय प्राइवेट लिया, मैंने यहाँ बॉय प्राइवेट लिया और मैंने इसको लैसो किया, यहां से मैंने लैसो कटिंग किया, मैं ऐसे लैसो कटिंग कर लेता हूँ फोटो को अपने हिसाब से। मुझे कुछ गलती हो गया तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरा रिवर्स जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोटो कटिंग किया, कट किया और यहाँ पे सेव किया, ओके क्लिक किया, राइट, ये मेरा बॉय कट चुका है। इसी के ऊपर डबल क्लिक करनी है, वापस से आपको गर्ल भी कट करना है। स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं, तो प्लीज टेक केयर कीजिएगा, प्राइवेट बॉय गर्ल कपल को काटना है, ना कि बॉय गर्ल कपल को, उधर प्राइवेट बॉय जो लिखा होता है, मैं वापस दिखाऊंगा आपको, मैंने यहां पे कट किया, सेव किया, ओके क्लिक किया, ये मेरा गर्ल कट गया, डबल क्लिक किया, कपल में गया, लैसो टूल लिया, जैसा मैंने फर्स्ट लैसो कटिंग किया था सेम तरीके से लैसो कटिंग करेंगे,
ये अपना वीडियो का स्टेप से बता रहा हूँ, यानी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कटिंग करना है ये, और फोटोशॉप से कैसे बदली करना है मैं आगे स्टेप में दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे कट किया कट किया, सेव किया एंड ओके क्लिक किया, डबल क्लिक। अब मुझे स्टैंडिंग कपल भी काटनी है, यहां से मैंने स्टैंडिंग कपल काटना चालू किया। मेरा कुछ गलती होता है तो राइट क्लिक करके आप माउस का, जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपका गलती कट रहा है तो वो भी पीछे आप जा सकते हो। ये मैंने कट किया पिक्चर को, यहां से मैंने पिक्चर कटिंग कर लिया, एंटर किया, सेव किया एंड ओके क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरा पोर्ट्रेट लड़का लड़की और कपल कट गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसको क्लोज कर देनी है, फिर फाइल में जाना है, ओपन करना है, फाइल में जाना है, ओपन करना है। ओपन में जाके सबसे पहला तो आपको ये कपल को एक्सपोर्ट कर देना है। ये कपल जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल दबाना है, एक्सपोर्ट करना है, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, आपको यहाँ पे काफी लोगों को ये तीन आइटम नहीं दिखता, राइट? ये तीन आइटम नहीं दिखता होगा, फोटो आर्ट पेस्ट ये सब नहीं दिखता, केवल पेस्ट दिखता है और सॉन्ग इफेक्ट दिखता है काफी लोगों को, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा इसके साथ में। तो अभी मैं फर्स्ट पेस्ट के अंदर जाकर के सेलेक्ट ऑल करता हूँ, एक्सपोर्ट दबाता हूँ। जिनको नहीं दिखता उसका सॉल्यूशन मैं अभी इमीडिएट आप लोग को एक फाइल दूंगा, आप डबल क्लिक करोगे आपको दिखना चालू हो जाएगा आपके फोटो आर्ट के अंदर, ठीक है? आपको बस डबल क्लिक करनी है, आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैंने फोटो आर्ट के अंदर यानी जो पेस्टिंग कटिंग की है, कट किया है, जितना भी कट किया है, तो हर फोटो के अंदर मेरा जो अभी हमने बॉय गर्ल कपल चेंजेस किया यानी कट किया, वो हमारा रिप्लेस होता है। ये रिप्लेस हो रहा है, अभी यह 61 प्रोजेक्ट रिप्लेस हो चुका है। फिर सॉन्ग इफेक्ट्स में जाएंगे, क्योंकि सॉन्ग इफेक्ट्स भी काफी सारे हैं हमारे पास, उनको हम लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल कर दूंगा, ठीक है, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, एक्सपोर्ट दबाता हूँ। अभी हमारा ये सॉन्ग इफेक्ट्स भी बदली हो जाएगा, ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जिनको जिनको ये आइटम नहीं दिखता, न्यू पेस्ट, डीएम एंड फोटो स्वाइप, टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ इसका उपाय कैसे आएगा। मैनुअल लाना है तो कैसे लाएंगे, ऑटोमेटिक लाना है तो वो कैसे लाएंगे, इसके मैं एक फाइल दूंगा, आपको बस आपके पीसी के ऊपर डबल क्लिक करना है, आपको ये तीन कैटेगरी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, तो इसकी भी ऑप्शंस मैं बता दूंगा। और मैनुअल कैसे ऐड करना है तो वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, अभी ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है, फोटो आर्ट वाली एक्सपोर्टिंग चल रहा है। इसके अंदर काफी सारी फाइल रहती है, जैसे सॉन्ग इफेक्ट्स वगैरह आप जो देखते हो, तो सॉन्ग इफेक्ट्स के अंदर ये आपका लड़का लड़की स्टील इस्तेमाल होता है, रनिंग वाले, क्लोजअप वाले, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो आपको कंपलसरी मेक श्योर, अगर आप सारे इफेक्ट यूज कर रहे हो तो आपको ये एक्सपोर्ट करना है। अगर आप ये सब इफेक्ट यूज नहीं करते अपनी एडिटिंग के अंदर तो ये करना जरूरी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं वापस, अगर आप पेस्टिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हो तभी आपको ये करना है, अगर नहीं इस्तेमाल करते तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट करना ही करना है, राइट? एक सेकंड, मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप हुआ है आई थिंक। आया मेरा स्क्रीन? हेलो,
नहीं नहीं आया अभी, अभी आया आया ओके चलो ठीक है। तो अभी इसके अंदर मुझे न्यू पेस्ट करना है, न्यू पेस्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट ऑल दबाया, एक्सपोर्ट दबाया। अभी जिनका न्यू पेस्ट नहीं आता तो उसको, उनको मैं पाथ बता देता हूँ कहाँ से ये पाथ लेती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं आता मैं एक जस्ट फाइल चैट के अंदर मैं एक फाइल शेयर करूंगा, आपको बस अपने पीसी पे डाउनलोड करनी है, डबल क्लिक करना है, आपको ये चार फाइल दिखनी चालू हो जाएगी। मैं अभी चैट पे शेयर में डाल देता हूँ, एक सेकंड, ये मेरा फोटो आर्ट एक्सपोर्ट हो गया। मुझे डीएम स्वाइप करना है, सेलेक्ट ऑल किया, एक्सपोर्ट कर दिया। ये मेरा डीएम पेस्टिंग वाले इफेक्ट जो भी है मैंने उनको एक्सपोर्ट मार दिया। ये एक्सपोर्ट हो गया, फिर फोटो स्वाइप में जाते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, डीएम फोटो स्वाइप मैंने एक्सपोर्ट किया। ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अब मुझे मान लो सपोज काफी लोग के पीसी में ये आइटम नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता, अब उनको लाना है तो कैसे लाना है मैं उसका स्टेप बता देता हूँ। काफी लोग के पीसी पे ये ऑप्शन नहीं दिखता, ऐसा ही इतना ही आइटम दिखता है, तो उनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू में जाना है, सेट पाथ करनी है, सेट पाथ क्लिक करने के बाद आपको डी ड्राइव में जाना है, ट्विस्टर में आना है, प्रोजेक्ट्स के अंदर, और यहां पे देखोगे जैसे डीएम स्वाइप है, पहले आपको डीएम स्वाइप ले लेना है, ओके क्लिक करना है, ये आपका डीएम स्वाइप ऐड हो गई कैटेगरी, फिर न्यू पे क्लिक करना है, सेट पाथ करना है, सेट पाथ किया, फिर मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट में जाता हूं, प्रोजेक्ट के अंदर मुझे फोटो स्वाइप लेना है या न्यू पेस्ट लेना है, तो यहाँ से मैं न्यू पेस्ट खोजता हूँ, मेरा न्यू पेस्ट का कैटेगरी नहीं आ रहा है, तो मैंने न्यू पेस्ट लिया, ओके क्लिक किया, ये मेरी न्यू पेस्ट ऐड हो गई। सेम तरीके से मुझे फोटो स्वाइप भी लेना है, डी में गया, ट्विस्टर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ट्विस्टर के अंदर प्रोजेक्ट में जानी है आपको, प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा न्यू पेस्ट फोटो स्वाइप, मैंने फोटो स्वाइप ले लिया, ओके क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ये तीन चार कैटेगरी सारी के सारी कैटेगरीज मेरी आ गई, राइट। तो यहाँ पे आके रेडी हो गया, अब मुझे इसको सेलेक्ट ऑल करना है, हमने तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया था, तो आपको भी सेम तरीके से एक्सपोर्ट करना है, ये हमारा स्टेप है, राइट। तो मुझे एक्सपोर्ट करना था तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब आप देखोगे जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लड़का लड़की, ये जो हमने कपल उधर चेंजेस किए ना, वो सारे बदली हो गए। अब मान लो मेरा कोई फोटो ये है, मैंने फोटो आर्ट इस्तेमाल किया है और मैंने इसके अंदर कुछ कपल और वीडियो का इस्तेमाल भी किया है, मैं कपल और वीडियोस डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियोस का इस्तेमाल किया, ये मैंने वीडियो इस्तेमाल किया, अब मुझे ये लगता है ये ज्यादा कलरफुल हो गया, अब मुझे ये पर्टिकुलर को चेंजेस करना है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक बार किया तो क्या हुआ, एक बार के अंदर यानी हमने जो फर्स्ट टाइम जो यहाँ से एक बार स्टील लिया और फोटो आर्ट में एक्सपोर्ट किया, तो ट्रांजिशन कैटेगरी के अंदर ये जितने भी ट्रांजिशन है इनके अंदर ऑटोमेटिकली आपका लड़का लड़की स्टील यानी जो हमने नया आइटम डाला तो वो उससे रिप्लेस होकर के मेरा ये कपल तैयार हो गया, राइट। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा कि इस टाइप से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, अब हमने तो एक बार में सारे के सारे कर लिए,
अब मुझे इसके अंदर सिंगल यानी सिंगल इफेक्ट को मुझे मॉडिफाई करना है, या तो आप यहीं से राइट क्लिक करके इजी एस्टोन को ओपन करोगे तो आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ही खुलेगा। इसमें आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे ये कलर है, इसको कलर हटाना है तो कलर हटा सकते हो, इसके अंदर अल्फा शेप लगा है अल्फा शेप हटा लो, इसके अंदर फिल्टर लगा है फिल्टर हटा लो, जो भी फिल्टर हटाना है फिल्टर हटा लो, इसको फ्रेम को जहां एडजस्ट करना है और इसको सेव करो और एक्सपोर्ट करो, आपका उधर अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो जो आपने चेंजेस किया, तो आपको सिंगल सिंगल अपडेट करना है, तो सिंगल सिंगल अपडेट करनी है तो राइट क्लिक करो, वापस मैं बताता हूँ, इजी एस्टोन में जाओ, इजी एस्टोन में गए, आपको जो भी अपडेट इसको सेव करो एक्सपोर्ट करो, ओके करो, यहाँ पे आपका अपडेट होकर के आ जाएगा इंस्टेंट। सिंगल करने के लिए मुझे इसके अंदर 2-3 क्लिप एक्स्ट्रा है, यानी मुझे ये क्लिप ज्यादा भरा पूरा लग रहा है, मुझे कम करना है, वापस से सिंगल सिंगल मैं बता रहा हूँ, सिंगल सिंगल अगर प्रोजेक्ट को एडिट करना है, पर्टिकुलर इफेक्ट को मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैंने मॉडिफाई किया, मुझे ये जो भी मॉडिफिकेशन करनी है, ये क्लिप मेरा थोड़ा स्ट्रेच है जिसको नॉर्मल एडजस्ट करना है, यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया, मुझे यहाँ पे लड़का लेना है, मुझे लड़का लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ है, जो हमने काटा था, जो बॉयगल कपल काटा था, इसको मुझे सॉफ्ट वगैरह करना है, नीचे से सॉफ्टनेस देना है, यहाँ से सॉफ्टनेस वगैरह भी दे सकते हैं हम लोग, ऐसा सॉफ्टनेस टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैंने सॉफ्टनेस डाल करके यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, अब मुझे इसके अंदर पिक्चर देना है, तो मैंने पिक्चर के अंदर बॉय लिया, बॉय को मुझे थोड़ा एडजस्ट करना ऐसा फ्रेम के हिसाब से, मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट कर लिया, ये सिंगल सिंगल एडिटिंग हुआ। अब एक बार में मेरा लड़का लड़की सारा चेंज हो गया और मुझे सिंगल सिंगल किसी को एडिट करना है, तो मैं सिंगल सिंगल ऐसा एडिट कर सकता हूँ, मुझे इसको नीचे से थोड़ा सॉफ्टनेस देना है, सॉफ्टनेस दे दिया, लड़की एज इट इज मेरा ठीक है, मुझे इसका थोड़ा इसका पोजिशन बदली करना है, मुझे ये पोजीशन बदली नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे काफी टाइम लॉक रहता है, ये लॉक रहेगा तो आपका आगे पीछे क्लिप मूव नहीं होगा, ये अनलॉक करोगे फोटो सिलेक्ट करके तो आप इसको मूव करने सकोगे, आपको जो भी मूविंग करना है आप मूव कर सकते हो, ठीक है। आपको टेक्स्ट को इधर उधर करना है, टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना है, टेक्स्ट को बदली करना है, टेक्स्ट को बदली कर सकते हो, टेक्स्ट को बदली कर देंगे अभी हम, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बदली करना है, मुझे अपना खुद का टेक्स्ट लिखना है, डिलीट करो, जो भी टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिखा, राइट, और इसको सेव करना है एंड एक्सपोर्ट करना है, ओके क्लिक किया, मैं वापस से इफेक्ट पे आता हूँ, तो ये मेरा मैंने जो पर्सनलाइज एडिटिंग किया, यानी मुझे एक एक कंपनी ने जो बना के दिया है वो मटेरियल अलग है, और मैंने जो अपना मॉडिफाई किया वो अलग हो गया, यानी मुझे इसके अंदर कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए था तो मैंने बाय डिफॉल्ट सेव कर दिया, तो ये डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी मेरा बदली हो गया और मेरा इधर इफेक्ट में भी बदली हो गया। अब था ये तरीका स्टेप बाय स्टेप फोटो आर्ट के अंदर ये बदली करने का। किसी को इसके अंदर डाउट है, यस या नो, आप लोग को ये समझ में आ गया तो यस कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कीजिए, क्योंकि मैं इसका अगला स्टेप पे जाऊंगा अभी, इसके अगले स्टेप पे, कि कैसे हम फोटो आर्ट, मतलब हमको कोई स्टील काटना है तो हम स्टील कैसे बदली करेंगे, फोटोशॉप वाली फाइल से कैसे इसको रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली। ये क्लियर है आप लोगों को सबको चैट के अंदर? यस क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अभी किसको किसको ये जानना है कि मुझे अपना फोटोशॉप से काटा हुआ फाइल, यानी फोटोशॉप से फाइल वो फाइल शेयर कर दूं, सॉरी मेरा सॉरी भूल गया था, मैं फाइल शेयर कर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं भूल गया था, एक सेकंड मैं फाइल शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक न्यू फोटो आर्ट प्रोजेक्ट बोल करके मैंने एक फाइल दिया है, ये आप लोग सबको डाउनलोड कर लो। चैट के अंदर देखो मैंने एक फाइल दिया रजिस्ट्री फाइल, उसको आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, इसके लिए 8.1 कंपल्सरी डालना है, राइट, 8.1 डालोगे तभी आएगा आपका ऑप्शन, ठीक है।
तो ये रजिस्ट्री फाइल को बस आपको डबल क्लिक करना है, यस करना है, आपका चार अगर मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपके फोटो आर्ट की कैटेगरी में, राइट। ये जो फाइल मैंने शेयर किया है उससे फायदा क्या होगा, आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, यस करना है, तो जिनको जिनको ये कैटेगरी मिसिंग है उनको ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, मैनुअल ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, राइट, जो फाइल मैंने अभी शेयर की है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी मैंने तो यहाँ बदली किया लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे क्या होता है, काफी टाइम क्या होता है इसके अंदर ना, हमने जो वीडियो जो स्टिल निकाला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसके अंदर पिक्चर की क्वालिटी मुझे नहीं मिल रही है। कंप्लेन नंबर वन कि मुझे फील्ड ऑफ डेप्थ, यानी पिक्चर जो मैं वीडियो से स्टिल निकालते हैं उसके अंदर पिक्सल की कमी हो गई, तो मुझे पिक्सल थोड़ा ज्यादा अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, और मैंने फोटोशॉप से कोई फोटो कटिंग किया है तो मैं कैसे बदली करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपने जो पाथ पे सेव किया है, यानी डी अविनाश न्यू इजी एस्टोन, अब देखिएगा ध्यान से, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताने जा रहा हूं कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको करना क्या है कि आपको अपने डेस्टिनेशन फोल्डर पे जानी है। अब डेस्टिनेशन फोल्डर यानी कहां, डेस्टिनेशन फोल्डर मेरा क्या हो गया, डी अविनाश न्यू, तो मैं डी में जाता हूं, अविनाश न्यू में जाता हूं, अविनाश न्यू के अंदर फुटेज में जाऊंगा, बीसीजी में जाऊंगा, और यहां पे मेरा बॉय गर्ल कपल है। अब मुझे ये बॉय गर्ल कपल को ऑटोमेटिकली मुझे अच्छी वाली डालनी है, तो कैसे करेंगे, मैं इसको बॉय को सिलेक्ट करता हूं और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं और ओपन विथ फोटोशॉप, अगर 7 रखे हो तो अल्फा नहीं करना पड़ेगा, बेस्ट है फोटोशॉप अगर 7 है तो 7 का इस्तेमाल कीजिएगा। फोटोशॉप 7 में इसको ओपन करना है आपको, सिंपल मैंने फोटोशॉप 7 वर्जन में ओपन किया। अब मेरा ये देखो वीडियो के अंदर से जो स्टिल निकाला है इसके पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी डल है, अब मुझे इसको नया पिक्चर रिप्लेस करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पिक्चर्स काट के रखे थे ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया था आपको, फोटोशॉप से काट के रखा है, या मेरा एल्बम जो बनाया था शादी का एल्बम था उसके अंदर मेरा स्टिल काटा हुआ था पीएनजी या टीजीए, तो मेरा बॉय यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया उस बॉय को लेकर के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया ये कटिंग वाले टूल को, ठीक है। अब मुझे इसको इससे बदली करना है, तो मैंने क्या किया इस लेयर पे ला करके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया और पुराने वाले वीडियो को मैंने डिसेबल कर दिया और मैंने इसको सेंटर में ला करके यहाँ पे बस फाइल में जाके सेव कर दिया। सेव कौन से फॉर्मेट में करनी है, वापस मैं रिपीट करूंगा, सेव कहाँ करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप सेव करोगे तो आपको कंपलसरी यहाँ टीजीए लेना है, टीजीए लेना है और ध्यान देना है कि ये आपका पाथ इजी एस्टोन बीसीजीएस, यानी आपका जो वर्किंग फोल्डर है उसी पाथ में होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप पे लिया और मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेव किया और ओके क्लिक किया, ओके मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये मेरा काम खत्म, ये मेरा लड़का बदली हो चुका। फिर मैं जाता हूँ लड़की बदली करने के लिए, तो मैंने क्या किया कपल में जाता हूँ, सेकंड कपल लेता हूँ, ये पुराना कपल है मेरा और मुझे नया कपल से रिप्लेस करना है, तो मैंने नया कपल लिया, ये कपल लेके आया, इस कपल को सिंपली जाके उसके ऊपर रिप्लेस कर दूंगा और नीचे वाला लेयर को डिसेबल कर दिया। अब मैं इसको फाइल में गया, सेव एस टीजीए, कपल को सिलेक्ट करके ओवरराइट कर दिया। ध्यान रहे आपको इसका साइज नहीं छेड़ना है, इसका अगर इमेज का साइज आपने छेड़ दिया तो आपका पिक्चर के ऊपर ये लड़का लड़की स्ट्रेच होके आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती भी नहीं कीजिएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं कि ये गलती नहीं कीजिएगा। क्या करना है, ध्यान देना है किस चीज पे कि आपको जब भी आप जैसे ये आपका ओरिजिनल लड़की है आपको इसको रिप्लेस करना है तो आपने जो कटिंग किया है उसको आपको लेके आना है और आने के बाद आपको इसको सिंपल यहां से जा करके इसको रिप्लेस करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको रिप्लेस करना है, यहां से रिप्लेस करना है और यहां से आपको नीचे वाला लेयर को हाइड कर दो। यहां पे आपकी लड़की तैयार है, फाइल में जाओ, सेव एस करो टीजीए, इसके ऊपर ओवरराइट कर देनी है, हो गया। अब मुझे ये कपल तैयार करना है, कपल तैयार करने के लिए क्या करेंगे, मुझे स्टैंडिंग कपल चाहिए,
तो स्टैंडिंग कपल में मैंने हाफ निकाला था फर्स्ट, मेरे कोई फोटोशॉप से काटा हुआ है, मेरा रनिंग स्टैंडिंग कपल है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको मैंने इसको डिसेबल कर दिया। मैंने ये फोटो को सिलेक्ट किया, फाइल में गया, सेव एस किया, स्टैंडिंग कपल के अंदर जेपीजी सिलेक्ट करेंगे, सॉरी टीजीए सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके ओवरराइड कर देंगे। अब मेरा है फोटो आर्ट के अंदर, अब हमको फोटो आर्ट के अंदर फोटो बदली करना है। मान लो मुझे पेस्टिंग, अभी मैंने एडवांस क्लिक किया और ओके क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे बिन के अंदर आपका ऑटोमेटिकली लड़का लड़की जो है अपडेट हो जाएगा। इधर जो आपने कटिंग किया था यहाँ पे देखो, हमने जो रिप्लेस किया उससे वो अपडेटेड हो गया, अपडेट हो चुका है। यानी मुझे बस अब क्या करना है, फोटो आर्ट में जाना है, हमें बाय डिफॉल्ट पाथ पे बदली कर देना है और हमें लैसो का स्टेप भूल जाना है। अभी फोटोशॉप से अगर आपने रिप्लेस किया तो लैसो टूल भूल जाओ, सीधा पेस्ट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल दबाओ, एक्सपोर्ट बटन दबाओ, वेट करेंगे। यानी आपने जो फोटोशॉप से जो फाइल रिप्लेस किया, यानी फोटोशॉप वाली टीजीए वाली फाइल को आपने ओरिजिनल क्लिप से आपको बस रिप्लेस कर देना है और पेस्ट में जाके सेलेक्ट ऑल दबा के एक्सपोर्ट दबा देना है। राइट, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने अभी पेस्टिंग पे एक्सपोर्ट मारा, ओके क्लिक किया, फिर मैं न्यू पेस्ट में जाता हूं, सेलेक्ट ऑल करता हूं, एक्सपोर्ट करता हूं। अभी मुझे क्या करना है, मुझे दो ही कैटेगरी यूज करनी है, सपोज पेस्ट और न्यू पेस्ट। तो मैंने न्यू पेस्ट और पेस्ट किया तो उसके अंदर ही मेरा खाली लड़का लड़की बदलेगा, ना कि आप जो ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर नहीं बदली होगा। जब तक कि आप इसको डीएम साइप को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल दबा के एक्सपोर्ट नहीं दबाओगे तब तक ये आपका बदली नहीं होगा, याद रखिएगा ये बदली नहीं होगा। तो आपको ये कंपलसरी डीएम को सेलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है, डीएम न्यू पेस्ट फोटो स्वाइप, ये चार आइटम आपको करने ही करने हैं। अभी ये मेरा पेस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी की भी कंप्लेन ना सॉल्व हो जाएगी। यानी काफी लोगों को तकलीफ होता है कि मैं वीडियो से स्टिल निकालता हूँ सर, पिक्चर की क्वालिटी पेस्टिंग के इफेक्ट की क्वालिटी कमजोर हो जाती है। तो रीजन यही था कि आपका पिक्सल जो है ना वो कमजोर था, आपने वीडियो से स्टिल निकाला, उसकी क्वालिटी बहुत कम होती है, ऑलरेडी सबको पता है कि वीडियो से स्टिल जो निकलता है उसकी क्वालिटी बहुत होती है, पिक्सल में आती है 20x1080 पिक्सल्स होती है, और जो आप फोटोशॉप पे कटिंग करते हो उसकी पिक्सल की साइज ज्यादा होती है। राइट, तो अभी मैंने यहाँ पे फोटो आर्ट से कटिंग किया, ये सब काम अपडेट किया और मैं यहाँ पे अब इफेक्ट देखना चालू करता हूँ। तो अभी मेरी इफेक्ट की क्वालिटी आप देखोगे काफी फार बेटर हो गई, पहले से पूरा चेंजेस हो गया और पिक्चर क्वालिटी मेरा मेंटेन हो गया। सो इस टाइप से आप फोटोशॉप से आप फोटो बदली कर सकते हो। स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या, यस या नो में जवाब चाहिए? पेस्ट का सेटअप का फाइल दू, मैंने ऑलरेडी चैट में सर दे दिया है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है। अभी मैंने वापस से डाला, फोटो आर्ट की फाइल डाल दी है, आप लोगों को सब आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, चैट के अंदर सबको मैंने डाला है, डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये चारों कैटेगरी समझ में आ जाएगी। राइट, ठीक है ओके ओके, थैंक यू। आप लोग को सबको टाइम दे रहे हो इतने अच्छे तरीके से, इतने डिटेल तरीके से, और जो हमने स्टार्ट किया था उतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए अभी भी स्टिल तो हम भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देना चाहते। हाँ, जिनको जिनको सीसी में होगा लेकिन आपको अल्फा चैनल ऑन करना पड़ेगा, अल्फा फोटोशॉप 7 के अंदर अल्फा जो है ना ऑलरेडी रहता है, अल्फा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। मेरा थोड़ा फोटोशॉप सीसी क्रैश्ड है, इसके लिए सॉरी, उसके ऊपर नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, अभी आप बेस्ट होगा फोटोशॉप 7 इस्तेमाल करो, इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से फोटोशॉप 7 इस्तेमाल करो, बेस्ट रहेगा फोटोशॉप 7 राइट, क्योंकि आपको आगे भी काफी सारे जगह पे इस्तेमाल आएगी इसको, मतलब इसका जो कटिंग किया हुआ फाइल है सेम रेजुलेशन होनी चाहिए। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं इफेक्ट की ओर।
यानी इससे ही रिलेटेड है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, इजी एस्टोन, यानी इजी एस्टोन ये छोटा आइटम नहीं है, बहुत बड़ा आइटम है। अभी मैं ए टू ए के अंदर आता हूँ, और काफी टाइम आप लोगों ने यहाँ देखा होगा टाइटल के अंदर यहाँ पे सुपर स्ट्राइप बोल करके ऑप्शन आता है, और काफी सारे इसके अंदर भी हमारे लड़का लड़की स्टील का इस्तेमाल होता है। यानी सुपर स्ट्राइप कहाँ इस्तेमाल होगा मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली लेडीज प्रोग्राम वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इसकी भी फोटो आर्ट की फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और इसके अंदर भी अगर पिक्चर आपको ऐड करनी है तो आप पिक्चर को ऐड कर सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे डाला और मुझे इसके अंदर पिक्चर डालनी है, तो ये पिक्चर का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ से पिक्चर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, सेव किया एंड एक्सपोर्ट किया, ओके क्लिक किया, बंद किया। यहाँ पे देखो आपका लड़का भी तैयार। तो ये आइटम भी आपको इसके अंदर अवेलेबल है। मैं वापस रिपीट करूंगा इसको, थोड़ा मैं ये आगे पीछे क्लिप करता हूँ। बेसिकली ये कैटेगरी का यूज कहाँ आएगा आपको मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये मैंने इफेक्ट डाला, अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट भी बदली करना है। मैंने फोटो डाला, मुझे टेक्स्ट भी बदली करना है, तो मैं इसको टेक्स्ट सिंपल तरीके से राइट क्लिक करना है, इजी एस्टोन करना है, आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करनी है यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देना है। जैसे मुझे अभी हल्दी सेरेमनी लिखना है, इसको सेव करना है एंड एक्सपोर्ट करना है, ओके क्लिक किया, क्लोज किया, सेव एंड एक्सपोर्ट दबाया। सॉरी मुझे नेट डिस्कनेक्ट करके वापस आना पड़ेगा, वो हमारा कुछ सर्वर का अपडेट चल रहा है तो इसके लिए ये मैसेज आ रहा है। आज वापस से मैं आता हूँ, मुझे बस एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करना पड़ेगा पीसी को। सॉरी अभी स्क्रीन आ रहा है अभी मेरा, ओके थैंक यू। नहीं आ रहा है स्क्रीन, देखो बेसिकली इसके अंदर काफी सारे आइटम ऐसे हैं जिसको हम लोग अभी तक यूज नहीं करते। नंबर वन, हम लोग जब भी सेरेमनी या रिचुअल्स बनाते हैं, अभी हमारा प्रोग्राम होता है सपोज करो हल्दी का, तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, इजी एस्टोन से। इजी एस्टोन से मुझे हल्दी का प्रोग्राम का क्या फंक्शन का लेना देना, मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे। मैं अभी कोई क्लिप लेके आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिप्स ओपन किए शादी के, अभी यहां से मेरा कोई पूजा का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अभी हम लोग आजकल क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन अभी अपना बनाना है, तो कॉम्पोजिशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, इजी एस्टोन वाले फाइल्स को। आप जब ट्रांजिशन में जाते हो तो ए टू ए कैटेगरी के अंदर टाइटल के अंदर ये अवेलेबल है आपको,
टाइटल के अंदर जब जाओगे तो सुपर स्ट्राइप बोल के ऑप्शन है। अब इसको आपको रिचुअल्स के हिसाब से, यानी अगर मेरा कोई सेरेमनी स्टार्ट हो रहा है तो मैंने क्या किया, ये उसको ऊपर लेयर पे लाके रखा, सिंपली इफेक्ट को लाके रखा, और इसको कितना देर रन कराना है, सिंपल खींचेंगे और उतना बड़ा कर लेंगे हम लोग इसको। अब ये हवन कुंड हो रहा है, ये पूजा हो रहा है, तो इसमें हवन कुंड का इफेक्ट डाला हुआ है मेरा ऑलरेडी, और मुझे इसके अंदर सेरेमनी का नाम देना है, इसके अंदर सेरेमनी की नाम देनी है। तो मैंने क्या किया, इसको भी आप इसके अंदर लड़का लड़की का अगर पिक्चर भी डालना है तो आप पिक्चर भी डाल सकते हो, यानी लड़के का फंक्शन है तो लड़के का हो सकता है हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है तो लड़के का हल्दी का प्रोग्राम का फाइल डाल दो। जैसे मैंने अभी इसके अंदर रेफरेंस में आपने टाइपिंग करना है, मुझे नाम टाइप करना है हवन या देव पूजन, ठीक है, यानी गॉड का पूजन हो गया। मैंने देव पूजन डाला, सेव किया एंड एक्सपोर्ट किया, यानी फैमिली का जो भी पूजा होता है मैंने उसका पूजा का नाम दे दिया, और इसके अंदर मुझे नाम देना था, मैंने नाम यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देव पूजन लिख दिया, ये मेरा काम हो गया। अब मेरा इफेक्ट के साथ इन और आउट के साथ गया, आया गया, ये मेरा काम हो गया, राइट। अब मुझे सेम आइटम हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सपोज करो मेरा हल्दी का कोई प्रोग्राम होता है, अभी ये मेरा हल्दी या संगीत का प्रोग्राम चालू हो रहा है, हल्दी लेता हूँ, एक हल्दी के लिए लेता हूँ, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप है, आप इसको यहां से बड़ा छोटा करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तीसरा चौथा डाला, अब मेरा ये प्रोग्राम है, अब सेरेमनी कौन सा है, अभी लड़के का हल्दी का प्रोग्राम है, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इजी एस्टोन में गया, अब हमने फोटोशॉप से फोटो कट करके रखी हुई है, अब मेरा ये रेफरेंस इमेज खुलता है, ये उसका इमेज नहीं है एक्चुअली, ये रेफरेंस डाला हुआ है, इसके लिए ये मैसेज आता है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, ये रेफरेंस इमेज है। तो अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने नाम डाला हल्दी सेरेमनी, ठीक है, इसको मैंने हल्दी सेरेमनी डाल दिया, और किसका हल्दी का सेरेमनी, लड़के का है या लड़की का है, तो मुझे पिक्चर डालना है, तो मैंने पिक्चर ले लिया और मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया और सिंपल यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे मुझे इसको फॉन्ट बदली करना है तो यहाँ से मैंने फॉन्ट बदली कर दिया, मुझे जो भी फॉन्ट बदली करना है मैंने यहाँ से फॉन्ट बदली किया कुछ, ठीक है। अब ये मेरा हल्दी सेरेमनी जा रहा है, अब हल्दी सेरेमनी थोड़ी बड़ी हो गई, इसको आपको टेक केयर करना है, जो आपका पीछे रेफरेंस इमेज है इससे बड़ा मत रखना, नहीं तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा वो, यानी आपका जो इफेक्ट होगा इफेक्ट से प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो इसको हमेशा टेक केयर करना है कि ये फ्रेम के अंदर ही रहे, फ्रेम के बाहर नहीं लीजिएगा। अब मुझे हल्दी का टेक्स्ट है येल्लो देना है, ब्राइटर येल्लो देनी है, मैंने ब्राइटर येल्लो डाल दिया और मैंने इसको सेव किया और एक्सपोर्ट किया, बंद किया, इधर मेरा भी मेरा पूजा का एक इफेक्ट तैयार। तो इस टाइप के आप कंपोजिशन में भी यूज कर सकते हो, कैसा यूज करोगे, जब कंपोजिशन में आप इस टाइप का प्रोग्राम, यानी आपका कोई हल्दी का आपका रिचुअल्स है, हल्दी का रिचुअल्स होता है, तो उसके अंदर ये फोटो आर्ट यानी इजी एस्टोन के जितने भी प्रोजेक्ट्स है इनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, यानी रिचुअल्स वाइज भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी यानी अभी मेरा सेरेमनी आ रहा है, लेडी संगीत आ रहा है, संगीत का प्रोग्राम आ रहा है या कोई भी प्रोग्राम जा रही है, तो उसको मुझे टेक्स्ट से नरेशन देना है, लड़का लड़की का पिक्चर डाल के। अभी मान लो हस्तमिलाप का है, अभी हस्तमिलाप है मेरा, अभी मुझे हस्तमिलाप के अंदर लड़का लड़की दोनों दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे गया, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सेम कपल का फोटो एज इट इज, या गणेश पूजन चल रहा है मेरा तो मैं गणेश पूजन का नीचे स्क्रॉल बनाना है तो बना सकता हूँ, या अपने हिसाब से मुझे जो भी लिखना है। अभी गणेश पूजन चल रहा है तो गणेश पूजन लड़का और लड़की दोनों साइड से, तो मुझे यहाँ पे गणेश पूजन डाला, तो ये आपका ये खुद का इफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको अलग से सेव करना चाहते हो अलग से सेव भी कर सकते हो।
अभी मैंने इजी एस्टोन से यहाँ से बदली किया और मुझे यहाँ फॉन्ट बदली करना है, मैंने फॉन्ट बदली किया, फॉन्ट बदली करेंगे, ठीक है, यहाँ मैंने फॉन्ट लिया, फॉन्ट का कलर बदली करना है, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करेंगे, ये मैंने गणेश पूजन लिया, मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब मुझे लड़का लड़की दोनों साइड का देना है या फैमिली का पिक्चर देना है, तो आप फैमिली का भी पिक्चर ऐड कर सकते हो इसके अंदर, लड़का एंड लड़की, ठीक है। अब मुझे ये लड़की को फ्लिप करना है, इसको मुझे सेट करना है, सेट कर लिया, मुझे इसको सॉफ्टनेस देना है, सॉफ्टनेस एडजस्ट कर लिया, लड़के को सॉफ्ट करना है, जितना भी सॉफ्ट करना है मैंने सॉफ्ट कर लिया, दोनों का प्रोग्राम फंक्शन जो भी है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रोटेट में गया, ये लड़की को फ्लिप करना है, फ्लिप कर दिया, अभी लड़की का चेहरा लड़के के तरफ डायरेक्शन हो गया, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, राइट, सेम इक्वल साइज का हो गया मेरा, सेव किया एंड एक्सपोर्ट किया, ओके, क्लोज किया। अब यहाँ पे मेरा एक एक्सक्लूसिव इफेक्ट तैयार, लड़का लड़की का पिक्चर के साथ में मेरा ये, यानी आप इस टाइप से इजी एस्टोन का इस्तेमाल आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके इफेक्ट बनाने में भी कर सकते हो। अगर आपने ये इफेक्ट बनाया, इसको आपको सेव करना है या आपने अपना खुद का बना लिया, तो अभी इसको सेव करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी बनाओ, यानी ये भी इजी एस्टोन के भी प्रोजेक्ट को भी आप सेव करके रख सकते हो। मान लो मैंने यहीं पे एक कैटेगरी बना ली माई इफेक्ट्स, ताकि आपको याद रहे टाइटल के कैटेगरी के अंदर ही, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको सेव करो, माई इफेक्ट के अंदर आओ, टाइटल के अंदर माई इफेक्ट गणेश पूजन, यानी इस टाइप का आप काफी सारा इफेक्ट भी बना के रख सकते हो लोअर थर्ड वाले, गणेश पूजन बीजी बॉय गर्ल, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी सेव हो गया, तो अगली बार जब भी मेरा बॉय गर्ल कपल बदली होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लड़का लड़की भी यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर बदली हो जाएगा, तो मुझे मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम किल नहीं करना पड़ेगा। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस आर देयर ऑफ फोटो आर्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं इसके अंदर। प्लस हम जो सॉन्ग इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने सॉन्ग इफेक्ट अगर आपने फोटो आर्ट के अंदर, हमने जो यहाँ पे फोटो आर्ट के अंदर जो ऑप्शन दिया है सॉन्ग इफेक्ट्स, ये जो सॉन्ग इफेक्ट्स की कैटेगरी है, अगर आपने इसमें एक्सपोर्टिंग नहीं किया, अगर आपने इसको सिलेक्ट ऑल एक्सपोर्ट दबाया है, तो आपकी इधर जितनी भी कैटेगरीज है इसके अंदर लड़का लड़की का स्टील भी यूज हुआ है तो स्टील भी बदली हो जाएगा, वीडियो तो ऑटोमेटिकली बदली हो ही जाता है यहाँ से, लेकिन जब तक आप इधर एक्सपोर्ट नहीं डालोगे तब तक आपका लड़का लड़की इधर बदली होकर के नहीं आएगा सॉन्ग इफेक्ट्स में। इस चीज को ध्यान रखना, यानी सॉन्ग इफेक्ट केवल वीडियो नहीं इस्तेमाल होता, उसके अंदर काफी सारे स्टील का भी इस्तेमाल होता है, तो आपको टेक केयर करना है कि आप जब भी स्टील बदली करो, यानी यहाँ पे आप जो भी इफेक्ट डालते हो तो इसके अंदर आपका ऑटोमेटिकली लड़का लड़की बदली करना है, तो उधर फोटो आर्ट से आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है। ये देखो अभी मेरा स्टील है, स्टील का जो इस्तेमाल किया हमने, स्टील अपना आ गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस पॉइंट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग चैट में यस नो लिख सकते हो या माइक अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, रेज हैंड कर सकते हो अगर आपका किसी का क्वेश्चन है तो, ओके है, बढ़िया है।
तो कितना इफेक्ट बनाओगे आप लोगों में से, कितने लोग को आपको यूज में आएगा, कितने लोग को लगता है कि ये इफेक्ट यूज, यानी आज के ट्रेनिंग से आप इफेक्ट बना करके यूज कर पाओगे, कितने लोगों को लगता है? यस नो में मुझे जवाब चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि आपको ये ऑप्शन से आप कुछ नया कर सकते हो? हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। लगता है सबका आइडिया खुल गया है, सबको आइडिया मिल गया है मुझे क्या बताना था। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच, सबको समझ में आया, सबको नया आइडिया मिला, थैंक यू। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ये मेरा हो गया टाइटल वाला, सॉन्ग इफेक्ट्स हो गई, पेस्टिंग इफेक्ट्स हो गए। हाँ, आप लोग का छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसके अंदर सॉन्ग इफेक्ट के अंदर बेसिकली एक कैटेगरी है हमारी ऑलरेडी नोन है, उसको हम लोग देखते हैं नया में क्या कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एक गाना है बन्नो तेरी अखियां, 14 नंबर सॉन्ग है ये। इसके अंदर ऑटोमेटिकली लड़का लड़की नहीं बदली होता, तो इसके अंदर आपको मैनुअली बदली करना पड़ता है, इसके लिए आपको मैनुअल चेंजेस करना पड़ता है। तो ये याद रखना, 14 नंबर ऑटोमेटिकली लड़का लड़की नहीं बदली होता। तो इसके अंदर आपको राइट क्लिक करना है, प्राइवेट मीडिया में जाना है और इसको मैनुअली लड़का लड़की आपको अपना बॉय गर्ल कपल रिप्लेस करना होगा। इसके अंदर ब्राउज करके आपको डी ग्लोबल फुटेज से, ट्विस्टर के अंदर से, यहां से आपको जो भी लड़का लड़की बदली करना है, यहां से आपको लड़का लड़की बदली कर सकते हो। मुझे गर्ल देना है, गर्ल दे दो, ये मेरा काम हो गया। सो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। किसी का, किसका क्वेश्चन है? हर्षद भाई का है। हर्षद भाई का, हर्षद भाई क्या क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड? सर जी, हेलो। हाँ बोलिए ना। हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट, में आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है। मेरे को है ना उसका लिंक चाहिए था, अपना टाइटल का, अपना 439 और 426 का। वो अभी हम लोग चैट में एक कॉमन लिंक दे देंगे, उसमें आपको जितना ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सर। आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ मैं। ओके थैंक यू, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके थैंक यू सर। और अभी चैट बाकी कस्टमर्स के लिए हम लोग चैट में भी डाल देंगे कॉमन लिंक। ओके थैंक यू वन अगेन। राइट थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ आपका सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन बस थैंक यू। ओके सर, नेक्स्ट है अभिषेक जी मैनपुरी से, प्लीज आप माइक ऑन कीजिए। अभिषेक जी आपको माइक ऑन करना पड़ेगा वहां से। अभिषेक जी से रिलेटेड आपको कुछ भी, मतलब कोई भी डाउट्स है तो आप आज के आज क्लियर करो, क्योंकि कल जो हमारा सेशन है वो उसके अंदर आपका ओपन इंटरेक्शन है। आप लोग अपना जितना भी क्वेश्चन आंसर है कॉपी पेन में नोट करो, जितने भी एडवांस क्वेश्चंस है, कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपको वो नोट करके आना है। कल हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन सेक्शन है और पीसी पे जूम भी इंस्टॉल करके रखना है आपको कंपलसरी। ओके सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर वो जो इफेक्ट जो मैंने सेव किया सर, अभी आपने जो सेव करके बताया सर, हाँ उसमें सर फोटो को मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे करूंगा सर? फोटो ऑप्शन नहीं आएगा वहाँ पे? नहीं आ जाएगा ना। मैंने क्या बताया कि आपने जो यहाँ बदली किया, जैसे आपने यहाँ पे बदली किया, अभी देखो आपको कैसे ऑटोमेटिक बदली होगा। आप जब क्लाइंट का काम करोगे ना, आप इफेक्ट कोई भी इस्तेमाल करो, अभी आप जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्टिंग लगाओगे, मतलब अभी आपने लड़का लड़की कौन दूसरा नया डाला है आपने? जी सर। अभी हमने लड़का लड़की टीजीए बदली किया था ये वाला, अब इसको बस करके एक्सपोर्ट दबा दो, आपका लड़का लड़की ऑटोमेटिकली बदली हो जाएगा। अभी देखो मेरा टाइमलाइन सर, नेक्स्ट टाइम जब दूसरे कस्टमर का सर वीडियो एडिट करूंगा सर, तो उसमें मैं ये यूज करूंगा सर, तो उसमें लड़का लड़की ऑटोमेटिक बदली हो जाएगा इसी से, ऑटोमेटिक यहां बदली किए यहीं से हो जाएगा, यहां काम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है? थैंक यू सर। हां ओके सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर. नेक्स्ट एक्चुअली माइक अभिषेक जी का खुल नहीं रहा है, उनका दो दो दिखा रहा है अभिषेक मैनपुरी. हेलो. हाँ अभिषेक जी. सर आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर. सर आपने एक चीज बताई थी अभी, जैसे फोटो आर्ट में जो बताया था टीजीए फाइल चेंज करने के लिए, नॉर्मली हम जैसे वीडियो से सेव करके एक्सपोर्ट सेव करते हैं तो उसका क्वालिटी डाउन रहता है. तो आपने बताया था जैसे जो हमारे फोटोशॉप से कट करके जैसे टीजीए में कट कर लिया उसको सेव करने से क्वालिटी बढ़ जाती. आपने सर बताया था कि जैसे जो आपने फाइल सेव कर रखी है उसको आपने वापस फोटो आर्ट पे फोटोशॉप पे ऑन किया, ओपन किया, और उसके बाद जो आपकी फाइल फोटोशॉप से हमने कट करके रखी थी उसको रिप्लेस कर दिया. अगर सर हम ऐसे कर रहे हैं, हमने जैसे वो तो हमने सेव कर लिए वीडियो से पहले, आपने जैसे बताया वैसे सेव कर लिए, उसके बाद बॉय गर्ल कपल और स्टैंडिंग हमने ये चारों फोटोशॉप से कट कर लिए, जैसे आपने बताया था जैसे अगर हम उसका साइज प्रॉपर नहीं होगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा. हाँ, तो उस पे मैंने कंट्रोल एन करके न्यू पेपर लिया वही 1920x1080 वाला, और वो फोटो उस पे उठा के डाल लिया और उसके बाद उसको कट कर लिया और टीजीए में सेव कर लिया और उसके बाद वहां जाके उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो वर्क नहीं करेगा? वही तो तरीका बता रहा था मैं अभी. अभी क्या है कि सर आपने जैसे मुझे बताया था आपने वो फाइल ओपन करके उसको रिप्लेस किया और उसको लेयर से हाइड कर दिया था. हाँ, लेयर से हाइड किया. क्यों? क्योंकि मुझे इसका साइज को नहीं छेड़ना है. इसका साइज छिड़ गया मतलब उधर काम आपका गड़बड़ हो जाएगा. इसके अंदर जो आप जैसे जो हमने वीडियो से कट किया था वो तो हमारा साइज जो है वो 1920x1080 वो ऑटोमेटिक आ रहा है. अब जैसे मैंने कोई फोटो अभी फोटोशॉप से खोला, जो भी कैमरे की खींची हुई फाइल होती है वो 1920x1080 नहीं होती है. हाँ, और उसको मैंने एक कंट्रोल एन करके एक न्यू पेपर लिया 1920x1080 का, जिसमें जैसे जिसमें ऑप्शन आता है उससे, और उस फोटो को उठा के मैंने उसके ऊपर डाल लिया जो न्यू पेज दिया था. उसके बाद मैंने उसको वो जो पेपर लिया था न्यू, मैंने लिया था ट्रांसपेरेंट में, और उस फोटो को उसके ऊपर डाल के कटिंग करके टीजीए सेव कर लिया. आपको इसकी इमेज की प्रॉपर्टी यही रखनी होगी इन सिंपल. कहने का मतलब ये है कि आपका डायमेंशन यही होना चाहिए. क्या होता है कि अभी ये जो फोटोशॉप से काटा हुआ है इसकी पिक्चर जैसे इसका रेजोल्यूशन से बात तो 72 है, अगर 300 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा. हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं चलेगा आपका. अच्छा, रेजोल्यूशन 72 ही रखना है. रेजोल्यूशन सेम होना चाहिए. ओके. स्केलिंग साइज नहीं छेड़ना है. आपका पिक्चर का डेप्थ, फील्ड ऑफ डेप्थ तो बढ़ जाता है. देखो अभी ये मैंने स्टील से रखा है, रिप्लेस किया है, तो इसकी पिक्चर की क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी है. ये आप कितना भी जूम करो तो पिक्चर की क्वालिटी सही है. लेकिन यही कि वीडियो से जब स्टील निकालते हैं ना पिक्सेलेट आता है. तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको इसको रिप्लेस करना है तो आपकी कट की हुई फाइल, यानी मैंने अभी कहीं पे कट करके रखी हुई है, मैंने डी ड्राइव में कट, जिस जगह वर्क कर रहे होते हैं उसी जगह मिलेगी वो. हाँ, सीधा आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है मेरा ये पीएनजी फाइल है. अब मुझे इसका साइज कुछ और है, पिक्सल कुछ और है, डेप्थ कुछ और है, मुझे उससे मतलब नहीं है. मुझे सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. इसका साइज भले ही बड़ा हो, मुझे इसको स्केल करके और इसके ऊपर फिट कर देना है, नथिंग एल्स. मुझे फिट करके सेम नाम से सेव एस कर देना है, सेम साइज होनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं करना है. तो मेरा एक्चुअल रेजुलेशन में आएगा और मेरा स्ट्रेच का इश्यूज है वो सब मेरा सॉल्व हो जाएगा. जो सर मैंने सॉफ्टवेयर से जो सेव किया था रेजुलेशन उसका वही रहना चाहिए. रेजुलेशन से अगर छिड़ गया तो वो दिक्कत हो जाएगी. रेजुलेशन छिड़ गया तो यानी काम गड़बड़ हो जाएगा आपका. रेजुलेशन नहीं छिड़ना है, इसीलिए मैं बार बोल रहा हूँ कि इसके प्रॉपर्टी में मैंने कल करके देखा था तो वो जो रेजुलेशन था ना, आपने अभी इसका रेजुलेशन आ रहा 72, ऊपर का साइज जो है वो सही आ रहा है, और जो रेजुलेशन था वो 300 था, तो उसमें थोड़ा उतना क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा था. इसको आप 300 dpi पे भी करके एक बार देख लो, शायद से मेरे हिसाब से ले लेगा. 300 dpi पे भी नहीं सर, ले लिया बट थोड़ा सा वो उतना क्लियरिटी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एकदम बहुत ज्यादा कंट्रास्ट सा महसूस हो रहा था. ठीक, मैं जैसे बताया वैसे उसको किया था कि एक न्यू पेज लिया 1920x1080 का और उसको उसके ऊपर रख के कटिंग करके उसको मैंने उसी फॉर्मेट पे सेव करके वहां रिप्लेस कर दिया था. ठीक है, अभी फिलहाल यही है ऑप्शन सर, इससे आप इस सेम साइज में करना पड़ेगा. ओके, और कोई क्वेश्चन सर इससे रिलेटेड? और ये इफेक्ट तो समझ में आ गया ना आप लोग को? नीचे
हाँ ये सर इफेक्ट, ये सर समझ में आ गया, ये मैं पहले भी एक बारी एनी डेस्क पे लेके इसका यूज कर चुका हूँ। बिल्कुल 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 ओके सर। कल की क्वेश्चन आंसर मीटिंग के लिए यही आईडी पासवर्ड रहेगा? नहीं कल के लिए आईडी दूसरा, कल का अलग रहेगा, वो अभी आपको हम चैट में भेज देंगे 2 मिनट में। ओके यूजर के लिए कल बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है, कल जो है ना हमारी कंटेंट टीम रहेगी जी जी, और उससे आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं कंटेंट रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपको अलग अलग रास्ते दे सकता हूँ, लेकिन कंटेंट रिलेटेड आपको यही आइटम ऐसा करना है तो वो हमारा बंदा एक्सपर्ट बंदा है, दिन रात कंटेंट वाले टीम है, थर्ड पार्टी जो कंटेंट तैयार करती है वो भी टीम आती है, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा रियल टाइम आपके पिक्चर के, आपके पीसीस के ऊपर। तो पीसीस के ऊपर जूम इंस्टॉल जरूर कर लेना, 100 सर ऑलरेडी इंस्टॉल है, हाँ रेडी रहना कल क्वेश्चन आंसर्स के लिए, राइट? ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सुनील जी आपका माइक ऑन करो, सुनील भाई या राहुल जी। हाँ सर। हाँ सर। सर अभी जो आपने ये सुपर स्ट्राइप वाले टाइटल के बारे में बताया था उसमें बॉय गर्ल जो बदली किया था उसमें क्या सर, आपने जो EGSTN में दिखाया था वो 4:3 में आ रहा था, यहाँ पे वो कन्वर्ट होके 16:9 में आ रहा है, तो फोटो स्ट्रेचेज हो जा रही है सर, तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको एक काम करते हैं, स्ट्रेच हो रहा है ना, ये भी यहाँ पे ये 4:3 में खुल रहा है पूरा जो है, मतलब सॉफ्टवेयर का तो 69 ठीक है, ये जो खुला हुआ है 69 ही है। एक सेकंड मैं इसका प्रेफरेंस बदली करता हूँ, ओके करता हूँ, आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, हाँ प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, 4:3 में सर, हाँ इसको हम लोग को 16:9, चलो थैंक यू सर, कंपोजिशन से रिलेटेड है मेरा, जब उसको अपन कर्सर मार्कर पे कंपोजिशन ऐड करते हैं तो कर्सर क्या बैक में चला जाता है, जबकि अपन को तो प्ले करके देखना होता है, तो उसी जगह रहे तो ज्यादा बेटर है सर, उसका एक तरीका है सर, देखो वो क्यों बैक में दिया है ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, अभी मेरे पास एक कॉम्पोजिशन बना हुआ है, दिखाता हूँ, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, मैंने पूरा रिसेप्शन 2 घंटे 8 मिनट का बना के रखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बटन दबाऊंगा ना और मेरे को आप गारंटी, मैं गारंटी बोलता हूँ मेरा गाना का बीट कहीं लिप्स मिसिंग ही नहीं होगा, और सारा के साथ आएगा, आप स्लो मोशन करना है स्लो मोशन करो तब भी मेरा गाने का बीट नहीं छिड़ने वाला, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आइटम मैंने बना के रखा, पूरा शादी का रिसेप्शन देख लो, मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे आपको समझाना है तो एटलीस्ट मुझे तो पता होना चाहिए कैसे यूज करे, तो अप्लाई करने के लिए ये 2 घंटे का फाइल मेरा i7 मशीन है, 2 घंटे का अप्लाई करने के लिए आपको 2 मिनट 20 सेकंड पूरा कंपोजिशन, यानी 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे का फुल मिक्सिंग, मतलब जो मिक्सिंग हमने करके रखा हुआ है रेडीमेड बीट टू बीट हमको जैसा चाहिए वो एक क्लिक पे हो जाएगा, मतलब घंटों काम मिनटों में, वो ठीक है। जैसे दिक्कत कहाँ आती है सर, जैसे बहुत सारी जगह क्या है जो सेरेमनी होती है हल्दी वगैरह जो भाषण का वो क्या आगे पीछे होती है बहुत सारी जगह, तो अपन क्या उसके साथ फिर वो जमाना पड़ता है, फिर वो ऐड करना पड़ता है, तो मैं तरीका बताता हूँ अभी आपको क्यों दिया है उसके रीजन, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी वो डाउट, देखो डाउट क्लियर करना हमारा काम है, ठीक जितने भी इस टाइप के डाउट्स है आप लोग के दिमाग में वो क्लियर करते जाना, क्योंकि आपको आगे जाके बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आने वाले, सही सही, ध्यान रखना जब भी आप एडिटिंग करते हो अगर थंबनेल मोड ऑफ करके काम करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर काफी स्मूथ चलने वाला और बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और मजा आएगा काम करने में, राइट? ध्यान रखना, दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सबने डिसेबल कर दिया लेकिन मोनाकी ऐसा कंपनी जो सारे प्रीव्यू थंबनेल के साथ में देता है, बहुत सारी कंपनी सबने बंद कर दिए थंबनेल, मोनाकी के अंदर दोनों ऑप्शन रखा है, फर्स्ट और एंड वाले थंबनेल के साथ भी बड़े स्मूथ चलता है वैसे तो, अगर पूरा डिसेबल हो जाता है तो। अभी मुझे कंपोजिशन अप्लाई करना है, अब आपने क्वेश्चन किया कि सर मुझे कंपोजिशन अप्लाई करनी है और मेरा गाना पीछे चला जाता है,
तो मैं क्या करूंगा, जैसे कंपोजिशन में आऊंगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैं कैसे आहा, ये मेरी म्यूजिक है राइट, 4:58 तो मैंने क्या किया कि माउस का कंट्रोल दबा के स्क्रॉल दबा के मैंने इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लिया, ये 4 मिनट का जो है ना मेरा लेआउट, ये 4 मिनट वाला ये थोड़ा छोटा कर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 4 मिनट से ज्यादा का फाइल वो बाहर जाने वाला है, तो मैंने क्या किया इतना ले आ और इसको सिलेक्ट किया और इसको जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये आंखों के व्यू के सामने होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा फिर। और हमने इसको क्यों दिया है, क्यों देने के पीछे रीजन है कि आपका एग्जैक्टली कट पोजीशन पे जा करके आपने अगर मार्किंग करके रखा हुआ है, सपोज आपने यहाँ से आपका यहाँ तक सेरेमनी जो है पूजा आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ तक आपका पूजा है, तो आपने क्या किया, आपने एक गाना मुझे अप्लाई करना है तो यहाँ तक ही अप्लाई होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने ये ऑप्शन दिया क्यों, ये बटन दबाया आपने, आपका कंपोजिशन अप्लाई हुआ, मैंने स्टार मार्किंग किया, तो क्या हुआ कि मेरा ये कर्सर पॉइंट लास्ट में गया, तो मुझे क्या होगा, मुझे इजी होगा ऑपरेट करने में यहाँ से, समझे बात को, वो नॉर्मली अपन क्या है जैसे कंपोजिशन ऐड किया तो अपन उसको देखते हैं, मेरे को कहीं ट्रांजिशन तो चेंज नहीं करना, कहीं कोई फुटेज चेंज नहीं करना, इसलिए पूरा रिव्यू करना पड़ता है, नहीं या भी एक टाइम करना पड़ेगा, आप जितना भी बना रहे हो, हाँ एक बार ही करना पड़ेगा, बाकी तो वो सेव हो जाएगा, दोबारा आगे फ्यूचर में वही काम आने वाला है। आपने कितना कंपोजिशन बनाया सर? मैं अभी अपने राजस्थानी में बना रहा हूँ सर। कितने बनाए आपने अभी? तो मैंने 2-3 ही बनाए सर, लेकिन अच्छे वाले बनाए मैंने। तो इसे आने से फायदा क्या हुआ आपका, कंपोजिशन यूज करने से क्या फायदा हुआ आपको? कंपोजिशन यूज करने से सर मेरा जो मिक्सिंग का टाइम बच रहा है, बिट टू बिट जो अपन मिक्सिंग करते हैं, एक्चुअली में पहले क्या है, बिट टू बिट में अपना जो वीडियो फाइल है पूरा उसको सेट करता हूँ एक्चुअली, ताकि मेरा कट भी फाइल के बीच में ना आए वो बिट कट, तो पहले मैं फाइल को एडजस्ट करता हूँ जहाँ स्लो मोशन देना है वो पहले कर लेता हूँ, उसके बाद में एग्जैक्ट पोजीशन पे कंपोजिशन अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा तो एग्जैक्ट वो अच्छे से आता है, परफेक्ट दिखता है। हाँ परफेक्ट दिखता है वो, मतलब जो मेरा बिट टू बिट है वो मेरे वीडियो फाइल में भी नजर आता है, जो जहाँ सीन कट होता है तो वो पूरा अच्छे से दिखता है। ओके ओके ओके, तो अभी बेसिकली इसका रीजन यही था कि हम लोग इसको एंड फ्रेम पे दिया है कि ये वर्क यही है, वो टाइमलाइन को जूम आउट करके आप अप्लाई करो तो आपको व्यू दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक ओके सर। कोई क्वेश्चन है सर आपका? बस सर अभी थी। चलो थैंक यू, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सतीश सर, राहुल जी आपका, ये राहुल जी आपका हो गया ना क्वेश्चन, सरफराज जी? सर मुझे मेंटन प्राइवेट मीडिया के बारे में जानकारी चाहिए, इसका क्या काम है फोटो आर्ट में? मेंटेन प्राइवेट मीडिया एडिट में परफॉर्मेंस में है सर। अच्छा चलो मैं बताता हूँ उसको, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ जी। अभी मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ जी, मेंटेन प्राइवेट सेगमेंट ट्रांजिशन में गया मैं, अभी मैं इंग्लिश में जाता हूँ ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बेस्ट विशेष का इफेक्ट डाला जी, ये बेस्ट विशेष डाला, सेम बेस्ट विशेष गलती से मैंने एक बार और डाल दिया पूरे टाइमलाइन पे, ध्यान से समझना इस पॉइंट को सर, देख रहा हूँ ठीक है। इसको जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इजी एस्टोन में ओपन करता हूँ, तो मैंने इसका जो है वेडिंग डाल दिया ठीक है जी। या ये वाला वेडिंग स्टाइल दे देता हूँ ठीक है, ये ब्यूटीफुल लोकेशन डाला और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर डाला, ओके किया, बन किया। अभी देखो यहाँ पे भी बदली हो गया और यहाँ पे भी बदली हो गया जी सर, क्लियर है जी। यानी एक बार अगर एक ही आइटम को मैं 2 बार यूज करूंगा तो मेरा यहाँ भी बदली हो रहा है, यहाँ भी बदली हो रहा है। अब देखते जाओ, एडिट के अंदर प्रेफरेंस में गया,
अब मैंने मेंटेन प्राइवेट मीडिया ऑप्शन ऑन कर दिया और ओके क्लिक किया और मैंने ये इफेक्ट को दोबारा लाया, इसको थोड़ा बड़ा किया, सेम इफेक्ट है, यहाँ सेम आइटम है, यहाँ पे भी सेम आइटम है, मैंने इसको बदली करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इजी एस्टोन में जाता हूँ, सॉरी राइट क्लिक किया, इजी एस्टोन में गया और मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, बंद किया। अभी यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट है और यहाँ पे मेरा बदली किया हुआ टेक्स्ट है। अब समझ में आ गया, क्लियर डिफरेंस? हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा भी लगा, ये मतलब अभी आया ना, पहले से था ये? नहीं, 8.0 से आया है ये जी। पहले हम लोग करना भी चाह रहे थे तो एक फ्रेम देने के बाद कहीं दूसरे जगह कुछ लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि सभी जगह वही आ, काफी लोग को समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, मुझे चैट में रिप्लाई चाहिए। ये बहुत ही काम का ऑप्शन है, अनबिलीवेबल चीज है, मजा आने वाला है। यानी एक ही इफेक्ट गलती से मैंने रिपीट कर लिया तो मैंने अगर कहीं एक जगह टेक्स्ट बदली किया ये क्या करता था, सब जगह बदली करता था। अभी क्या मैंने क्या किया, एडिट के अंदर गया, प्रेफरेंस के अंदर गया और क्लिप एंड सेगमेंट में मेंटेन प्राइवेट मीडिया ऑन कर दिया तो वही इफेक्ट को मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इसके अंदर अलग टेक्स्ट डाला, सेम फ्रेम के अंदर मुझे दूसरा टेक्स्ट लिखना है, सेम फ्रेम के अंदर मुझे दूसरा टेक्स्ट लिखना है। अगर मैंने यही इफेक्ट को आगे भी इस्तेमाल किया, अगर मैंने मेंटेन ऑन रखा है तो ये मेरा बदली होगा, मतलब ये सेम अलग अलग बदली होगा। अगर मैंने ऑफ रखा है तो सबके अंदर एक बार बदली हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। तो सर ये काम करने के लिए वहां उसको ऑन करके रखना पड़ेगा, मेंटेन प्राइवेट मीडिया? हाँ, वो ऑन रखना पड़ेगा आपको। सर एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं फोटो आर्ट में जैसे बॉय गर्ल कपल कुछ दूसरा कुछ पिक्चर हो मेरे पास तो उसको क्या मैं ऑन कर सकता हूँ, मैंने उसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? जैसे सर फोटो आर्ट में जैसे बॉय गर्ल कपल डिफॉल्ट जाता है तो हाँ, ये प्राइवेट मीडिया ऑन करके क्या मुझे कहीं कोई इफेक्ट में अगर चेंज करना हो, कुछ दूसरा पिक्चर डालना हो तो वो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना, उसके लिए भी तो ऑप्शन है ना इसके अंदर, बॉय गर्ल कपल वाले में, इजी एस्टोन वाले में। मतलब मेरे डिफॉल्ट है वो तो आ रहा है, बीच में कहीं कुछ हमको अलग देना हो तो उसमें मैनुअल देना है तो कर सकते हो, लेकिन कंपोजिशन के अंदर ध्यान रखना ऑटोमेशन अच्छा। आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोई अलग पाथ से यूज किया है तो ऑटोमेशन नहीं मिलेगा, अगर डिफॉल्ट वाली इस्तेमाल करोगे तभी ऑटोमेशन मिलेगा। अभी मैंने यहाँ पे सपोज डाल दिया और मुझे अपना खुद का मैनुअल बदली करना, मान लो रिसेप्शन वाला फुटेज डालना है जी, इसके अंदर रिसेप्शन वाला फुटेज देना है तो मैंने क्या किया, इजी एस्टोन में गया और मुझे इसके अंदर ये रिसेप्शन वाला लड़का लड़की डालना है, ये वाला नहीं डालना है तो मैंने क्या किया, फोटो आर्ट में गया, न्यू पाथ क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेट पाथ में गया और मैंने फोल्डर ले लिया, कहाँ पे मेरा फोल्डर है, मैंने एक्स ड्राइव के अंदर मेरा कोई फोल्डर है, फुटेज कंटेन के अंदर फुटेज में मैंने बर्थडे फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, या चाइल्ड फोटो ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, मेरा बच्चे का फोटो है, मैं इसको ऑल फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मुझे ये बच्चे का फोटो अप्लाई करना है यहाँ पे और उसको बड़े साइज में, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा खड़ा रखना है सपोज करो, ठीक है, मैंने ये अपने हिसाब से मैनुअल बदली कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ये देखो हो गया बदली, आ गया, क्लियर है? हाँ सर, ओके 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 सर, और कोई डाउट फोटो आर्ट से रिलेटेड? नहीं सर, आपने तो बहुत कुछ समझा दिया, समझ में आ गया, एक डाउट था इसी ऑप्शन को लेकर के किस काम का है वो भी समझ में आ गया आज। नहीं आज मुझे अभी आप लोगों से एक फीडबैक चाहिए, किनको किनको आज का ट्रेनिंग लगा कि इम्पोर्टेंट था या नहीं था, यस या नो में जवाब चाहिए मुझे, यस या नो में जवाब चाहिए। आप लोग को समझ में आया कि आज का ट्रेनिंग का सेशन का प्रोग्राम आपको आज से पता था क्या ये ऑप्शन? नहीं सर, इससे पहले तो मुझे पता नहीं था, बस इसको काम करते वक्त मैंने देखा कि ये ऑप्शन है, ये क्या है पूछ लूंगा। ओके, यानी काफी लोगों ने बोला मुझे नहीं पता था, यस मुझे मजा आया, यस मुझे मजा आया, यानी मेरा ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना ध्यान से दिया, मैं थोड़ा डंडा मार के सिखाता हूँ लेकिन प्यार से सिखाता हूँ, डंडा मारता हूँ लेकिन प्यार से सिखाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया तभी ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो पा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी ट्रेनिंग वाले स्टाफ हैं
उनको ट्रेन करो, क्योंकि आगे कोरोना के बाद यानी जो काम आएगा, अभी 50 लोग 60 लोग बढ़ गए हैं, लिमिटेशन बढ़ चुका है, शादियां चालू हो चुकी है, डिलीवरी फास्ट करना है, तो आपके आपको स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ेगा। यानी अगर आपका स्टाफ ट्रेन हो गया तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डबल होने वाला है। ये सब टूल्स आपको स्टाफ के साथ शेयर करना है, अपनी टीम के साथ शेयर करो। अगर लगता है कोई डाउट है तो हमारे ओपन सेशंस में लेके आओ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको हम लोग बता रहे हैं रेगुलरली, और ये रेगुलर क्लासेस अब कंटिन्यू भी रहेगा। यानी आपको जब भी कोई क्वेश्चन डाउट आया, मन में शंका मत पालना, सीधा मोना के जूम ऑनलाइन क्लासेस में आ जाना, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। राइट, सो थैंक यू सरफराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सतीश सर। यस सर, सर आप अनम्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट वैशाली प्रतपन बालाकेशी से, माइक ऑन कीजिए सर आपका। जी सर। जी सर। यस सर, बताइए। पतपड़गंज। उनका माइक बंद हो गया, मैं तो फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ जी सर। सर बोल रहे हैं कि कंपोजिशन जो अपना दिखा रहा है, कंपोजिशन में बैकअप हमको शो नहीं कर रहा है। आपके कंपोजिशन में बैकअप ऑप्शन नहीं शो कर रही है? हाँ सर, ये शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करके बैकअप कंपोजिशन नहीं दिख रहा है सर? ये जो कंपोजिशन खुला हुआ है ना सर। अच्छा, ये पूरा फाइल नहीं दिख रहा है? अच्छा, आपका कहाँ से हो आप सर? सर वैशाली जिला, बिहार। जी, तो आपको पटना से आके कलेक्ट करना पड़ेगा। पटना से आप, पटना तो ऑफिस खुला हुआ है, जाके कलेक्ट कर सकते। सर इसमें जो बना हुआ है पहले का, वो नहीं दिखा सकता यहाँ तत्काल अभी? पहले वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको? जी जी हाँ, उसको भी कर सकते हैं ना। उसको करने के लिए करना क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? पहले आप इम्पोर्ट टाइमलाइन करके यूज करते थे जो भी प्रोजेक्ट। जी 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 हाँ, उनको राइट क्लिक करना है, इम्पोर्ट टाइमलाइन। आप एक ड्राइव से इस्तेमाल करते होंगे प्रोजेक्ट के अंदर? जी जी जी, हिंदी सेरेमनी लिखा होगा ऐसा पूरा बना हुआ था पहले लोग का, पटना वाले लोग। जी सर, जी सर, लोकल रीजनल बनाया हुआ है, जैसे हल्दी में है तो हल्दी के अंदर अभी लेटेस्ट सॉन्ग पे भी लोगों ने बनाया है, तो अभी ओपन किया हल्दी का। और इसको आपको डबल क्लिक करना है, सिंपल डबल क्लिक। जी सर, टाइमलाइन के ऊपर डबल क्लिक किया और इसको देख लेना कि नीचे का बी लेयर आपका खाली होना चाहिए, कंपलसरी बी लेयर जो है ना खाली होनी चाहिए, नीचे का जो ये खाली होगा, ठीक है? जी। और इसको आपको कंट्रोल ए करना है, राइट क्लिक करनी है, सेव एज कंपोजिशन दबाना है, और आपको यहाँ पे फोल्डर कंपोजिशन में आपका अगर नहीं दिखता होगा, आपका नाम क्या हुआ? राजीव। राजीव, तो यहाँ पे देखो मास्टर फोल्डर है और इसका सब फोल्डर है। जी सर, मास्टर फोल्डर बनाना जी राजीव के नाम से, ठीक है? जी। और इसको ये कौन सा सेरेमनी? हल्दी वाला। हल्दी वाला, तो हल्दी लिख दो, ओके कर दो, राइट क्लिक करना, सेव एज कंपोजिशन, और इसके अंदर जाना, राजीव के अंदर हल्दी सेलेक्ट करना, और इसको गाने का नाम दे दो, हल्दी सॉन्ग। अगर आपको पता है कि आपका गाना कौन सा है तो गाने का रेफरेंस भी दे सकते हो, रेफरेंस में जाकर के उसी पार्ट पे देखना, आपका गाना भी पड़ा होगा के अंदर रहता है, जो लोकल कंटेंट होंगे आपके उसके अंदर, रेफरेंस के अंदर यहाँ पे MP3 डाले हुए रहते हैं हल्दी के अंदर, यहाँ पे MP3 रहता है, और इसको सेव कंपोजिशन कर देना, आपका ये सेव हो गया। अगली बार आपको मिक्सिंग में यूज करना है, सिंपल बटन दबाओ, मिक्सिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। क्लियर है राजीव जी? जी सर, जी सर। कोई डाउट है तो हमारी ट्रेनिंग टीम्स का नंबर अभी आपको हम लोग दे देंगे, आप उनसे कॉल करके हेल्प ले लेना अगर कुछ। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जयदीप जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जयदीप सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो बॉयगल कपन जो एक्सपोर्ट करते हैं ना टाइटल में, तो वो और एक सॉन्ग में आपने बताया था बन्नो तेरी अखिया वाला, तो उसको कैसे करेंगे एक्सपोर्ट, वो बता दीजिए। उसको मैनुअल करना पड़ता है सर, बन्नो तेरी अखिया वाला जो है ना वो टोटली मैनुअल काम है। मैनुअल क्यों है? क्योंकि वो बोल के हिसाब से बनाया हुआ है, बन्नो तेरी अखिया
तेरा चूरा है दानी, ऐसा गाना का बीट परफेक्ट बनाया हुआ 14 नंबर सॉन्ग, बनो तेरा जोड़ा, बनो तेरा टीका, बनो तेरे बाली, ये सब जो है ना ये इस्तेमाल किया हुआ इफेक्ट के अंदर, ये वाला बनो तेरी चूड़ी, तो चूड़ी के अंदर लड़की का पिक्चर देना चूड़ी डालते हुए, तो प्राइवेट मीडिया में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्राइवेट मीडिया में जाना है और वो चूड़ी वाला सीन आपको मैनुअली लाना पड़ेगा, ये मैनुअल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक बदली नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा चूड़ी का सीन है, चूड़ी का सीन ले लो, ठीक है, चूड़ी का सीन है तो चूड़ी का सीन डाल दो, फिर मुझे दूसरा सीन देना है, दूसरा डाल दो, तीसरा क्लिप भी बदली करना है, जो जो क्लिप देनी है वो क्लिप बदली कर लो, आपका बदली हो जाएगा। अच्छा हेलो, इसको आपको परमानेंट अभी करना है, अगर परमानेंट करना है अभी ऑटोमेशन हाँ। में फिलहाल के लिए तो आप इसको अपना मैनुअली भी जैसे बदली करके और इसको सेव करके अपने नाम से भी रख सकते हो, बदली करके सेव करके रख दो, इसको डी डिफॉल्ट से डाल दो, लेकिन ये बेस्ट मैचिंग होता है आपका वो बन्नो तेरी अखिया सुरमे दानी जो गाना है ना उसके लिए स्पेशली ये पोर्ट्रेट सॉन्ग बनाया गया। और कोई डाउट है क्या सर इसमें आपको? हाँ तो ठीक है, वो तो फिर इफेक्ट डालने पे ही पता चलेगा ना, अलग अलग इफेक्ट सुनने के। इफेक्ट तो डालनी पड़ेगी, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हमारी टीम से आप बात करना, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, एक ये अपन जैसे टाइटल में फोटो डालते हैं तो जैसे हमको हमारे फोटो डालना जेपेग में खींचे तो वो स्ट्रेच नहीं हो, ऐसा क्या उपाय आप बताया था आपने जेपेग में खींचे हुए? देखो इन सिंपल मैं बताता हूँ, टाइटल मिक्स के अंदर आपको जो भी फोटो डालना है, टाइटल मिक्स के अंदर ऑलरेडी हमारा 16:9 स्केल में, ये देखो मेरा अभी ये फोटो है ना, तो मैंने फोटो आर्ट से डाला है ना, अभी मैंने ये, आपका क्या नाम हुआ? जयदीप चोरे। जयदीप, तो मैंने जयदीप के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया ये प्रोजेक्ट को, मैंने ये टाइटल में फोटो डाला है ना अभी अपना, जेपीजी डालना है अगर आपको तो जेपीजी भी डाल सकते हो, अगर मेरा जेपीजी कहीं पड़ा हुआ है, सपोज करो मेरा पड़ा हुआ है और मैंने फाइल में गया न्यू क्लिक करता हूँ, मैं एक नया बना के दिखाता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ, आपको यहाँ फोटो में जाना है, फोटो में न्यू क्लिक करना है, सेट पाथ करना है और उसके बाद आपको यहाँ एक्स ड्राइव में गए, मैं एक जेपीजी फोल्डर लेता हूँ कोई भी पिक्चर वाली, चाइल्ड फोटो लिया और ओके क्लिक किया, ये मेरा जेपीजी है, ठीक है, अभी क्लियर है सर? जेपीजी आ गया, मुझे इसका बच्चे का नाम, ठीक है, मुझे बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का नाम लिख लिया, फोन बदली करना है, फोन बदली कर लूंगा, मुझे तो फ्रेम सेट करना है, जगह सेट करना है, बेबी नेम या नाम लिख लेना है, ठीक है, मुझे इसको क्रॉस करना है, ये जो भी करना है इसको साइड है, मुझे फ्रेम लगाना है तो फ्रेम दे सकता हूँ, फ्रेम का भी इश्यूज आ रहा है हमारा, आप इसका जेपीजी भी बाहर से फोटोशॉप से बना के आप ला करके लगा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हाँ तो सर स्ट्रेच तो नहीं होगा ना जैसे बाहर अपन, अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ ना, ये मैं पिक्चर ही रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको सिंपल पिक्चर ही डालता हूँ, ठीक है, अभी ये पिक्चर मैंने डाला, ठीक है, डन, मैं इसको फाइल में गया, सेव एज किया, सेव
रहा है। जयदीप किया, मैं गया, डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैंने जयदीप के नाम से सेव किया था। ये फाइल लेके आया मैं, इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं हुआ मेरा, क्लियर है? स्ट्रेस नहीं हुआ ना? हाँ सर, ठीक है। हाँ, इसी को जैसे बैकग्राउंड भी इसका अपन काटेंगे और टारगा में सेव करेंगे अपने ईजी रेस्टोरेंट में, तो भी नहीं होगा ना स्ट्रेस? तो ईजी रेस्टोरेंट में कटिंग कर दोगे तो कटिंग ही आएगा ना, जैसा आप कटिंग करके डालोगे वैसा आएगा। अगर मुझे जैसे कटिंग वाला चाहिए तो मैं कटिंग वाला भी, मुझे इसके कटिंग करना है तो कटिंग वाला भी फोटो डाल सकता हूँ। वही सर, जैसे जेपेग में है उसको टारगा में लेके आएंगे सेव, तो कोई दिक्कत नहीं। वो आपको बस साइज सेलेक्ट करनी है, आपको यहाँ से यहाँ आपका साइज अगर स्केल नहीं है, अगर आपने यहाँ स्केल कर दिया तो वहाँ भी स्केल दिखेगा, अगर आपने यहाँ परफेक्ट रखा है, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट इसका प्रोजेक्ट का सेटिंग बाय डिफॉल्ट एसडी के अंदर, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये जैसे 19-20 में तो फोटोशॉप में भी कैसे सेव करना पड़ेगा? फोटोशॉप में आप कोई भी सेव करके 1920x1080 में उसको सेव करके लाइए, और आप यहाँ पे लाके स्केल भी कर सकते हैं ना, अगर कुछ स्ट्रेच भी होता है इन केस तो आप उसको इसे एडजस्ट भी तो कर सकते हैं यहाँ से, अगर कुछ स्ट्रेच गलती से छूट जाता है तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आप फोटोशॉप में कुछ भी बना के लाओ, टीजीए काट के लाओ, पीएनजी काट के लाओ, आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, उसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे तो बाउंडेशन नहीं है। और कोई डाउट सर इसमें? हाँ, ये क्लियर है सर। और एक क्वेश्चन और था, जो अभी आप क्या बता रहे थे कि वो मशीन स्मूथ चले, कौन सा सिंबल हटाना, तो कैसे हटाते? हाँ, वो वाला ऑप्शन है, मशीन स्मूथ चलाना है, राइट क्लिक करके थंबनेल मोड नन रखना, क्योंकि ऐसे भी हम लोग कर्सर बढ़ा के प्रीव्यू देखते ही हैं। अभी छोटा प्रीव्यू देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग ऐसा कर्सर प्रीव्यू बढ़ा के देखोगे तो बढ़ा के देख सकते हो, उसका ऑप्शन है राइट क्लिक करके थंबनेल मोड, इससे बहुत स्मूथ हो जाएगा, नन रखोगे तो बहुत टाइम स्मूथ चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, आप बहुत फर्क महसूस करोगे। और उससे ही फर्क पड़ता है सर, जिसमें बिगिन और फुल स्टार्टर बिगिन लिखा रहा है, वो उससे कुछ उससे भी स्मूथ में फर्क पड़ेगा, या फुल चल रहे हैं तो जैसे एक फुल का ऑप्शन है सर, एक उसमें एक फुल का भी ऑप्शन है कि पूरा, हाँ फुल व्यू दिखता है पूरा। अरे वो फुल व्यू में और स्लो होगा सर। अच्छा अच्छा, पूरा थंबनेल बनाता है। हाँ हाँ हाँ, पूरा थंबनेल दिखेगा आपको, याद रखो पूरा का थंबनेल दिखेगा। ये थोड़ा अटकेगा, देखो अभी अटकने लगा, थोड़ा अटकेगा। हाँ, इसको लो रखोगे ना उतना अच्छा है, ड्राफ्टेड रखो, नॉन फर्स्ट ड्यूरेशन फर्स्ट और नॉन रखो, मस्त चलेगा, उससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए नॉन रखो, बहुत स्मूथ चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो प्रोजेक्ट जब मिक्सिंग करना है या कंपोजिशन इस्तेमाल करना है तो उस टाइम में तो हमको तो बस सीन ऐसा फॉरवर्ड करके देखना है, अगर मुझे सीन ये यहाँ से यहाँ तक है, मुझे स्टार मार्क दबाना है तो मेरा मार्कर लग गया, यानी इतना के बीच में ही गाना मुझे अप्लाई करना है ड्यूरेशन में, यानी मेरा 5 मिनट से 4 मिनट से लेकर के मेरा 6 मिनट यानी 2 मिनट का गाना अप्लाई करना है, मार्किंग लगा हुआ है, गाना अप्लाई करेंगे अगर कुछ ज्यादा हो गया तो उसको मैं कट भी कर सकता हूँ सिंपली, और कोई क्वेश्चन सर आपका? हाँ बस, थैंक यू सर। वेलकम सर। जी थैंक यू सर। जयदीप सर आप माइक ये कर दीजिए। कृष्णा फोटो स्टूडियो का एक था कि बैकग्राउंड लगा सकते हैं क्या, तो अविनाश सर इसके रिलेटेड है क्या? क्या बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड पता नहीं उनका, एक्चुअली खाली चैट में मैसेज आया कि बैकग्राउंड लगा सकते हैं क्या। कहाँ से है कृष्णा जी? पता नहीं, मैंने उनका माइक ऑन कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है उनका माइक ऑन। कृष्णा फोटो सर आप चैट में लिख दीजिए ना जरा, आप एग्जैक्टली क्या लिखना चाहते हैं कृष्णा फोटो, तब तक हम सुनील जी का ले लेते हैं। मुंबई से है क्या वो? रेवा वीडियो विजन बोल रहे मुंबई से है, गोरेगांव, लेकिन उनका माइक नहीं ऑन हो रहा है ना, माइक ऑन करेंगे या चैट में लिखेंगे तो समझेगा, तब तक सुनील साहू जी का ले लेते। सुनील जी आप माइक ऑन कीजिए।
सुनील जी हेलो, सुनील साहू जी डोनागर, हेलो सुनील साहू सर, सुनील साहू सर आपको आवाज आ रही है तो आप कीजिए, इजी एस्टोन में बैकग्राउंड चेंज पूछ रहे हो उनका माइक, कृष्णा सर आप माइक ये कीजिए ना आपका, कृष्णा फोटो माइक ऑन कीजिए सर आपका, इजी एस्टोन में क्या बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो डाल सकते हैं, यहां से बैकग्राउंड ऑप्शन है मेरा, फोटो डालना है, इस टाइप से बैकग्राउंड तो दे सकते हैं इसमें सर, उनका माइक ऑन नहीं हुआ सतीश सर, सुनील जी, सुनील सर, हेलो सुनील सर, सर अगर फुल मिक्सिंग पे लोगो सेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लोगो चाहिए या नॉर्मल लोगो चाहिए, विजिबल चाहिए या ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट चाहिए, भगवती वीडियो नॉर्मल, ठीक है आपको सर उसके लिए ना लोगो डालना है ना, तो लोगो आपको तो पहला आपका खुद का एक स्टील फाइल ले लो, मतलब जो भी लोगो आपने एनिमेटेड लोगो है आपका वो वाला, आपने अगर लोगो बना के रखा है, मेरा जैसे मेरा खुद का मोनाक का लोगो है, मैंने इसको ले लिया और मैंने इसको लाके ब्लैंक जगह पे रख लिया, और मुझे ये क्या करना होगा, मुझे स्टार्ट से एंड तक सेम पोजीशन में रखना है, तो मैंने क्या किया स्टार्ट से एंड तक मैंने इसको सिंपल खींच लिया, अब मुझे इसका साइज जो है सेट करना है कि कहाँ रखना पोजीशन कहाँ रखना है, तो मैंने यहाँ से पोजीशन इसका बना लिया और मैंने इसको पोजीशन सेट कर लिया, यहाँ राइट में चाहिए यहाँ पे एम का, तो मैंने राइट साइड में एम रख दिया और ये मेरा सिंपल एक तैयार हो गया, तो इस टाइप से आप लगा करके रख सकते हो लोगो आपका, अगर सेमी ट्रांसपेरेंट बनानी है, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी अगर पूरे मिक्सिंग के ऊपर विदाउट लेयर छिड़े हुए, तो वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं उसका, आपको उसको लोगो बनाने के लिए बेसिकली मास्क में जाना होगा, मास्क के अंदर जहां से आपको प्राइवेट मीडिया सेट करना होगा, यहाँ पे मास्क टेक्सचर डाल करके आपको एक कितना साइज में रखना है वो सेट करना पड़ता है, और अगर आपने फिल्टर में सेव रखा है तो आप उसको ऐसा मैन्युअली यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका लोगो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे देखो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये ऐसा सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा आपका, तो उसके लिए आपको जो फिल्टर है वो आपको सिंपल कोई भी आपको स्टील के ऊपर आपको एक फिल्टर रखनी है, एक कोई भी क्लिप के ऊपर, उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ कलर डाल दो, वीडियो फिल्टर में जाओ, वीडियो फिल्टर में जाने के बाद डिफॉल्ट में जाने के बाद आपको मैग्नीफाइंग डालना है, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग अप्लाई करोगे तो इसका ये फ्रेम दिखता है राइट, अब ये फ्रेम के अंदर आपको अगर सेट करना है, ब्राउज करो और इसके अंदर आप अपना लोगो डाल दो, जो भी लोगो आपको अप्लाई करना है, ये लोगो अप्लाई हो गया मेरा, ठीक है।
ठीक है, ये डमी है, ये डमी है, तो आपको ऐसा बनाने में थोड़ा सा एक टाइम टाइम जाएगा। मुझे इसको जूम कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से जूम छोटा बड़ा करना है, इसका सेंटर पोजीशन बदली करना है, तो यहाँ से सेंटर पोजीशन बदली होगा मेरा। यहाँ देखो आपका सेंटर पोजीशन बदली हो रहा है, मैं इसका कलर बदली कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबिलिटी आए। मैग्नीफाइंग में गया, यहाँ पे आपका सेंटर है पोजीशन, आपको कहाँ रखना है आपको डिसाइड करना है, सेंटर वाई प्लेस आपको ऊपर नीचे रखना है। सेम तरीके से आप बना सकते हो इसको, आपको स्केलिंग करना है, ये मुझे छोटा बड़ा करना है। ये थोड़ा क्रिटिकल जॉब है लेकिन हो जाता है आपका काम। अगर इसका प्रीसेट चाहिए तो मैं प्रीसेट दे दूंगा आपको, यहाँ पे साइज यह दिखता है मुझे लेकिन आपको शायद आउटपुट पे नहीं दिखेगा। और इसको मुझे सेंटर थोड़ा सेट करना है, ये थोड़ा ट्रिकी आइटम है, इसके लिए थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रहा होगा आउटपुट पे, लेकिन ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा व्यू आता है उसका। मैंने ऊपर सेट कर लिया और इसको सेव कर देता हूं। इसको सेव कर दिया, इसको डिलीट करता हूं। अभी जो मैंने बनाया उसको मुझे अप्लाई करना पूरे फुल मिक्सिंग के ऊपर, वो लोगो अप्लाई करनी है। तो मैंने क्या किया, यहां पे गया, मैं पहले वाला रिमूव करता हूं। इसकी प्रीसेट चाहिए तो मैं प्रीसेट डाल दूंगा अभी आप लोगों को, आपके रेफरेंस के लिए। अभी मैंने मैग्नीफाइंग लोगो बोल करके बनाया था, ओके क्लिक किया। यहां आपको राइट साइड में देखो, यहां पे आपको सेमी ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा, इधर ये देखो, यहां पे मैंने अभी बनाया, वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है लोगो, राइट साइड में आप जो देखेंगे। तो नेक्स्ट सतीश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट वही कृष्णा फोटो सर का माइक नहीं ऑन हो रहा है। कृष्णा फोटो हेलो, उन्होंने उनका चैट में से प्रॉब्लम था, लोगो घूमता हुआ आना चाहिए लास्ट तक, माइक खराब है। ओके, माइक खराब है उनका। कृष्णा फोटो का कल आप माइक रेडी करके रहो, आज भर का टाइम है, मार्केट खुलेगा कल दो बजे। आपका नंबर चैट में दे दो तो हमारी टीम कॉल कर देगी, कॉल कर लेगी और आपको एनी डेस्क दे देगी। और नहीं तो कल राहुल, कल के लिए भी, कल भी आप राहुल, राहुल सर 3D टाइटल को कोई शेप में बना सकते हैं क्या, जैसे राउंड 3D टाइटल को? यस सर। हाँ राहुल जी बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, जब हम टाइटल बनाते हैं 3D टाइटल का, वो एकदम सीधी लाइन में आता है, उसको अपन राउंड शेप देना चाहें या कुछ उस तरह का नहीं हो सकता उसमें? 3D टाइटल को राउंड शेप करना आपको? हाँ हाँ, तो फॉन्ट से भी, फॉन्ट भी आते हैं वैसे तो, फॉन्ट फॉन्ट से ही हो जाएगा। वो नहीं, जैसे सीधी लाइन में चलता है, सीधी लाइन में है अपना टाइटल, उसको जैसे वेव फॉर्म में देना है या ऐसे राउंड शेप में, जैसे किसी सर्कल के ऊपर नहीं लिखते अपन, ऊपर लिखना है या नीचे लिखना, उस तरह से बना के। मुझे आप सैंपल थोड़ा शेयर करोगे क्या, कोई है क्या आपके पास? सैंपल तो सर अभी नहीं है, जैसे मान लो कोई सर्किल है या सर्किल के अंदर कोई लोगो है, उसके ऊपर अपन को लिखना है राउंड में, कर्निंग कर्निंग बना के लिखते ना सर, जैसे तिरछा कर्निंग टाइप में, उस तरह से। आप मंडे के, आज इस बार इस वीक के मंडे सेशन में नहीं थे क्या आप? नहीं सर, नहीं सर। ओके, इसके लिए आपका मंडे का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पेनल्टी यही है।
वो मैं देख लूंगा सर, वो मैंने देखा भी था टाइटल का, लेकिन उसमें इस तरह राउंड का नहीं था, उसमें 3D उसका टाइटल का इफेक्ट का राउंड बेवल था, था राउंड बेवल है, हाँ हाँ उसी तरह का कुछ, वो देख मैं देखता हूँ सर सर ना यार, फिर उसको देखना पड़ेगा, वो आधे घंटे का, आधे घंटा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक 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 सर, ठीक है ठीक, ओके सर, ओके ठीक है। ठीक है, कृष्णा फोटो सर आप आपका नंबर शेयर कर दो। सुनील भाई ने लिखा है मुझे पुराना डेटा डिलीट करना है, पुराना डेटा डिलीट, ठीक है सुनील भाई से पूछ लेते क्या लिख रहे हो। सुनील भाई का माइक ऑन करके, सुनील भाई माइक ऑन किया आपका, हेलो 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 हेलो, हाँ सर बोलिए सर, मेरे को एक लोगों के बारे में और जानना था, जैसे सर न्यूज चैनल सब का जैसे आज तक का सर लोगो है, वो लोगो सर मूविंग रहता है सर, वो लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखो मैं अभी लोगो बना के दिखाता हूँ सर, ये इमेज वाला लोगो तो मैं बनाया, वो जैसे आपने बोला ये मैं बना के रेडी किया हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है वहां पे, बट वीडियो वाला लोगो सर चाहिए। देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, एक बार मेहनत करना पड़ेगा जी सर, ठीक है। अभी मैंने ये लोगो डाउनलोड किया, ये नेट से मैंने डाउनलोड किया, अब कैसे बना ये आपको समझ में आया? वो तो मैं समझ गया सर, सेट करना भी आता है मेरे को, ये तो ग्रीन बैकग्राउंड क्रोमा की यूज से करके इसका साइज छोटा करके कॉर्नर में डाल दूंगा, इससे सेट हो जाएगा सर, बट मेरे को ये लोगो से बनाना है सर, जैसे कोको कोला राउंड में घूम रहा है सर, तो इसी में अगर सर फुटेज के साथ सर, जैसे मंडे का क्लास नहीं ज्वाइन किया आपने सर? ज्वाइन किया था सर, तो उसमें 3D टेक्स्ट में ऐसा एनिमेशन बनता है अपना? हाँ एनिमेशन था सर, बट उसके साथ फोटो भी मेरे को मूव करना था सर, फोटो भी मेरा जो लोगो है सर उसमें सिर्फ जैसे कोको कोला का है सर यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे जैसे कोको कोला का कैन भी आना चाहिए सर। हाँ कैन भी आएगा, तो कैन आपका 3D चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट चाहिए जी सर, 3D बनाना है, तो 3D बनाना है तो उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट या 3D मैक्स का सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना होगा। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लगेगा सर, हम 3D टेक्स्ट बनवा सकते हैं लेकिन उसके अंदर 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते सर, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, ये 3D टेक्स्ट बना सकते हो। एक तरीका है, एक सेकंड रुको, अगर आइडिया लग गया तो हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। एक तरीका है, जैसे आजकल काफी सारे फॉन्ट्स जो है ना सिम्बोलिक फॉन्ट आते हैं, सिम्बोलिक फॉन्ट्स पता है? जी सर जी सर, तो अभी यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक फॉन्ट लेता हूँ, सपोज ये वाला, ठीक है, अब मैंने स्टार मारा, ठीक है, अब मैंने स्टार डाला ओनली, ठीक है, स्टार का मुझे डेप्थ बढ़ाना है, मैंने डेप्थ बढ़ा दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, क्लोज किया, अब मैंने स्टार डाला, अब स्टार को इसको रोटेट करता हूँ सिंबॉलिक, ठीक है, इसका मैं रोटेशन में जाता हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी रोटेशन है मेरा, ये देखो अभी हो गया 3D मेरा जी सर। राहुल जी क्लियर? जी सर हो गया क्लियर सर। आइडिया कुछ क्लिक किया? मिल गया सर आइडिया, वो मैं 3D ऑब्जेक्ट में बना के उस पे शिफ्ट कर दूंगा। बस समझदार के लिए सारा काफी है। अभी आप देखो, अभी ये मैंने डाल दिया, आपने समझ लिया, लेकिन बाकी लोग को समझाना जरूरी है जी, अभी जी, देखो मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये ट्रिक था, ये एक्चुअली ट्रिक क्या है,
कि आपको काफी सारे फॉन्ट्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जो सिंबॉलिक फॉन्ट बोलते हैं हम लोग, सिंबॉलिक फॉन्ट, उसको मुझे 3D टाइटल बनाना है अपना, तो सिंबॉलिक फॉन्ट का इस्तेमाल करके आपको अपना सिंबल खोजना पड़ेगा कि आपको कौन सा सिंबल देना है। जैसे मेरा भी यहाँ पे, मैं इसमें जाता हूँ सिंबॉलिक फॉन्ट के अंदर, कोई सा एक सिंबॉलिक फॉन्ट लेता हूँ, इसको नाम देना है, ठीक है ठीक है। अभी मुझे हार्ट का देना है या कौन सा शेप का देना है, तो ये आपसे आपको सिंबॉलिक फॉन्ट लेना होगा, और उसमें सिंबॉलिक फॉन्ट का अगर हेल्प लेना है तो आपको कैसे जाना होगा, कैरेक्टर मैप में जाओ, विंडो के अंदर कैरेक्टर मैप होता है, आपको कौन सा सिंबल डालना है, ठीक है, कौन सा सिंबल देना है आपको, यहाँ से सिंबल सेलेक्ट करनी है, सिंबल फॉन्ट लेना है। जैसे ये मेरा सिंबल फॉन्ट है, इसके अंदर लूटिया के बाद है, लूटिया मोल करके है, उसके बाद नीचे है, तो मैं लूटिया के जस्ट नीचे वाला मैं आता हूँ, एल 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 एल, तो ये मेरे सिंबॉलिक फॉन्ट है, तो इसके अंदर कौन से सिंबल से क्या बनता है, जैसे मेरा हार्ट से ये बनता है, मेरा ये हार्ट ऐसा बनना है, या मुझे ये दिल पेंटिंग वाला बनाना है, ये मैं बनाना है, मतलब ये मुझे है, मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया, मतलब मुझे जो भी अपना बनाना है, तो यहाँ से मेरा 3D, एक तो 3D यहाँ से बन जाएगा, और मुझे यहाँ से फिर फॉन्ट बदलना, मैंने यहाँ से फॉन्ट बदली किया, वीडियो ठीक है, यहाँ पे स्टार वीडियो डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, स्टार का अगर मेरा आइकॉन अगर मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी इन शॉर्ट आपको सिंबॉलिक फॉन्ट का इस्तेमाल करना होगा, आपका काम हो जाएगा जैसा आपको चाहिए, जैसे आप जो सिंबॉलिक फॉन्ट बोल रहे थे ना, जी सर जी सर, एक मिनट मुझे, इसमें कैरेक्टर मैप का पूरा हेल्प लगेगा आपको, ओके सर, पूरा कैरेक्टर मैप आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कौन से टेक्स्ट से क्या लिख रहा है, जैसे अभी हार्ट शेप है तो हार्ट का शेप जो है कितना जाना चाहिए, इतना डेप्थ होना चाहिए, क्लोज किया, अब मैंने प्ले किया, अभी मेरा कोको कोला लिखा हुआ आ रहा था, अभी मेरा क्या लव वीडियो है या कोई भी वीडियो है, तो मेरा सिंबल दुकान का डाल देंगे, और सिंपल ये 360 डिग्री में मेरा हो गया, और मुझे इसका पोजीशन बदली करना है, पोजीशन फिक्स करना है, पोजीशन ऊपर लेना है, जेड पोजीशन मुझे यहाँ पे छेड़छाड़ करनी है, जेड पोजीशन मुझे थोड़ा कम करना है, ज्यादा करना है, मैंने इसको जेड पोजीशन अपडेट किया, और ये राइट में लेके आता हूँ, ठीक है, अब मेरा हो गया, खुद का लोगो बन गया, क्लियर क्लियर, कैसा आइकॉन लेके आओ मुझे नहीं पता, फोन मिल जाएगा काफी सारे फॉन्ट है ऐसे, देखो ऐसा नहीं है, काफी सारे ऐसे, मतलब ये आइडिया आप जैसे क्वेश्चन किए ना, तो मेरे को आइडिया क्लियर किया कि मैं आपको कैसा आंसर दे सकता हूँ, तो मैंने जो आइडिया लिखा मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए, राइट, अभी इसको आप सेव कर लो अपने लोगों के नाम से, इन फ्यूचर आपको काम आएगा, जी सर, जनरेटर में जाओ यूज करो जितना मर्जी, अभी हो गया, ओके सर, क्लियर सर डाउट, और बोलिए, क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सतीश सर, लगता है क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं, सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का काफी सारा क्वेश्चन था, डाउट्स क्लियर हुए, कल सेम टाइम 2 बजे अपना सेशन स्टार्ट होगा, राइट, 2 बजे वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 से 5, इसके अंदर 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन होगा आपका, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर, आईडी पासवर्ड डालने के लिए, आईडी पासवर्ड, सतीश सर आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं क्या सर आप,
सतीश सर, सतीश सर आईडी पासवर्ड प्लीज। आपको आईडी पासवर्ड इमीडिएटली हम लोग दे रहे हैं। सो लोगो आईडी एक सेकंड, मैं आईडी अवेलेबल करा दे रहा हूँ आपको। अर्गिनी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नोट करके रखिएगा, कल 2 बजे हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको हम रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड अभी हम अवेलेबल कराएंगे। मैंने शेयर कर दिया चैट में आईडी पासवर्ड कल का। कहाँ पे है सर? अभी चैट में डाल दिया। अरे सॉरी, मैंने प्राइवेट करके डाला, एक मिनट में सबको डाल देता हूँ। कर दिया चैट में मैंने, कर दिया। तो ये कल का हमारा आईडी पासवर्ड है सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर जूम मतलब ये डिस्कनेक्ट होगा तो आपको ये आईडी पासवर्ड मिलेगा नहीं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। आईडी पासवर्ड भी हमने शेयर कर दिया है, लिंक भी दे दिया है, और पीसीस के साथ रेडी होके आना है आप लोगों को। सतीश सर आपको कुछ बोलना है? सतीश सर हेलो, सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समय दिया। फिर कल मिलते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया प्लीज नोट कर लीजिए। आईडी पासवर्ड चैट के अंदर दिया हुआ है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कल आपके जितने भी डाउट्स हैं या आपको ऑपरेटिंग रिलेटेड है, आप अपने पीसी के साथ आ सकते हैं। 2 से 5 हमारा सेशन चालू रहेगा। यस, कल आईडी पासवर्ड कल का प्लीज कॉपी कर लीजिए और उसमें आप ज्वाइन हो जाइए हमारे व्हाट्सएप पे, और हमारी ट्रेनिंग टीम का भी नंबर है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 2 मिनट में बंद कर देंगे सेशन, तो चैट की सब मैसेजेस चले जाएंगे। तो आप प्लीज कॉपी कर लीजिए आईडी पासवर्ड चैट से। ओके अविनाश सर, थैंक यू एवरीवन। हम अभी यहाँ पे ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं दोबारा।